हेलो ब्रीमन नमस्कार गुड मॉर्निंग वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी हिंदी मैं प्रोफेसर सुनील अभिव्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं एक यूपीएससी इंटरव्यूअर हूँ सिविल सर्विस मैगजीन का संपादक लेखक दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर एन अकेडमी का एजुकेटर चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी जर्नी क्लास एर्थ की एन मॉडर्न इंडिया शानदार दानदार आज हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास आधुनिक भारत का इतिहास और प्रिलिम्स यानी यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिलिम्स के लिए उसके साथ साथ दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे यूपी UP, यूपीएससी के ऑप्शनल हिस्ट्री के लिए यहाँ पर आज बहुत बहुत कुछ आपको मिलेगा और उसके साथ साथ यानी जनरल स्टडीज पेपर वन मेंस हिस्ट्री में आपके यूनिट नंबर टू एंड यूनिट नंबर थ्री यानी अठारहवीं शताब्दी के मध्य से लेकर आधुनिक भारत तक का पूरा इतिहास महत्वपूर्ण व्यक्तित्व घटनाएं और मुद्दे उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अगली यानी यूनिट थ्री स्वतंत्रता संग्राम इसके विभिन्न चरण और इस इन चरणों में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व तो हम आज यानी आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा सेक्शन लेने वाले हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत मजा आएगा मतलब हम पढ़ेंगे नहीं मतलब एक आ, मैं सभी बच्चों से कहूँगा आप सब अपनी अपनी एन ओपन कर चुके होंगे बट हमें ना मज़ा लेना है मतलब जैसे महसूस करना है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी आएगा कि मुगलों को परास्त किया अंग्रेज़ों ने और फिर उसके बाद भारत अंग्रेजों के अधीन हुआ तो हमें आनंद लेना है कि आखिर वो कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं जो मुग़लों के पतन के कारण बने और अठारहवीं शताब्दी में अंग्रेज़ों के एस्टेब्लिशमेंट के कारण बने इंडिया में एक पावर के रूप में सत्रह के प्लासी और फिर सत्रह के बक्सर के युद्ध के बाद एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में वो कैसे स्थापित हो गए ऐसा क्या कारण रहा कि मराठे जो इतनी बड़ी ताकत थे वो यानी अंग्रेज़ों से पीछे रह गए बहुत सी बातें बहुत सी बातें छोटी छोटी बातें आपको इंजॉय करना तो आज आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग यानी अंग्रेजी शासन की स्थापना से लेकर के और फिर आज़ादी तक के भारत का इतिहास संपूर्ण इतिहास पढ़ेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए क्लास एर्थ के एनसीआरटी से अपनी जर्नी यहाँ पर हम लोग और सबसे बड़ी बात है बार बार एक ही बात कहूँगा यानी एनसीआरटी एनसीआरटी का नाम है हमारे अतीत पार्ट तीन क्या नाम है बच्चा लोग हमारे अतीत पार्ट तीन एनसीआर का नाम है और ये है विज्ञापन आज विज्ञापन होगा याद रखे दो मिनट बस तो विज्ञापन में सबसे पहले विज्ञापन है मंडे टू संडे सिक्स पीएम चलने वाले द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस का मेरे प्यारे बच्चे जो भी नए बच्चे एनसीआर की मेरी क्लास देखेंगे उन्हें ये याद रखना है अगर आप एक्चुअल में यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज भी क्लियर करना चाहते हैं ध्यान रखिएगा कोई सा भी स्टेट सिविल सर्विसेज़ और जिनका सिलेबस यूपीएससी के बिल्कुल समान है उनके लिए तो ये अपरिहार्य है कि आपको ये तीन अखबार हिंदुस्तान के हैं पहला अखबार होता है द हिंदू बिजनेस लाइन दूसरा अखबार होता है द हिंदू तीसरा अखबार है द इंडियन एक्सप्रेस इन अखबारों को यानी पढ़ना चाहिए और ये तीनों अखबार मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको मंडे टू संडे शाम को छः बजे एडिटोरियल इनके जो भी ये देख सकते हैं आप बेहतरीन एडिटोरियल्स हैं वो मैं कराता हूँ और कराता ही नहीं हूँ उसका आई क्यू आई पी करता हूँ यानी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसका इंटरलिंकिंग करता हूँ यानी कि जो भी एडिटोरियल हम पढ़ते हैं हमारे सिलेबस में उसकी इंपॉर्टेंस कहाँ है यानी प्री में मेंस में वो मैं बताता हूँ इसका मतलब ये अखबारों को यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से मैं मोड़ देता हूं उसके बाद एक मिनट <laughs> उसके साथ साथ प्रिलिम्स टेकवे यानी प्रिलिम्स के लिए उसमें क्या इंपॉर्टेंट है उस पर स्पेशल ध्यान दिया जाता है और एक डीप कॉन्सेप्ट टॉक कराया जाता है और उसके साथ साथ आपकी एक यानि डिक्शनरी बनवाई जाती है जिसमें प्रतिदिन अखबार में कुछ इनोवेशन मैं करता हूँ यानी नए नए शब्द आपको सिखाए जाते हैं नए नए टर्म्स आपको सिखाए जाते हैं जो आपके वकैब आपके शब्द को बड़ा कर देते हैं अब आप कहेंगे सर ये शब्द कोश क्या होता है बड़ा करना क्या होता है वकैब को बड़ा करने का मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चों कि आप जब प्रश्न मुख्य परीक्षा में लिखने जाते हैं चाहे आप चाहे आप निबंध का प्रश्न लिखने जाते हैं या जीएस वन टू और थ्री का प्रश्न लिखने जाते हैं आपको शब्द कम नहीं पढ़ने आपको शब्द कम नहीं पढ़ते हैं अदरवाइज आप कोई एक प्रश्न लिख के देखिए चार पंक्ति के बाद आपके पास शब्द ही खत्म हो जाते हैं तो ये ये चीजें मैं कराता हूं आप सबको जुड़ना चाहिए उसके बाद इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अकेडमी तो एक बार सब प्रॉमिस कीजिए कि मंडे टू संडे सिक्स पी आप द हिंदू ये ती, तीन अखबार हैं ये अलग अखबार है ये अलग अखबार ये अलग अखबार है इसकी क्लास में आप अवश्य जुड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन एकेडमी वाई अन एकेडमी यानी अन एकेडमी पर आपको एडमिशन क्यों लेना चाहिए तो सबसे पहला वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर है यानी इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको यहाँ मिलेंगे उन्हीं में से एक मैं और ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस है यूपीएससी को पढ़ाने का और क्या क्या मेरी उपलब्धियां हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं तो जो भी बच्चे यानी एडमिशन लेना चाहेंगे अनएकेडमी के ऐप पर मेरे कोर्स से यानी एश के लाइव कोर्स से वो ये इन्फॉर्मेशन जरूर पढ़ लेंगे जिससे मेरे विराट अनुभव का पता चलेगा कि वह एक सुरक्षित हाथों में एडमिशन लेने जा रहे हैं एक अनुभवी टीचर से पढ़ने जा रहे हैं इसलिए ये महत्वपूर्ण है इसके बाद बहुत कुछ है मतलब आप अनएकेडमी पर प्री मेन्स इंटरव्यू सब कुछ यानी सिलेबस कंप्लीट कराने से ले के आपको प्रिंटेड नोट्स मिलने तक एन से ले के एडवांस स्टेज की बुक तक सब कुछ यहाँ कराया जाता है ध्यान रखिएगा और यहाँ से टॉपर्स निकलते हैं 2020 में 170 से ज़्यादा टॉपर यहाँ से निकले 2021 में 178 प्लस से ज़्यादा टॉपर यहाँ से निकले ध्यान रखिएगा तो एक बहुत बेहतरीन ये प्लेटफॉर्म है और प्लस और आइकॉनिक दोनों में से यानी यह कोर्स की कैटेगरी होती है आइकॉनिक में अन एकेडमी की तरफ से पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है तो अगर आपको पर्सनल मेंटोरशिप वाला चाहिए तो आप आइकॉनिक लीजिए नहीं तो आप प्लस लीजिए और आप एडमिशन लीजिए और एडमिशन लेने के लिए आपको एस के लाइव कोड अगर आप यूज़ करते हैं तो जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होता है वो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा नंबर वन दूसरा यानी एस के लाइव कोड अगर आप यूज़ करते हैं तो आप मेरे ग्रुप का एक हिस्सा बनेंगे ये ध्यान रखिएगा इसके साथ साथ जीरो परसेंट ई पर आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं और ज़ीरो परसेंट इंटरेस्ट रेट रहेगा आपका और अगर आप यहां पर आते हैं तो आपको मुझसे कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स करने का मौका मिलेगा इसके अलावा जो विषय मैं नहीं पढ़ाता हूं वो मैं बताऊंगा कि किस किस टीचर से आपको पढ़ना है यानी कंप्लीट आपका एक पिक्चर रहेगा और दो हज़ार और पच्चीस इन तीनों बच्चों के लिए मेरा फाउंडेशन कोर्स बहुत महत्वपूर्ण है आप एडमिशन ले, ले सकते हैं और अपनी यूपीएससी की तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं बहुत जल्द ही मैं हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लासेस यहाँ पर शुरू करने वाला हूँ ध्यान रखिएगा अब आता है कि मैं क्यों पढ़ाता हूँ हिस्ट्री यानी यदि जी हमेशा ध्यान रखेगा तो हिस्ट्री इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मैंने बी इतिहास से यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया है आप देख सकते हैं इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ही मैंने एम फर्स्ट क्लास यानी बी फर्स्ट क्लास एम फर्स्ट क्लास मैंने यूनिवर्सिटी इलाहाबाद से किया है हर जगह आप देख सकते हैं यानी अच्छे मार्क्स के साथ मैंने फर्स्ट क्लास बी ए भी एम ए भी उसके बाद फिर मैंने इसी विषय से यू जी सी यानी यू जी सी का नेट क्वालिफाई किया है दो हज़ार तेरह में इतिहास विषय से, से ही आप इसको भी देख सकते हैं और इसके बाद मैं एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में मेवाड़ यूनिवर्सिटी जिसकी यानी कई शाखाएं हैं जिसमें मेवाड़ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नाइज़ीरिया भी है तो हम मैं उसमें प्रोफेसर हूँ इतिहास विषय का तो और उसके साथ साथ मैंने इसी इतिहास विषय से यानी यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया है बच्चों तो ये जो मैं प्रमाण देता हूँ कि मैंने ये ये किया है इसलिए कि जिससे आपके और मेरे बीच में एक गहरा संबंध बने कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं वो केवल यानी ऐसे खड़े होकर के टीचर नहीं हो गया कि कंटेंट है देख रहा है पढ़ा रहा है एक विराट अनुभव है यानी अपनी तैयारी करने का आई का इंटरव्यू देने का और उसके साथ साथ पीछे इतिहास विषय को इतना पढ़ने का तो इसलिए मैं यह देता हूं कि आपका और मेरा विश्वास बहुत गहरा हो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम आवर पास थ्री और एक चीज़ है विश्वास गहरा होना महत्वपूर्ण क्यों होता है जैसे देखिए तुलसीदास के बारे में है कि तुलसीदास पहले तुलसीदास नहीं थे यानी अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे अपनी पत्नी से आप सबको पता हुआ कि उनकी पत्नी जब मायके चली गई तो मतलब उनको अपनी पत्नी से मिलने का विश्वास था अपनी पत्नी से मिलने का विश्वास था और जो कहानी प्रचलित है जो क्यों दंतियां प्रचलित हैं उन कहानियों में उन क्यों दंतियों में क्या कहा जाता है उसमें यही कहा जाता है कि अपनी पत्नी से मिलने के लिए पॉइंट को समझिए यानी एक लाश आ रही थी जैसे नदी पार करनी थी लाश आ रही थी उसको उन्होंने नाव समझ लिया यानी उन्हें कुछ किसी चीज का कोई ध्यान ही नहीं है बस टारगेट ध्यान है उन्हें विश्वास है कि मैं अपनी पत्नी तक पहुंच जाऊंगा और फिर उसके बाद जब घर के पास पहुंचे मैं शॉर्ट में बता रहा हूं तो सांप को रस्सी समझ लिया और सांप को आप बताइए सांप से आदमी डरता उन्होंने उसे रस्सी समझ लिया उन्हें विश्वास था कि वो अपनी पत्नी से मिलेंगे वहाँ तक पहुँचेंगे अपने प्रेम पर विश्वास था और फिर देखिए वो पत्नी तक पहुँचते और वहाँ जो कुछ भी होता है उसके बाद वो तुलसीदास बन जाते हैं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है यानी आप कुछ भी कर सकते हैं तो आपके अंदर अपने प्रति अपनी मेंटोरशिप के प्रति अपने एक अच्छे एजुकेटर होने के प्रति आपके विश्वास को मजबूत बनाने के लिए ये सारे एक्सपीरियंसेस मैं दिखाता हूँ जिससे कि आपको इस यूट्यूब की दुनिया में जहाँ पर डिसंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन का पूरा एक ज़माना एक एक पूरा जंजाल है एक जंगल है वहाँ पर कम से कम मैं आपको ये दिखा सकूँ कि मैं क्या हूँ जिससे मेरा और आपका विश्वास कभी भी खंडित ना हो शुरू करते हैं यानी आज के एन तो आज पहला चैप्टर है कैसे कब और कहाँ आपके लिए बिल्कुल भी इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है हम इसकी केवल चर्चा करेंगे ध्यान रखिएगा कैसे कब और कहाँ हम इसकी केवल चर्चा करेंगे ध्यान रखिएगा ठीक है यानी ये आधुनिक काल में तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं ठीक है उनका क्या महत्व होता है इन विषयों पर चर्चा की गई है तो ये एग्जाम्पल याद रखिएगा मतलब ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम उन चैप्टर्स पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करेंगे जो चैप्टर आपके लिए यानी महत्वपूर्ण नहीं ये बच्चों के लिए बताए गए हैं कि रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे एक स्टोरी है तो इस चैप्टर में मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए कुछ भी नहीं है ये हमेशा ध्यान रखिएगा कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं ठीक है ना ये सारी बातें हैं ठीक है यहां पर कुछ भी नहीं है इसीलिए मैं इसको कट लगाता चल रहा हूं ध्यान रखिएगा आपके लिए इसमें कुछ भी नहीं है ठीक है बच्चे तो यहां पर आपको कुछ भी यानी कुछ भी नहीं आप अकेले भी मत पढ़िएगा फिर पहली चीज बताया गया तिथियां क्यों महत्वपूर्ण होती फिर कौन सी तारीखें डेट यानी इतिहास में कब क्या घटित हुआ उसके बारे में बातचीत है याद रखिए ठीक है ना सारे गवर्नर जनरल के बारे में लिखा गया है कोई मत ठीक है सारे गवर्नर जनरल्स के बारे में लिखा कोई मतलब नहीं है तो पहला चैप्टर कहीं से भी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है ध्यान रखिएगा ठीक है ठीक है हम इसके बाद अगली चीज लिखा हुआ हम अवधियां कैसे तय करते हैं क्या करते हैं हम अवधियां कैसे तय करते हैं ये सब हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसीलिए मैंने कहा कि ये यह चैप्टर यही देखिए यही चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं यही टीचिंग स्किल होता है कि और एक टीचर की जिम्मेदारी भी होती है जो चीजें आपके काम की नहीं है उसको पहले ही आप क्लियर कर दिया जाए जिससे आपका समय वहां पर किसी भी प्रकार से यानी जाया ना हो मेरे प्यारे बच्चों अब यहां पर एक शब्द आएगा औपनिवेशिक यानी अंग्रेजों के काल को औपनिवेशिक शब्द कहा गया ये शब्द अब जो नए बच्चे होंगे उनको थोड़ा समझना महत्वपूर्ण होगा औपनिवेशिक क्या होता है औपनिवेशिक यानी जब हम किसी देश के उपनिवेश हो जाएं, यानी मूल देश ब्रिटेन के हम उपनिवेश हो गए तो उसी उपनिवेश शब्द से औपनिवेशिक बना है यानी उपनिवेशों पर ब्रिटेन का शासन तो औपनिवेशिक शब्द के बारे में याद रखें यहां पर चर्चा की गई है क्या होता है जरा मैं दो तीन लाइन पढ़ूं तो आपको ये लग जाएगा कि बहुत काम का नहीं है लेकिन फिर भी इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया यानी औपनिवेशिक शासन स्थापित किया इसी को बोलते हैं औपनिवेशिक शासन मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर ख़रीदा निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए आप ये भी जानेंगे यानी बस वही इस किताब में आप क्या पढ़ेंगे इस किताब में आप क्या पढ़ेंगे इस किताब में आप क्या पढ़ेंगे तो अभी हम पहले चैप्टर में यही सारी बातें हैं इसीलिए मैंने कहा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह महत्वपूर्ण नहीं है इसको आप छोड़ सकते हैं पहला चैप्टर ध्यान रखिएगा ठीक है ना ठीक है एक शब्द यहां पर आएगा खुश नवीशी या सुलेख नवीश यानी ये खुश नवीशी तो सुलेख नवीशी एक शब्द अगर ये आ सकता है प्रिलिम्स में तो जो आएगा उसको मैं यहां पर आपके सामने रख रह रहा हूं प्रिलिम्स में खुश नवीशी शब्द अगर आ गया तब तो आप हंस सकते हैं लेकिन अगर सुलेख नवीशी शब्द आएगा तो आप बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे क्योंकि सुलेख यानी जो सुंदर लिखता है सु यानी सुंदर लेख यानी लिखना तो जो सुंदर लिखने वाले कर्मचारी होते थे उनको सुलेख नवीशी कहते थे लेकिन उनको एक और नाम से उच्चारित किया जाता था बुलाया जाता था और वो है खुशनवीसी क्या है मेरे प्यारे बच्चों वो है खुशनवीशी तो अगर प्रीलिम्स में आ जाए आज के बाद से कि खुशनवीसी क्या है तो सुंदर लेख लिखने वाले उनको खुशनवीसी यानी खुश नवीसी या सुलेख नवीश ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं तो आप इनको लिख लीजिए जैसे आप ही के दोस्तों में जैसे आप ही के दोस्तों में अगर किसी की राइटिंग बहुत अच्छी हो आपके दोस्त में अगर किसी की राइटिंग बहुत बहुत अच्छी हो ध्यान रखेगा क्या है तो उसको हम क्या कहेंगे बड़े भाई बहुत सुंदर सुलेख लिखा गया क्या लिखा गया है बहुत सुंदर सुलेख लिखा गया है तो ऑबियस है यह शब्द वहाँ से आया है तो जो इंपॉर्टेंट था एक खुश नवीशी यहाँ पर आप फंस सकते थे तो खुशनवीसी क्या था या खुश नवीश कौन होते थे आधुनिक काल में तो आप देख सकते हैं एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया ठीक है मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है यानी इसको भी आप कट करेंगे यहाँ से कुछ भी नहीं है ठीक है कुछ कुछ इतिहास की बातें लिखी हैं आपके एग्जाम के लिए कहीं से भी महत्वपूर्ण नहीं है ध्यान रखिएगा तो अब ये बताया गया है कि सारी सूचनाएं कहाँ रखी जाती हैं तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार उन्नीस के दशक में बना यानी यहाँ पर सारी सारे रिकॉर्ड्स रखे गए हैं ब्रिटिश शासनकाल के और ठीक है नई दिल्ली में है ये तो इसके अलावा ये भी कुछ खास बात नहीं है ध्यान रखिएगा शरीफे का पौधा कुछ भी नहीं अधिकृत रिकॉर्ड रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता हमारे लिए बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण तो नहीं है आप इसे छोड़ते हुए चल सकते हैं पहला चैप्टर ध्यान रखिएगा पहला चैप्टर हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है ठीक है तो पहला चैप्टर यहाँ खत्म होता है और एक विज्ञापन हमेशा रहेगा मेरे प्यारे बच्चों यानी बस एक जो भी बच्चे यानी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और वो यूपीएससी को समझना चाहते हैं शाम को छः बजे ये हमेशा याद रखेगा मंडे टू संडे आपको लाइव रहना है द हिंदू द हिंदू बिजनेस लाइन और इंडियन एक्सप्रेस यानी तीन अखबार इंडिया के जो सबसे बड़े होते हैं इनके सबसे अच्छे एडिटोरियल्स का मैं एनालिसिस करता हूँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब यानी मंडे टू संडे शाम को छः बजे ज़रूर बने रहेंगे पहला चैप्टर खत्म हो गया अब हम पढ़ेंगे बच्चों बी विल रीड टूडे क्या ध्यान रखेंगे अध्याय दो अब यहाँ से स्टार्ट हो गया यानी अब आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से पढ़नी होगी यानी यहाँ से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतिहास की शुरुआत होती है मेरे प्यारे बच्चों अध्याय दो व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है चैप्टर टू फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी कंपनीज पावर इज एस्टेब्लिश यानी मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर को इस चैप्टर के टाइटल को देखने के बाद आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि आप क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं यानी सबसे पहले मैं सिखाना चाहूंगा यानी पढ़ाना नहीं चाहूंगा डायरेक्ट टॉपिक पे आकर के मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता तो अगर ये वर्ड लिखा हुआ व्यापार से साम्राज्य तक तो बिना अंदर पढ़े आपको कुछ बातें चैप्टर के टाइटल से ही आपके मस्तिष्क में डाल देनी चाहिए या चैप्टर का टाइटल पढ़ते ही आपके मस्तिष्क में आ जानी चाहिए आपने चाहे इतिहास इसके पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है या एनसीआर पढ़ी है या नहीं पढ़ी वो मैटर नहीं करता है बस आपके दिमाग में आ जाना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाना चाहिए व्यापार यानी यह कहा गया कि बहुत सी व्यापारिक कंपनियां आई जो हिंदुस्तान में व्यापार करने आती जैसे आज के समय में हिंदुस्तान की बहुत सी कंपनियाँ रिलायंस हो जाए अडानी ग्रुप हो जाए तो ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका में यूके में ये क्या करते हैं व्यापार करने के लिए जाते हैं तो वैसे ही यानी उस समय यानी एटीनथ सेंचुरी में, में अठारहवीं शताब्दी में बहुत सी कंपनियां विदेश की जिसमें से अंग्रेजों की थी एक कंपनी जिसमें डचों की यानी नीदरलैंड की एक कंपनी थी जिसमें फ्रांसीसियों की एक कंपनी थी जिसमें पुर्तगालियों की एक कंपनी थी जिसमें जो है डेनमार्क के निवासियों की यानी डेन नामक एक कंपनी थी ये चार पांच कंपनियां बड़े स्तर पर पूर्व में यानी पूरब वो लोग पश्चिम के देश हैं हम लोग पूरब के देश हैं तो पूरब के देशों में व्यापार करने के लिए ये कंपनियां आती हैं क्या आती हैं पूरब के देश में व्यापार करने के लिए ये कंपनियाँ आती हैं और मेरे प्यारे बच्चों ये इन्हीं में से एक कंपनी यहां पर जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों वाली ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से ध्यान रखेगा ईस्ट इंडिया कंपनी अब आप देखिए ये व्यापार करने आई लेकिन इसने यहां अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और इस साम्राज्य की शुरुआत यानी साम्राज्य की स्थापना की शुरुआत कब से हुई तो सबसे पहले आई व्यापारी कंपनी बनके के हिंदुस्तान में व्यापार करेगी यानी एक ऐसी कंपनी है जो आएगी यहां से वस्तुओं को खरीदेगी उसके बाद उन्हीं वस्तुओं को विदेशों में ले जा करके महंगे दाम पर बेचेगी या विदेशों से वस्तुएं ला करके हिंदुस्तान में उसको एक अच्छी कीमत पर बेचेगी मेरे प्यारे बच्चों अब आता है ये हो गया व्यापार वाला पहलू अब आता है साम्राज्य साम्राज्य मेरे प्यारे बच्चों साम्राज्य का मतलब क्या शासन इनके पास आ गया साम्राज्य का मतलब जो हम गव आज एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों एडमिनिस्ट्रेशन यानी शासन शासन इनके पास हो गया इसका मतलब राजा भी इनका हो गया और प्रशासनिक अधिकारी भी इनके हो गए और जो कर्मचारी होते हैं वो भी इन्हीं के हो गए ध्यान रखिएगा तो इसको बोलते हैं एक इन्होंने साम्राज्य स्थापित कर लिया और इस साम्राज्य की शुरुआत होगी मेरे प्यारे बच्चों सत्रह के प्लासी युद्ध से आप सबने पढ़ा हुआ आज बहुत अच्छा इन सबका इं, मैं इंपैक्ट पढ़ाऊंगा सत्रह के प्लासी के युद्ध से इनकी शुरुआत होगी ध्यान रखिएगा और सत्रह के बक्सर युद्ध से मेरे प्यारे बच्चों किससे बक्सर वॉर से बक्सर युद्ध से क्या होगा यानी इनकी पुष्टि होगी क्या होगा बक्सर के युद्ध से इनकी पुष्टि होगी आप ध्यान रखिएगा यानी कि उनका साम्राज्य प्लासी के युद्ध से शुरुआत होने की प्रक्रिया में आया और बक्सर में आकर के यह डिसाइड हो गया कि अब जो है भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का ही शासन होगा क्यों मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि जो प्लासी की विजय थी वह एक षड्यंत्र थी यानी प्लासी में वास्तविक रूप से युद्ध हुआ नहीं रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में जाने से पहले ही यानी पेपर पर बहुत से षड्यंत्रकारियों से हस्ताक्षर ले लिए थे कि वह युद्ध के समय किसका साथ देंगे यानी अंग्रेजों का साथ देंगे उन षड्यंत्रकारियों में कौन कौन लोग थे वो सब हम लोग बुक में पढ़ेंगे यहाँ पर हम केवल इंट्रो कर रहे हैं ध्यान रखें फिर इसके बाद यानी यहाँ पर कोई युद्ध हुआ ही नहीं तो अंग्रे ये नहीं पता चल पाया कि अंग्रेज हिंदुस्तान की शक्ति बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे और अभी भी मराठे एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में शासन कर रहे थे बालाजी जो है बालाजी बाजीराव के अंतर्गत यानी शासन था तो कहीं ना कहीं अभी भी पेशवा ताकतवर थे लेकिन सत्रह में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है और उस लड़ाई ने यह निर्धारित कर दिया कि कम से कम मराठे तो अब भारत पर शासन करने नहीं जा रहे क्योंकि मराठों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और सत्रह में जब बक्सर का युद्ध हुआ तो ये इस बक्सर के युद्ध में मेरे प्यारे बच्चों बक्सर के युद्ध में तीन बड़ी शक्तियों के साथ अंग्रेजों का उस समय मुकाबला हुआ अगर ये तीनों शक्तियां जो मिल करके लड़ी थी जीत जाती कौन कौन थी तीनों शक्तियां उस समय मुगल सम्राट शाह आलम जो सामाजिक रूप से स्वीकृत था यानी वो अभी भी मुगल साम्राज्य की जो एक कह सकते हैं प्रतिष्ठा थी वो बनी हुई थी उसके साथ साथ अवध का नवाब सुजाउदौला और बंगाल का नवाब ये तीन एक साथ मिलकर के मीर कासिम ये तीनों एक साथ मिलकर के युद्ध लड़ते हैं किससे यानी बंगाल का नवाब अवध का नवाब दो बड़े शासक और उसके साथ साथ यानी उस समय प्रतीक रूप में मुगल शासक शाहम और इनकी बक्सर में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना से हार होती तो वहीं से निर्धारित हो जाता है क्योंकि सत्रह में मराठों का पतन होता है और सत्रह में तीन जो उस समय हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शक्तियां थी उनको ये परास्त करते हैं और ये दोनों घटनाएं इस बात को निर्धारित कर देती हैं कि अब भारत में शासन अगर किसी का होगा तो अंग्रेजों का होगा और उसी प्रक्रिया में सत्रह के बाद सत्रह में अंग्रेज बंगाल के नवाब से द्वैध संधि करते हैं यानी वहाँ पर द्वैध शासन की स्थापना करते हैं और फिर उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल बन करके आता है यानी बंगाल का उस समय भारत के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था और फिर यानी कि गवर्नर जनरल्स और उसके बाद वायसराज की प्रक्रिया उन्नीस तक चलती रही और अंग्रेजों का शासन उन्नीस तक चलता रहा तो मेरा अपना ये मानना है कि जब भी आप बुक पढ़ें यानी जब भी आप कोई भी बुक का टाइटल पढ़ें तो आज के बाद से आप लोगों को सीखना है क्योंकि यू, देखिए यूपीएससी की तैयारी में पढ़ने, पढ़ने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है सीखना तो आप जब बुक का टाइटल ओपन करें तो टाइटल को सोचें दो मिनट का एक मिनट का आप टाइम देगा अच्छा टाइटल क्या कह रहा है क्योंकि ये इसी टाइटल के इर्द गिर्द ये पूरा चैप्टर रन करेगा मेरे प्यारे बच्चों आई होप कि आप सब टाइटल एक बार कमेंट करके मुझे बता दें क्या आप सब टाइटल को कैसे हैंडल करना है यह चीज सीख पाए कि नहीं सीख पाए एक बार फटाफट मुझे बता दें चले बच्चे एक बार फटाफट बताएं मुझे यानी टाइटल आप सीख पाए कि नहीं सीख पाए ठीक है और सेशन को लाइक करते चलिएगा कमेंट करिए एकदम ऑफलाइन की तरह पढ़ते चलेंगे ऐसे भागेंगे नहीं याद रखें हम लोगों को भागना नहीं है हम लोगों को भागना नहीं है आराम से चलना है चीजों को बेहतर ढंग से सीखते हुए चलना है तो आप चैप्टर का नाम लिखिए आप लोग कहते हैं ना सर नोट्स बनाने में बड़ी समस्या आती आज उसका भी सलूशन होगा एर्थ क्लास एनसीआर टी विद नोट्स यानी हम नोट्स बनाना भी यहीं सिखाते चलेंगे तो जैसे मैंने पहली बात बताई तो ये सब ओपन लेक्चर था ठीक है आप नोट्स आज नोट्स के लिए एन शब्द लिखा करूंगा यानी एन एन आप लोग कहते हैं ना सर नोट्स कैसे बनाए तो अकॉर्डिंग टू मी एनसीआर का six, का नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं आप अंडरलाइन करके अपना काम चला सकते हैं क्योंकि तो मैं हर एक स्लाइड में प्री के लिए अगर इंपॉर्टेंट है तो मैं एक शब्द लिखता हूं पीटी आप लोग याद रखिए पीटी मीन प्रीलिम्स क्या है पीटी लिख देता हूं यानी पी फॉर प्रिलिम्स टी फॉर टेस्ट प्रिलिम्स टेस्ट पी टी. क्या है प्रिलिम्स टेस्ट पी यानी तो इसको आप लोग याद रखेगा पीटी 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 तो जो पीटी लिखा जाता है वही नोट्स होता है यानी जो मैं पीटी लिखूंगा वही आपका नोट्स होता है ये ध्यान रखिएगा तो चलिए यानी ईस्ट इंडिया कंपनी देखिए पूर्व में आती है यानी हिंदुस्तान में आती है और उसके बाद कंपनी अपना एक नया प्रशासन स्थापित करती है और अपने शासन का विस्तार करती है तो ये दो पॉइंट और तीसरा यानी चैप्टर का कंक्लूजन तो हम तीन बातें पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट यानी ऑब्वियस है ईस्ट इंडिया नाम ही रखा गया था ईस्ट में यानी भारत में आती है कंपनी रूल कर करती है अपने शासन का विस्तार करती है और एक नया एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करती है तो दो ही बातें यहाँ इंपॉर्टेंट है और उसके बाद एक है कंक्लूजन मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा तो चलिए व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है क्या क्या बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण तो है वो हम जरा समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो देखिए सबसे पहले जो बातें कही गई हैं तो सबसे पहले हम दो आप लोग अपने नोट्स में अपने दिमाग में एक बस नोट्स में चाहे लिख लें या दिमाग में छाप लें अपने कि दो प्रकार से पढ़ेंगे आज की क्लास में एक तो जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और दूसरा यानी मैं जो अपने ढंग से आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा तो जैसे लिखा हुआ व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है तो कंपनी की सत्ता स्थापित होती किसी को हराने के बाद और वो लोग कौन थे मुगल बादशाह थे मुगल बादशाहों को उन्होंने परास्त किया उसके बाद सत्ता यानी मुगलों के बाद सत्ता स्थापित की तो ऐसा क्या हुआ कि मुगल शासन जो इतना ताकतवर था उसका पतन हो गया तो कुछ बातें आइए देखें एनसीआर में क्या कहा गया मुगल बादशाह में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे इसका मतलब हो गया कि औरंगजेब के बाद जो मुगल शासन है यानी जो मुगल शासन है मेरे प्यारे बच्चों औरंगजेब के बाद क्या हो गया अयोग्य उत्तराधिकारियों के हाथ में आ गया इसका मतलब है किसके हाथ में आ गया अयोग्य उत्तराधिकारियों के तो ये जो आपका ये मैं लिख रहा हूं ये आप ध्यान रखें जैसे आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन अगर पूछ ले और मेंस ऑप्शनल में पूछेगा जीएस में नहीं पूछेगा कि मुगलों के पतन के क्या कारण थे तो वो तो आप क्या सीख रहे हैं कि यानी औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे उसके बाद मैंने बताया कि यानी ईस्ट इंडिया कंपनी आती है मुगल शासक यानी हमने बताया अगर औरंगजेब आखिरी था तो ऑप्शनल के बच्चों को यह ध्यान में रखना चाहिए मुगल साम्राज्य का पतन और प्रिलिम्स के बच्चों को याद रखना चाहिए कि प्रिलिम्स में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओब्लिक्स से कारण मुगलों के पतन से संबंधित हैं या संबंधित नहीं है यानी मुगलों के पतन के कारण डिक्लाइन ऑफ द रीजन ऑफ मुगल एम्पायर तो इसका मतलब औरंगजेब के बाद अयोग्य उत्तराधिकारी आए और अयोग्य उत्तराधिकारी के शासनकाल में मुगल शासन कमजोर हुआ और बहुत सी छोटी छोटी शक्तियां जो मुगलों के अवशेषों पर उदित हो गईं और इन छोटी छोटी शक्तियों को ही जीत करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना करी तो बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट दिमाग में आया है आप लोग इसको सुनिए और उसके बाद सोचिए कि क्या अगर मुगल शासन होता है यानी औरंगजेब की तरह ही क्योंकि इतिहास क्या है इतिहास में जैसे आपसे जीएस में पूछा गया कि इतिहास को प्रकंपित करने वाली यानी इतिहास को परिवर्तित कर देने वाली लड़ाइयां पानीपत में ही क्यों हुई ऐसे प्रश्न यूपीएससी यानी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछता काल्पनिक प्रश्न पूछता है जिसके बारे में यानी शायद कहीं लिखा ना गया हो या लिखा गया हो तो केवल एग्जामिनर को पता हो किसी भी टीचर और स्टूडेंट को ना पता हो यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो वैसे ही यहां पर भी जो हम पढ़ रहे हैं एक प्रश्न आपको या एक कॉन्सेप्ट आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप लिख भी सकते हैं कि अगर औरंगजेब की तरह ही मुगल उत्तराधिकारी सक्षम होते तो क्या भारत पर अंग्रेजों का शासन स्थापित होता बड़ा अच्छा प्रश्न है कि अगर औरंगजेब की तरह ताकतवर और सक्षम शासक बहुत अच्छा पॉइंट अगर ऐसे शासक आगे होते और मुगलों के अयोग्य उत्तराधिकारी यानी औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारी ना होते तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में स्थापित होता इन सब प्रश्नों पर आप विचार करिए इसका एक उत्तर है हाँ होता और एक उत्तर है नहीं नहीं होता तो याद रखिएगा हाँ और नहीं के बीच में एक कॉन्सेप्ट की झड़ी लगी हुई है कॉन्सेप्ट की लड़ी लगी हुई यानी नहीं होता इसका मतलब है कि अगर औरंगजेब के उत्तराधिकारी औरंगजेब की तरह ताकतवर होते तो वो भी समुद्रों के महत्व को समझते जिस वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्व को समझते तो जब वो समुद्रों के महत्व को समझते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्व को समझते पूंजीवाद के महत्व को समझते तकनीक के महत्व यानी टेक्नोलॉजी के महत्व या इंपॉर्टेंस को समझते तब तो यानी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर शासन स्थापित नहीं कर पाती परंतु जैसा कि मुगलों का इतिहास देखा गया है अगर वह इन चारों क्वालिटी को धारण नहीं करते तो चाहे औरंगजेब के समान ही ताकतवर होते यह पश्चिमी कंपनियां हिंदुस्तान में अपना शासन स्थापित कर लेती तो यही यानी इसी कॉन्सेप्ट से जो चार पॉइंट मैंने बताए हां भी है और नहीं भी है जिस प्रश्न को मैंने आपको बोला तो सोचते चलिएगा मेरा अपना यह मानना है कि एनसीआर को पढ़ने का मतलब यह नहीं होता कि हु आप जो एनसीआर में लिखा है वही पढ़े चूंकि देखिए आप यूपीएससी की तैयारी करें आप एक इतनी बड़ी मार्केट में है कि आपके पास इतनी किताबें हैं इतने नोट्स हैं आप चाहें तो मॉडर्न इंडिया की मेरी क्लास ले ही ना आप उठाएं और जितने भी फैक्ट्स हैं सारे पढ़ते चले जाएं रटते चले जाएं और लगभग सभी गाइड्स में सभी किताबों में अच्छा ही दिया हुआ मैं नहीं कहूँगा कि वहां अच्छा नहीं दिया हुआ है लेकिन फिर भी अगर आप एक टीचर की क्लास पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो इसका मतलब है आपको ये नई नई बातें सीखने को मिलती हैं इसलिए आप किसी टीचर की क्लास अटेंड करते हैं ठीक है बिटवीन द लाइन्स क्या कहते हैं उसको मेरे प्यारे बच्चों लाइंस ध्यान रखेगा क्या है मेरे प्यारे बच्चों लाइंस तो हो गया यानी उसके उत्तराधिकारी अयोग्य थे ठीक है ना 1707 में उसकी मृत्यु हो जाती है और अब मृत्यु हुई उत्तराधिकारी अयोग्य थे तो क्या होगा अगर एक शासन व्यवस्था है उत्तराधिकारी अयोग्य है और बड़ा राजा मर जाता है तो क्या होगा उस बड़े राजा के अंदर बहुत छोटे छोटे सरदार शासन करते थे वो क्या करेंगे है अब उनकी महत्वाकांक्षाएं जाग जाएंगी जैसे आप आई बनना चाहते हैं ना आपकी आई की महत्वाकांक्षा तो सुबह सात बजे सर की एनसीआरटी की क्लास के लिए आप जग गए छह बजे क्यों आप भी सात बजे क्यों आप छे बजे जग गए होंगे क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षा है आप आई बनना चाहते हैं वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों यानी जो मुगल सरदार थे मनसबदार थे जागीरदार थे जमीदार थे इनकी महत्वाकांक्षा जाग गई कि अब हमें स्वतंत्र होकर के अपनी सत्ता स्थापित करनी चाहिए और वही हुआ जब अयोग्य उत्तराधिकारी यानी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उसके बाद अयोग्य उत्तराधिकारियों का शासन स्थापित होता है तो जो मुगल सूबेदार थे यानी सूबेदार यानी जो प्रांतों में मुगलों के शासन का नेतृत्व करते थे तो सूबेदार यानी मुगल काल में जो सूबे होते थे यानी जो आज का प्रांत होता है बच्चे स्टेट होता है जैसे आप राजस्थान से हैं यूपी से हैं कहां से हैं ठीक है ना तो सूबेदार क्या है मुगल सूबेदार यानी सूबे यानी प्रांत के दार यानी जो अधिकारी होते थे सूबेदार उनको कहा जाता था यानी मुगलों के काल में जो प्रांतपति होते थे जैसे आज के सीएम होते हैं ध्यान रखिएगा चीफ मिनिस्टर्स होते हैं तो मुगल सूबेदार जो थे इसके अलावा बड़े बड़े जमींदार जो थे मेरे प्यारे बच्चों यानी बड़े बड़े भूखंडों के जो स्वामी थे ये क्या किए अपनी अपनी ताकत दिखाने लगे इस इन्होंने क्या किया अपनी अपनी रियासतें देख सकते हैं आप क्या लिखा हुआ क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली याद रखेगा अब आप सोचिए एक बड़ा साम्राज्य है जो बिल्कुल ऐसा है अब यह साम्राज्य सिकुड़ करके यानी इतने में रह जाए और फिर बहुत सी छोटी छोटी शक्तियां आप देख सकते हैं यहां पर उदित होने लग जाए ठीक है छोटी छोटी शक्तियां तो अब क्या होगा ये शक्तियां मेरे प्यारे बच्चों इस दिल्ली को यानी जहां पर मुगलों का शासन सा, था अब दिल्ली उतना प्रसिद्ध नहीं रह जाएगा यानी यह या सत्ता का प्रभावी केंद्र नहीं रह जाएगा और अब सत्ता का प्रभावी केंद्र यानी इन छोटी छोटी शक्तियों के बीच भी बट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों और ये शक्तियाँ कभी आपस में लड़ेंगी क्या करेंगी ये वॉर करेंगी आपस में कभी दो मिल के तीसरे पर अटैक करेंगे कभी तीन मिल के पहले वाले पर अटैक करेंगे और इस प्रकार से यानी पूरा जो शासन व्यवस्था है वो क्या हो जाएगी आप देख सकते हैं अस्त व्यस्त हो जाएगी अब जरा ध्यान से समझिएगा अस्त व्यस्त हो जाएगी और चैप्टर का नाम है सॉरी चैप्टर का नाम है यहाँ लिखा हुआ व्यापार से साम्राज्य तक यानी अब आप देखिए दिल्ली क्या हो गई यहाँ साब लिखा हुआ है अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी तो दिल्ली सिमट गई और दिल्ली के ही यानी मुगलों के ही जो सूबेदार थे बड़े बड़े जमींदार थे उन्होंने क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली इसके अलावा कुछ अन्य शक्तियां भी जब राज्य कमजोर होता है तो अन्य क्षेत्रीय शक्तियां भी धीरे धीरे उदय होती हैं जैसे मैसूरों का उदय हुआ ठीक है ना क्लियर हो गया तो और भी नई नई शक्तियां यहां पर आई मैसूर आए मराठे आए बंगस आए बंगस पठान मतलब बहुत से तो ये आप देख सकते हैं इस केंद्र के साथ इतने नए केंद्र उदित हो गए छोटे छोटे केंद्र और सबसे बड़ी बात है ये इन केंद्रों में एक दूसरे से कॉम्पिटिशन था सी था कंपटीशन था कॉपरेशन नहीं था याद रखिएगा इनमें आपस में कंपटीशन था कॉपरेशन नहीं था एक दूसरे से ये लड़ा करते थे तो ऐसे में एक बाहरी सत्ता आती है व्यापार करने जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी जरा गहरे से समझिएगा बच्चे ईस्ट इंडिया कंपनी यानी यह आती है व्यापार करने के लिए बहुत सी कंपनियां लेकिन जो किसी ने शासन स्थापित किया इसलिए हम लोग इसी के बारे में बात करें ये आई थी विशुद्ध व्यापार करने लेकिन जब वो यहां शासन करने आई ध्यान रखेगा अरे सॉरी जब यहाँ व्यापार करने आई तो उसे यहाँ पर अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा एक चीज़ तो ये है जो कि ब्रिटिश इतिहासकार लिखते हैं कि हमने यानी भारत पर जो नियंत्रण स्थापित किया वो इसलिए स्थापित किया क्योंकि हम व्यापार करना चाहते थे बट यहाँ पर हमें व्यापार करने का अवसर नहीं मिल रहा था यहाँ के शासक व्यापार में कॉपरेट नहीं कर रहे थे सहयोग नहीं कर रहे थे ठीक है लेकिन जो दूसरी चीज़ है ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ आने के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी के चिंतकों ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के चिंतक कौन जैसे जो भारत में शासन करते थे और जो भारत के शासन से संबंधित इंग्लैंड में लोग बैठे हुए थे याद रखिएगा वो सब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स वो सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उन लोगों ने ये चिंतन किया उन लोगों ने यहाँ पे क्या चिंतन किया कि यार हिंदुस्तान तो एक यूनिट है ही नहीं एक यूनिट का मतलब होता है बिल्कुल ऐसा वो एक यूनिट नहीं वह एक बड़ी यूनिट के अंदर कई छोटी छोटी यूनिट्स में बटा हुआ है और ये जितनी भी यूनिट्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार के कॉपरेशन से कनेक्टेड नहीं यानी कोई भी कॉपरेशन नहीं है इनमें समन्वय नहीं है और कॉम्पिटिशन है तो याद रखिएगा दो शब्द कॉपरेशन यानी सहयोग मेरे प्यारे बच्चों अब यहां से मैं एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूं कॉपरेशन यानी सी मैंने लिख दिया, सहयोग और दूसरा मैं लिखने जा रहा हूं प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिशन यानी दूसरा सी यानी कॉम्पिटिशन तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी के विचारक यानी ईस्ट कंपनी के जो विचारक थे जो चिंतक थे उन्होंने सोचा कि इन छोटी छोटी शक्तियों में कोई सहयोग नहीं है कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है ठीक है ना सॉरी कोई सहयोग नहीं है केवल और केवल प्रतिस्पर्धा है तो उन्होंने प्लान किया इन विचारकों ने प्लान किया एक योजना बनाई और वो योजना क्या बनाई बड़ी ही शालीन योजना बनाई कि हमारे पास यानी इन छोटी छोटी शक्तियों को इन छोटी छोटी शक्तियों को हराने की शक्ति तो नहीं है याद रखेगा क्यों क्योंकि अगर ये एक साथ मिल गए अगर ये एक साथ मिल गए पॉइंट को समझिएगा यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के विचारकों ने प्लान किया कि ये जो शक्तियां हैं अगर सबसे पहले इन्होंने प्लान किया कि हम युद्ध करें और इनको हराएं और भारत पर शासन स्थापित करें ध्यान रखिएगा हम युद्ध करें और भारत पर शासन स्थापित कर लें लेकिन फिर यह फेजिबल नहीं लगा उनको ये उपयुक्त तो नहीं लगा क्यों उनको मेरे प्यारे बच्चों ही उपयुक्त नहीं लगा उन्हें लगा कि मान लो अगर हम युद्ध करते हो ये सारी शक्तियाँ इकट्ठा हो गई हम बाहरी शक्ति हैं तो हम तुरंत खत्म हो जाएंगे यानी हमारा व्यापार भी खत्म हो जाएगा ध्यान रखेगा जबकि भारत के साथ व्यापार उनके पक्ष में था जैसे आज हम पढ़ते हैं व्यापार संतुलन जैसे आज हम पढ़ते हैं यानी क्या भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट तो पक्ष में कैसे था यानी उनको बहुत यह, यहां से सस्ते में खरीदते थे और फिर जाकर के विदेशों में उससे महंगे दामों पर बेचा करते थे आप ने इसको अच्छे से जाना हुआ है उनको लगा कि ये वाला प्लान तो उपयुक्त नहीं है तो उन्होंने एक नए प्लान को जन्म दिया उन्होंने एक नए प्लान को जन्म दिया और जिसका नाम है यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही डिवाइड एंड रूल डिवाइड एंड रूल यानी बांटो और राज करो क्या करो बांटो और राज करो डिवाइड एंड रूल बांटो और राज करो इसका मतलब उन्होंने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों इन्हीं शक्तियों को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया एक शक्ति के साथ सहयोग लेकर के दूसरी शक्ति के दो शक्तियों के साथ इकट्ठा होकर के किसी तीसरी शक्ति से और इन्होंने इसी डिवाइड एंड रूल के तहत धीरे 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 क्या किया इस संपूर्ण भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और व्यापार करने आए थे साम्राज्य स्थापित कर लिया और साम्राज्य स्थापित जब किया तो एक व्यापारिक कंपनी मेरे प्यारे बच्चों जब साम्राज्य स्थापित करती है तो उसके ऊपर उंगलियां भी उठती हैं उसके ऊपर उंगलियां भी उठती हैं और नंबर वन दूसरी चीज कि वह अपने देश के जो आने वाली पीढ़ियां हैं जो मौजूदा पीढ़ी है और जो आने वाली पीढ़ी है उसको क्या बताएगी कि हम लोग अच्छे लोग नहीं है यानी जैसे आज मान लीजिए इन्होंने हिंदुस्तान पर कब्जा किया लेकिन ये व्यापार करने आए थे गलत अनुचित साधनों के इस्तेमाल करके इन्होंने यहाँ की राजनीतिक सत्ता भी स्थापित कर ली तो ये अपनी पीढ़ियों को क्या बताएंगे या हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ियों को क्या बताएंगे क्योंकि आने वाली पीढ़ियां इनके खिलाफ विद्रोह कर है कर सकती कि नहीं कि भाई आपने हमारे यहां शासन स्थापित कर लिया है विदेशी शासन है और स्थानीय लोग कोई हवा चली और वो एकत्र हो गए हवा का मतलब कोई राष्ट्रवाद की हवा चली और सब एक, एकत्र हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर फेंक दिया दूसरी चीज ये भारत के आने वाली पीढ़ियों को क्या बताएंगे अंग्रेज जो ब्रिटेन में रह रहे हैं उनको क्या बताएंगे कि हम भारत पर शासन करने तो आए ही, तो ही नहीं थे हम तो व्यापार करने आए थे और यहां का शासन यहां की परिस्थितियों हमें मिल गया और फिर यूपीएससी पर प्रश्न पूछेगा और वो प्रश्न क्या पूछेगा ऑप्शनल के बच्चे और जीएस में ये हु बहु आ सकता है रिपीट होता है क्वेश्चन इतिहास में प्रश्न पूछा गया कि ब्रिटिशों ने भारत को लिख लीजिएगा ब्रिटिशों ने भारत को बेखबरी के दौर में जीता ब्रिटिशों ने भारत को बेखबरी के दौर में जीत यानी वो यहां पर किसी प्रकार से साम्राज्य स्थापित करने की मंशा से आए नहीं थे वो तो केवल और केवल व्यापार करने आए थे लेकिन साम्राज्य स्थापित हो गया यहाँ की परिस्थितियों ने बाध्य किया और उसमें सबसे बड़ा रीज़न उन्होंने दिया कि ये हमें व्यापार करने का मौका नहीं देते थे हमारे व्यापार में बाधा डालते थे और उस बाधा से बचने के लिए हमने प्रयास किया लेकिन प्रयास करते करते हमें ये पता चला कि हिंदुस्तानी उस समय हालांकि एक एक हिंदुस्तान सबके लिए नहीं था यानी उस समय का जो इंडिया था हिंदुस्तान था वह विभिन्न प्रकार की शक्तियों में विभाजित था और हमने यहाँ पर एक बेहतर शासन व्यवस्था स्थापित करने का निर्णय लिया आगे हम पढ़ेंगे व्हाइट बर्डन थ्योरी श्वेत व्यक्ति के उत्तर दायित्व का बोझ कि हम सभ्य लोग हैं यहाँ असभ्य लोगों को हम सभ्य बनाने आए हैं इस कॉन्सेप्ट पर आधारित यानी उन्होंने थ्योरी दी है याद रखेगा जिसे कहते हैं कि अंग्रेजों ने बेखबरी के दौर में भारत को जीता मेरे प्यारे बच्चों क्या है अंग्रेजों ने बेखबरी के दौर में भारत को जीता आई होप यह पॉइंट आपके दिमाग में बैठ गया होगा और इतने ही पॉइंट से हमेशा याद रखिएगा। इतने ही पॉइंट से आपका काम भी बन जाता है एग्जाम में इस एग्जाम में हमेशा याद रखिएगा 50 परसेंट मार्क्स अगर आपके टोटल हैं मेंस और इंटरव्यू मिला करके तो आप अंडर हंड्रेड आ जाते हैं तो इसलिए बहुत ज्यादा गहरे ज्ञान की जरूरत नहीं है जितना मैं दे रहा हूँ अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से लेकर के और अपनी जर्नी को बहुत बेहतर ढंग से आगे बढ़ा पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आई होप यह स्लाइड एकदम से क्लियर हो गई होगी व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता अब देखिए यहां तक देख सकते हैं अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यानी अब क्योंकि आठवीं क्लास के एनसीआरटी है तो इन्होंने वन बाय वन घटनाओं का जिक्र नहीं किया आठवीं क्लास के वन बाई वन घटना का जिक्र नहीं किया सीधा आगे अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यानी सत्रह उसके बाद जो है सत्रह का बक्सर फिर उसके बाद बंगाल में द्वैत शासन यानी इस वाले समय की बातचीत हो रही अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक जो राजनीतिक क्षितिज है उस पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी ऐसा लिखा हुआ जरा मैं पढ़ता हूं पैराग्राफ आपके लिए जरूरी है क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहले एक छोटी सी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे इस अध्याय में हम यही देखेंगे कि हा ये कैसे हुआ ये कैसे हुआ जरा आप ध्यान रखिएगा व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है याद रखें ठीक है कैप्टन हडसन के द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी एक का एक पिक्चर है ये यानी ये इंपॉर्टेंट है कभी कभी टर्मिनल मतलब जो पर्सनालिटीयां उन पर क्वेश्चन आ जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों अठारह में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह हुआ था और उन विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना और जब विद्रोह कुचल दिया गया यानी अठारह का विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला गया कैप्टन हटसन के द्वारा किसके द्वारा कैप्टन हडसन के द्वारा तो ये फैक्ट आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कैप्टन हटसन के द्वारा तो प्रीलिम्स में पूछ सकता है यानी मैं पीटी फैक्ट लिख दूं कि बहादुर शाह जफर के बच्चों की हत्या किसके द्वारा की गई तो वो कैप्टन हर्सन के द्वारा की गई उसी ने अब आगे बढ़ते हैं अब सबसे पहले कुछ कुछ फैक्ट्स यानी पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना तो सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है पहला पीटी का फैक्ट यह आपको और आप सबको पता ही होगा यानी पीटी सोलह पीटी मीन्स प्रीलिम्स टेस्ट सोलह सौ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से से चार्टर अर्थात इजाजत नामा देखिए कितना बढ़िया चार्टर अब आपसे पूछेगा चार्टर क्या होते चार्टर यानी अनुमति पत्र यानी इजाजत नामा यानी इजाजत किस चीज की इजाजत कंपनी खोलने की इजाजत मेरे प्यारे बच्चों तो सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल किया था। अब ये पीटी का शब्द है यानी चार्टर ब्रिटिश काल में चार्टर क्या होते थे तो अब आपको पता लग गया ये एक इजाजतनामा अनुमति पत्र होते थे इस अनुमति पत्र इस इजाजतनामा के द्वारा कोई भी व्यापारी कंपनी अपनी खोल सकता था याद रखेगा तो इस इजाजतनामे के द्वारा कंपनी को पूरा पूरा यानी ईस्ट जो वर्ल्ड है पूर्वी विश्व है पूरब से व्यापार करने की मोनोपॉली मिल गई यानी इसी कंपनी को अकेले व्यापार करना था यह बहुत महत्वपूर्ण शब्द है एकाधिकार मिल गया पूरब से व्यापार करने का देखो जब मोनोपोली मिलती है ना एक ही कंपनी को तो उसके पास ना अपनी नीतियों को लागू करने के लिए ना बहुत व्यापक मौके होते हैं तो मोनोपॉली मिली इसीलिए मैंने यहां पर फोकस किया अब इसके बाद एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है इस चार्टर या इजाजत नामे का मतलब यह था क्या मतलब था कि इंग्लैंड की कोई वही मोनोपाली मतलब इंग्लैंड की कोई और व्यापारी कंपनी इस इलाके में यानी पूरब में ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी याद रखिएगा यह बहुत महत्वपूर्ण है यानी कोई और कंपनी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती कितना चलाक यानी अब ये एकमात्र कंपनी है जो पूरब के साथ यानी मैं मान लू हिंदुस्तान के साथ व्यापार करेगी आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आप मुझे बताइए यदि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कई और कंपनियां आ गई होती थी पॉइंट को समझिएगा अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कई और कंपनियां हिंदुस्तान में शासन करने आ गई होती तो इंग्लैंड की ही मैं और किसी देश की बात नहीं कर रहा हूं तो क्या होता यानी ढेर सारी कंपनियां होती इन कंपनियों में ही व्यापारिक प्रतिस्पर्धा होती तो जो मोनोपोली एक कंपनी को मिलती और जो अपनी नीतियों को बेहतर ढंग से पूरे देश पर इम्प्लीमेंट कर पाती वह डिवाइड हो जाती यानी डिसेंट्रलाइज हो जाता पूरा का पूरा सिस्टम तो शायद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन की स्थापना ही ना कर पाती तो इसलिए कभी यह विचार जो इतिहासकार रखते हैं और खासकर वर्तमान में जो समसामयिक इतिहास लेखन है जो इतिहास ऑप्शनल के बच्चे होंगे वो समझते होंगे समसामयिक इतिहास लेखन जो आज का इतिहास लेखन उसमें यह माना जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ही अंग्रेजों की तरफ से या अंग्रेज जो चिंतक थे उन्होंने यह विचार कर लिया था कि हमें पूरब में अपने शासन की सत्ता स्थापित करनी है और उपनिवेश बनाने हैं यह तो वह इतिहास को भ्रमित करने के लिए अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए इतिहास में लिखते हैं और क्या लिखते हैं कि हमने बेखबरी के दौर में हिंदुस्तान को जीत लिया हम यहाँ व्यापार करने आए थे जीतने नहीं आए थे तो आई होप आप सब समझ गए होंगे याद रखें इस चार्टर के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी यानी नए नए इलाके चेक कर सकती थी वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीदकर वही यानी प्रारंभिक सस्ती कीमत पर जैसे हमारे यहाँ से काली मिर्च मसाले ये सब खरीद करके उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचा जा सकता था याद रखेगा ठीक है ना इसके अलावा कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था वो अकेली एकमात्र सत्ता थी उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तभी वो सस्ती चीजें खरीद कर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी क्यों बच्चे क्या आज अगर आप इतना सस्ता डेटा पा रहे हैं पॉइंट को समझिएगा आज आप जो सस्ता डेटा पा रहे हैं जिस डेटा पर आज आप मेरी क्लास ले रहे हैं आप चाहे जियो यूज कर रहे हो आप एयरटेल यूज कर रहे हो आप बड़ा फन आइडिया यूज कर रहे हो मुझे नहीं पता आप क्या यूज कर रहे जो भी आप यूज कर रहे हैं तो डेटा पैक सस्ते हुए क्यों हुए क्योंकि ढेर सारी कंपनियां और इन कंपनियों में आपस में प्रतिस्पर्धा है आपस में कंपटीशन है तो जब कंपटीशन होता है तो कंज्यूमर को फायदा होता है याद रखेगा जब कंपटीशन होता है तो कंज्यूमर को फायदा होता है लेकिन यहां पर कोई कंपटीशन नहीं था और कंपनी सस्ते दर पर यहां खरीदती थी उसे महंगे दर पर बेचती थी तो यानी प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी इस बात का प्रमाण यहां से लग गया और के जो प्रश्न आपसे पूछने थे उसको भी आपको बता दिया ध्यान रखिएगा ठीक है मेरे प्यारे बच्चों समझ गए अठारहवीं सदी में भारत तक आने वाले रास्ते देख सकते हैं आप यानी ब्रिटिश आइसलैंड से अफ्रीका केट, केट, गुड गुड़ होप होते हुए और फिर इंडिया में पहुंचना ये सब रास्ता ठीक है अब आता है ये था ईस्ट इंडिया कंपनी का शाही दस्तावेज जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार हुआ लेकिन अब आप बताइए क्या ब्रिटेन ब्रिटेन अपने देश में तो अन्य कंपनियों को ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रतिस्पर्धा करने से रोक सकता था लेकिन क्या अन्य देशों को भी रोक सकता था कि भाई तुम जाओ ही मत नहीं तो इसीलिए यहां पर यह बताया गया है बहुत सी दूसरी यूरोपीय ताकतें भी पूरब की तरफ यानी पूरब के बाजारों की तरफ अपना रुख करती हैं याद रखिएगा ठीक है ना और जब तक इंग्लैंड के जहाज यानी यहाँ कहा गया है जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते यानी जब तक अंग्रेज यानी हिंदुस्तान में आते जब तक यहां से चलते हुए केप ऑफ गुड होप पार करते हुए अफ्रीका का केप ऑफ होप है इसको पार करते हुए बंबई में मद्रास में आते बंगाल में आते उसके पहले ही एक कंपनी यानी भारत के पश्चिमी तट पर ये हमेशा छोटे छोटे शब्द याद रखेगा कि जब अंग्रेज आए तो पुर्तगाली कहाँ पर अपनी शासन सा, मतलब अपना व्यापारिक केंद्र बना चुके थे भारत के पश्चिमी तट पर यह हमेशा याद रखेगा भारत का जो ये पश्चिमी तट है गोवा के आसपास मुंबई के आसपास इस पश्चिमी तट पर अंग्रेजों के आने से पहले पुर्तगाली अपनी व्यापारिक पहल कर चुके थे तो इसका मतलब है पुर्तगाली सबसे पहले हिंदुस्तान में आते हैं ध्यान रखेगा उसके बाद यह कंपनी आती है तो मेरे प्यारे बच्चों पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी यह बात वहाँ लिखी हुई है और वो गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे पुर्तगाल के खोजी यात्री अब इनका नाम आपको पीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया इनका नाम क्या है पुर्तगाल के खोजी यात्री मेरे प्यारे बच्चों बास्को दगा ने ही चौदह में पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था यानी के आप गुड़हुब होते हुए हिंदुस्तान आने का पता किसने लगाया था यानी पुर्तगाली यात्री था कौन बास्को डिगामा तो बास्को दिगामा कहाँ का यात्री था पुर्तगाली यात्री था डिटेल देखिए यहाँ नहीं दिया हुआ है चौदह में वो भारत आया था और ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं जब वो भारत आया तो क्या उसका स्वागत हुआ था यस yes, कालीकट के शासक उस समय कालीकट के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया था मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा और फिर इसके बाद अकेली अंग्रेज शक्ति ही नहीं रही सत्रहवीं शताब्दी तक मेरे प्यारे बच्चों यानी अकेली अंग्रेज शक्ति ही नहीं रही सत्रहवीं शताब्दी तक और भी शक्तियां आ गई ध्यान रखिएगा सत्रहवीं शताब्दी तक और भी शक्तियां यहां पर आ जाती हैं और, और सत यानी डच देख सकते हैं आप डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे और कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए तो मेरे प्यारे बच्चों चार कंपनियां आपके सामने आ गई यानी सबसे पहले जैसे पुर्तगाली आ गई आपके सामने फिर इसके बाद डच आपके सामने आ गई फिर ब्रिटिश कंपनी हिंदुस्तान में आ गई और फिर इसके बाद थोड़ा काफी समय के बाद फ्रांसीसी कंपनी भारत में आई याद रखिएगा और कुछ समय के लिए डेनमार्क की डेन कंपनी हिंदुस्तान में आई तो आप देख सकते हैं ये है यूरोपीय कंपनियां अब इन यूरोपीय कंपनियों में आप यह साफ है कि व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धा होगी क्योंकि सभी अपना कंट्रोल चाहेंगी तो इन कंपनियों में मेरे प्यारे बच्चों व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धा हुई और अंततः यानी इन सभी को किसी न किसी प्रकार से पीछे छोड़ते हुए चाहे परास्त करते हुए और चाहे समझौता करते हुए यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में एकमात्र व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित हुई जिसने भारत की तत्कालीन परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए भारत में अंग्रेजी शासन की नींव डाल दी यह बात यहाँ से निकल करके आती है जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी याद रखेगा ठीक है ना अब आता है कि ये कंपनियां हिंदुस्तान में आई तो प्रीलिम्स के लिए प्रश्न है कि आखिर वो यहाँ से क्या खरीदती थी यानी क्या खरीदती थी जिसके लिए वो यहाँ आई और यानी सबसे बड़ी बात क्या खरीदती थी यानी पीटी का प्रश्न इसका मतलब कि हिंदुस्तान से क्या निर्यात किया जाता था इसको आधुनिक शब्दावली में देखें तो तो मेरे प्यारे बच्चों यानी यूरोप में अब आपसे पूछ सकता है जैसे प्रिलिम्स का ही प्रश्न पूछ सकता है कि अट्ठारहवीं शताब्दी में मैं यहां लिख भी दूँ अठारहवीं शताब्दी में एटीन सेंचुरी में ध्यान रखिएगा। अठारहवीं शताब्दी में एटीन सेंचुरी में निम्नलिखित में से किन या किस वस्तु या वस्तुओं की मांग यूरोप में सबसे ज्यादा थी या यूरोप में किन वस्तुओं की मांग थी वन टू थ्री फोर लिख देगा उसके बाद ऑप्शन देगा ए वन टू थ्री बी टू थ्री सी वन डी थ्री फोर कुछ भी तो चार ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो इसको आप ध्यान रखिएगा तो हम यहाँ अब पढ़ने जा रहे हैं कि भाई वो कौन कौन सी वस्तुएं थी जिसके कारण हिंदुस्तान की तरफ ये आकर्षित हुए यहाँ सस्ते में खरीदते थे और यूरोप में उसे महंगी महंगे दामों पर बेचते थे इसका मतलब उस समय भारत में जो भी चीजें बनती थी या पाई जाती थी वो कितनी महत्वपूर्ण होती थी यूरोप के लिए इसका मतलब है कि अगर भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित ना होता तो शायद आज भारत बहुत बड़ी शक्ति के रूप में होता याद रखिएगा तो मेरे प्यारे बच्चों स... क्या क्या होता था तो सबसे पहले भारत के बने बारीक सूती कपड़े तो मेरे प्यारे बच्चे पहला पॉइंट ये हो गया सूती कपड़े की यूरोप में बहुत मांग थी रेशम की जबरदस्त मांग थी दूसरा हो गया मेरे प्यारे बच्चों इसके अलावा क्योंकि ठंडे प्रदेश के लोग थे इनको मांस वगैरह खाना होता था उसको लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखना होता था तो उसके लिए इनको मसालों की जरूरत थी काली मिर्च की जरूरत थी लौंग की जरूरत थी इलायची की जरूरत थी दालचीनी यानी मसालों की आवश्यकता थी तो आप देख सकते हैं प्रारंभ में ये बता दिया गया इन वस्तुओं की यूरोप में जबरदस्त मांग थी और इसीलिए यह व्यापारिक कंपनियां सभी की सभी केवल एक नई जो है इंग्लिश कंपनी यानी सभी यूरोपीय कंपनियां इन्हीं को खरीद करके यहाँ सस्ते दर पर और यूरोप में महंगे दाम पर बेच करके बीच में जो मार्जिन होता था जिसको हम लाभ कहते हैं वह लाभ वह कमाती थी तो हम यहां पर ऐसा भी कह सकते हैं कि सबसे पहले यानी ये कंपनियां लाभ कमाने के उद्देश्य से आई थी लेकिन परिस्थितियां हिंदुस्तान में ऐसी बनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को एक राजनीतिक सत्ता के रूप में स्थापित कर लिया और उसे यह राजनीतिक सत्ता का जो तरीका है वो फ्रांसीसियों ने सिखाया फ्रांसीसी जो ग, गवर्नर था डुपले ने सिखाया अब आप कहेंगे कैसे तो डुपले ने क्या किया कि सबसे पहले यानी इन सभी कंपनियों में जितनी भी कंपनियां थीं विशेषकर डच और फ्रांसीसियों में डुपले ने ही सबसे पहले बच्चों भारत के जो राजा थे छोटे छोटे राजा थे तो भारत के राजाओं के शासन के आंतरिक मामलों में अंतरिम मै मैटर्स में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना इसी ने शुरू किया मेरे प्यारे बच्चों आंतरिक मामलों में इंटरवेंशन करना हस्तक्षेप करना किसने शुरू किया तो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना इसी ने स्टार्ट किया ठीक है और उसके बाद आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का मतलब होता था कि जैसे मान लीजिए किसी राज्य में उत्तराधिकार को लेकर के लड़ाई है तो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का मतलब ये होता था ये किसी एक जो ताकत और होता था जिसके जीतने की संभावना ज्यादा थी इसको भाप करके यह उसका समर्थन कर देता था तो जब वो सत्ता पर बैठ जाता था यानी जो राजा नवाब तो वह जो फ्रांसीसी कंपनी है उसको बहुत से उपहार देता था और उसके साथ साथ उससे बहुत से ट्रेड करने के लिए जो सहूलियत मिलती है यानी वो जो टैक्स वगैरा लगता था वो टैक्स हटा हट जाता था या कम लगता था तो इससे फ्रांसीसी कंपनियों का यानी एक राजनीतिक जो प्रभुत्व होता है वो भी स्थापित होता था इसके साथ साथ उनको व्यापार में भी आसानी होती थी तो राजनीतिक प्रभुत्व और उसके माध्यम से व्यापार में आसानी का ये कॉन्सेप्ट किसने यानी डुबले ने अंग्रेजों को सिखा दिया यानी ये कर रहे थे तो ब्रिट्सों ने भी सीख लिया और बट उसका इंप्लीमेंटेशन ब्रिट्सों ने बहुत अच्छे से किया इसीलिए ये फ्रांसीसियों से आगे बढ़ते हुए एक बड़ी शक्ति के रूप में हिंदुस्तान में अपने आप को स्थापित कर पाए यह आप ध्यान रखेंगे अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा तो ये सारी बंद चीजें जो है मंगाते थे लेकिन अब देखिए आपसे यह भी एक प्रश्न पूछ सकता है जीएस में भी और ऑप्शनल में भी खासकर कि आखिर जो यूरोपीय कंपनियां आई थी ये व्यापार है आज भी ढेर सारी यूरोपीय कंपनियां होंगी हिंदुस्तान में होंगी कि नहीं होंगी चलिए कमेंट करके बताइए सोच करके बताइए आप कहेंगे हां सर बिल्कुल आज बहुत सी यूरोपीय कंपनियां लेकिन उनमें आपस में लड़ाई तो नहीं होती थी तो फिर उस समय ऐसा क्या हो गया कि इन कंपनियों में आपस में लड़ाई होने लगी उस समय ऐसा क्या हो गया कि इन कंपनियों में आपस में लड़ाई होने लगी मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा क्यों क्योंकि अब देखिए प्रतिस्पर्धा यानी इन वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा और जब इनकी प्रतिस्पर्धा शुरू हुई जब भी मार्केट में कंपटीशन शुरू होगा तो वस्तुओं की कीमतें याद रखिएगा इधर देखिएगा इनकी कीमतें बढ़ने लगी चूंकि वस्तुएं उतनी ही थी ध्यान से समझिएगा जो मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया है कि रिलायंस और जियो का वो अलग है ये अलग है दोनों को अलग ढंग से देखिएगा यानी जब भी वस्तुएं कम होंगी यानी क्या कम होगा सूती कपड़े कम होंगे रेशम की रेशम कम होगा काली मिर्च कम होगा लौंग होगा इलायची दालचानी दालचीनी यानी इनका एक लिमिटेड उत्पादन ही हो रहा है क्या हो रहा है इनका एक लिमिटेड उत्पादन ही हो रहा है और इनको खरीदने के लिए यानी वस्तुएं हैं पांच वस्तुएं हैं पांच समझिएगा यानी जैसे मान लीजिए वस्तुएं तो पहले इनको कौन खरीद रहा था केवल पुर्तगाली खरीद रहे थे तो ऑबियस ये सस्ते में पा रहे थे पॉइंट को समझिएगा लेकिन अब उसको डच भी खरीदने लग गए तो थोड़ा सा प्रतिस्पर्धा बढ़ी तो वस्तुएं पांच है थोड़ी सी कीमत यानी इसकी बढ़ जाएगी और इसका रेट हो जाएगा 5.30 ऐसा हो जाएगा समझिएगा लेकिन फिर ब्रिटिश कंपनी भी आ गई अब वस्तुएं तो पांचवी ही हैं तब इसकी कीमत छ हो जाएगी अब इसके बाद इसी में फ्रांसीसी भी आ गए तो ऑबियस इसकी कीमत सात रुपए हो जाएगी तो जो कभी पांच रुपए में मिलता था इन कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण उसकी कीमत बढ़ने लगी मेरे प्यारे बच्चों तो वही यहां पर लिखा है कि यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे जब कीमतें बढ़ेंगी मेरे प्यारे बच्चों तो क्या होगा अरे भाई जब पुर्तगाली पहले पांच रुपए में खरीदते थे तो मुनाफा ज्यादा था मैं ठीक है जैसे पांच रुपए में खरीदे सात रुपए में बेच दिया तो दो रुपए का फायदा हो गया ठीक है ना दो रुपए का फायदा हो गया लेकिन अब पांच रुपये का अब अब साढ़े पाँच का खरीद रहे हैं और सात का बेच रहे हैं तो डेढ़ रुपये का फायदा हुआ अब इसके बाद अगर छः रुपये का खरीद रहे और सात रुपये का बेच रहे हैं तो केवल वन रुपए का फायदा हुआ और अगर सात रुपये में खरीद रहे हैं ठीक है ना तो अब आप देख सकते हैं यानी जैसे जैसे कीमतें बढ़ती गई इन इन कंपनियों का लाभ कम होता गया तो अब क्या होगा कंपनियां आपस में क्या करेंगी अब गुत्थम गुत्था होंगी तुमको यहां रहने ही नहीं देंगे समझ गए कि नहीं समझ गए कि तुमको यहाँ रहने ही नहीं देंगे तो इसका मतलब है कि यूरोपीय कंपनियों में प्रतिस्पर्धा क्यों हुई अगर कभी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न आता है तो आप देख सकते हैं उसका रीजन यही है कि कंपनियां ज़्यादा वस्तुओं की मांग बढ़ना जिसके कारण से वस्तुओं की कीमत का बढ़ना चूंकि वस्तुओं का उत्पादन उतना ही हो रहा था तो वस्तुओं की कीमतों का बढ़ना और उसके कारण से इन और उसके कारण से क्या है इन कंपनियों का लाभ कम हो जाना उसके कारण से इन कंपनियों का लाभ कम हो जाना तो ऑब्वियस है इनमें आपस में प्रतिस्पर्धा का रीजन यही था अब अगर आपसे प्रिलिम्स में भी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से ऑब्लिक किस कारण से यानी चार में से एक ए बी सी डी निम्नलिखित में से किस या किन कारण से भारत में यूरोपीय कंपनियां आपस में प्रतिस्पर्धा में जुट गई तो उसका रीजन यही था जो आपको बताया कि जो पूरी कहानी बताई उनका मुनाफा गिरने लगा याद रखेगा अब ऐसे में इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था क्या रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दें वही जो मैंने बताया अब अगर लाभ कमाना है तो अब इनमें से किसी यानी चाहे पुर्तगाली डच को खत्म करें डच पुर्तगाली को फिर या डच ब्रिटिश को खत्म करें ब्रिटिश डच को खत्म करें यानी अब वही चीज आगे खत्म कर दें लिहाजा क्या हुआ बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी तो अब फिर ये पीटी का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कारण से यूरोपीय कंपनियों के बीच में आपस में संघर्ष हुआ तो उसका उत्तर होगा बाजारों पर कब्जे की होड़ बस तो आप देख सकते हैं यही सारे प्रश्न यूपीएससी पूछता है और हमें लगता है यार ये क्या पूछ रहा है तो जब हम को द बारीकी से पढ़ते हैं तो चीजें बहुत बेहतर ढंग से हमारी समझ में आती है मेरे प्यारे बच्चों तो बाजारों पर कब्जे की व्यापारी कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी और सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी में जब भी मौका मिलता कोई सी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती नंबर वन रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती नंबर दो माल से लदे जहाजों को आगे बढ़ने से रोक देती याद रखिएगा ठीक है मेरे प्यारे बच्चों तो ये सारी चीजें हो गई और जब ऐसा होता था तो ऑब्वियस है कंपटीशन और बढ़ जाता था याद रखिएगा अब चूंकि कंपटीशन बढ़ा तो एक शब्द आप पढ़ते होंगे कि अंग्रेजों ने पुर्तगालियों ने बहुत से किले बनाए और प्रेलम्स में पूछता भी है कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा क्षेत्र पुर्तगालियों के अधिकार में था कौन सा क्षेत्र अंग्रेजों के अधिकार में था ऐसा आया भी हुआ यानी बस्तियां बसाते थे किले बंदी यानी वो किले ब, ब, बना लेते थे तो अब आपको इस प्रश्न का उत्तर भी यहाँ मिलेगा कि आखिर अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों ने किले बंदी क्यों की यानी वो किले क्यों बनाते थे तो उस प्रश्न का भी उत्तर यही है कि वो किले इसलिए बनाते थे क्योंकि अभी आपने पढ़ा आपस में प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई थी कि विभिन्न जो यूरोपीय कंपनियां हैं एक दूसरे के माल को किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाना चाहती थी जिससे कि मार्केट में एक का माल खत्म हो जाए और मेरा ही माल जाए जिससे मुझे ऊंची कीमत मिले तो यानी किलेबंदी वो करने लग गई जहां पर भी उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे तो यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को यानी जहां पर वो व्यापार किया करते थे उसको उन्होंने किलेबंदी कर दी और उसके माध्यम से सुरक्षित रखा क्या अपना व्यापार क्या आप सबको इसके पहले यह कॉन्सेप्ट पता था मेरे प्यारे बच्चों कौन सा कॉन्सेप्ट जरा ध्यान रखिएगा कि किले क्यों बनाए जाते थे यानी विभिन्न यूरोपीय कंपनियां किलेबंदी क्यों करती थी अगर पता था अच्छी बात है नहीं तो अभी आपको पता लग गया कि अपने यानी व्यापारिक माल की सुरक्षा के लिए और उनके व्यापारिक माल को भारतीय शासकों से खतरा नहीं था उनके व्यापारिक मालकों यानी जो पश्चिम की जो कंपनियां थी उनसे खतरा था इसलिए इन्होंने किलेबंदी की और यही किलेबंदी यूपीएससी में प्रिलिम्स में आपसे पूछ सकती है मतलब प्रिलिम्स में आ सकती है कि निम्नलिखित में से किस या किन कारणों से यूरोपीय कंपनियों ने किलेबंदी की यानी अपनी व्यापारिक चौकियों की किलेबंदी की तो अपने माल की सुरक्षा उसका उत्तर होगा ध्यान रखेगा और वह भी सुरक्षा का खतरा उन्हें किससे था यानी यूरोपीय कंपनियों से था मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा अब लेकिन मान लीजिए मैं स्थानीय शासक हूं आप बाहर से कंपनी बनाने आए और आप क्या करेंगे व्यापारिक चौकियां जो आपकी थी आप उसको उसके उसके आसपास किले बना रहे हैं फोर्ट बना रहे जिससे कि वह सुरक्षित रहे क्या मुझे अच्छा लगेगा बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा यानी अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगा अब देखिएगा यानी टकराव अब बढ़ने लगा इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था गजब लिखा हुआ यानी व्यापार और राजनीति मिले अब देख कितना बढ़िया बताया गया यानी कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए व्यापार करने कंपनी आई विभिन्न कंपनियों में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई तो जब प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई तो कंपनियों का लाभ क्या हो गया यानी यह लाभ कम हो गया नीचे की तरफ एरो में बना रहा हूं यह लाभ कम हो गया और जब लाभ कम हो गया तो अब इनके पास क्या विकल्प थे यानी इनके पास क्या ऑप्शन थे क्या उपलब्ध विकल्प थे कि वह यानी इस प्रतिस्पर्धा को ही खत्म कर दें क्या कर दें विकल्प था कि इस प्रतिस्पर्धा को ही मेरे प्यारे बच्चों विकल्प क्या था इस प्रतिस्पर्धा को खत्म कर दें तो इस प्रतिस्पर्धा को खत्म करने के लिए उन्हें क्या करना था यानी एक किसी एक जो कंपनी है यानी जो दूसरी कंपनी है दूसरी कंपनी है उसको खत्म करना या उसके माल को नुकसान पहुंचाना माल को नुकसान पहुंचाना जरा समझिएगा माल को नुकसान पहुंचाना अब माल को नुकसान पहुंचाना इसके लिए कंपनियों ने काम करना शुरू कर दिया कौन कौन सा काम किया मैंने आपको बता दिया काम करना यानी माल को नुकसान करना शुरू कर दिया अब क्या हुआ इन कंपनियों ने क्या किया कि जहां से ये व्यापार करते थे यानी व्यापार चौकियां इनको इनकी जो थी व्यापार चौकियों का मतलब हो गया बच्चे जो इनके व्यापारिक केंद्र से यानी जहां से ये माल मतलब माल खरीद करके जहां पर माल रखते थे और फिर यहां से माल यानी व्यापार के लिए भेजा जाता था उसको बोलते थे व्यापार चौकी यानी माल यहां से खरीदा यहां ला के रख दिया और फिर यहीं से उसे यानी कहाँ यूरोप भेजा गया तो उसको बोलते थे व्यापार चौकी अब इन व्यापार चौकियों की क्या करना यानी चूंकि कंपटीशन बढ़ गया प्रतिस्पर्धा बढ़ गई तो इन व्यापारिक चौकियों की इन्होंने कर दी किलेबंदी क्या कर दी किलेबंदी कर दी इन व्यापारिक चौकियों की इन्होंने क्या कर दी किलेबंदी कर दी और जब इन्होंने किलेबंदी किया तो फिर क्या होगा अब मैं यहाँ का शासक हूं या एरिया मेरे अंदर आ रहा है। जहां पर आपने किलेबंदी की यहां का मैं शासक हूं तो मैं शासक हूं इसका मतलब मेरी संप्रभुता है मेरी सॉबी है इस क्षेत्र में संप्रभुता शब्द आप सब समझते हैं क्योंकि ये मेरे शासन के अंदर में तो मेरी संप्रभुता है मुझे बुरा लगेगा तो क्या लगेगा बुरा लगेगा तो मैं क्या करूंगा? इनको बोलूंगा कि भैया ऐसा करो कि ये जो अपनी आपने या किलेबंदी की है इसको हटा दो ये मना करेंगे क्योंकि इनका मना करना भी जायज़ है इनको अपने व्यापार का खतरा है तो क्या हो जाएगा यानी अब स्थानीय शक्तियों से भी इस किलेबंदी के मुद्दे को लेकर के टकराव हो जाएगा अगर आप सबने पढ़ा हो सिराजुद्दौला और जो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में विवाद हुआ था वो भी कलकत्ते की किलेबंदी के कारण ही हुआ था चूँकि सिराज एक संप्रभु शासक था उसको ये पसंद नहीं था कि बिना उसकी अनुमति से कोई भी चाहे फ्रांसीसी हो और चाहे ब्रिटिशर्स हों वो किलेबंदी करें तो आप समझ गए यानी तो ऐसे में ऐसे में यहाँ ये कहा गया है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको व्यापार और राजनीति को एक साथ लेकर के चलना पड़ा और अंततः उसने अपने राजनीतिक साम्राज्य की स्थापना कर ली तो ऑप्शनल के एक्सपेरेंट जो भी होंगे या जीएस के कभी ऐसा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि एक व्यापारी कंपनी साम्राज्य स्थापित करती है इसके पीछे कौन कौन से उत्तरदायी कारक थे तो ये पूरा मैंने डायग्राम के माध्यम से बता दिया एक व्यापारिक कंपनी राजनीतिक शक्ति बनती है उसके पीछे ये सब भी यानी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स थे मेरे प्यारे बच्चों इनको भी आप याद कर लीजिएगा एक बार इस डायग्राम को रिवीजन करिए फटाफट बच्चों एक बार इस डायग्राम को आप रिवीजन करिए तो ठीक है एक बार इस डायग्राम का रिवीजन करिए मैं इधर हो जाता हूं टूट के पढ़ना है और ठीक है बच्चे सेशन को अवश्य लाइक करते चलिएगा ध्यान रखिएगा सेशन को लाइक करते चलिएगा अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों अब यानी क्योंकि एर्थ क्लास के एनसीआरटी है तो घटनाएं सिलसिलेवार आपको नहीं मिलती हैं और एनसीआरटी में कोई आपको सिलसिलेवार घटना मिलती भी नहीं इलेवंथ क्लास के एन में आपको मिलने लगेगा तो मेरे प्यारे बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है याद रखेगा ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है बंगाल में व्यापार अब हम बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार की बातचीत पर आ रहे हैं जरा ध्यान रखिएगा अब बंगाल में अब ये भी प्रिलिम्स का क्वेश्चन है पीटी में यहां लिख दे रहा हूं बिना पढ़ाए हुए थोड़ा आप अलर्ट रहेंगे पहली जहां पर भी पहला शब्द आता है मेरे प्यारे बच्चों जहां पर अंतिम शब्द आता है ये सब क्या होते हैं ये, ये प्रिलिम्स के क्वेश्चन होते हैं तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री बंगाल में हुगली नदी के किनारे 1651 में यानी हुगली में बनी यह पॉइंट आप याद रखिएगा अब बड़ा महत्वपूर्ण एक शब्द आएगा जिसे फैक्टर कहते हैं क्या प्रीलिम्स में अगर फैक्टर शब्द आपसे पूछ लेता जैसे आपसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता कि फैक्टर क्या थे अब देखिए आप फैक्टर क्या थे फैक्टर अब आपको क्या पता है फैक्टर क्या थे Osionfish. मेरे प्यारे बच्चों यानी जो कंपनी के व्यापारी होते थे उस जमाने में उनको फैक्टर कहा जाता था यानी फैक्टर कौन होते थे कंपनी के व्यापारी इसको याद रखिएगा कंपनी के व्यापारी देखिये यही इन एन की आशियत है ये कंपनी के व्यापारी होते थे याद रखेगा क्या होते थे कंपनी के व्यापारी होते थे फैक्टर मेरे प्यारे बच्चों तो वही कहा गया कि ये फैक्टर यहीं से यानी जो इनके केंद्र होते थे यहीं से व्यापार करते थे याद रखिएगा और इसी फैक्ट्री में बियर हाउस होता था बियर हाउस यानी माल गोदाम जहां पर उन चीजों को रखा जाता था जिनका निर्यात करना होता था भारत से बाहर उच्च कीमतें प्राप्त करने के लिए जैसा कि हमने पीछे पढ़ी लिया मेरे प्यारे बच्चों तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और इन्हीं याद रखेगा यानी यहीं पर उनके दफ्तर होते थे इन्हीं बियर हाउस के पास जिनमें कंपनी अफसर बैठा करते थे जैसे जैसे व्यापार फैला कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया यानी जो ब्रिटिश सौदागर होते थे जो व्यापारी होते थे उनसे कहा कि जैसे मान लो हमने हुगली में अपना केंद्र बनाया तो हुगली के आसपास ही आप आकर के रहने लग जाओ अपनी बस्तियां लो याद रखेगा ठीक है अब सोलह तक कंपनी ने इस आबादी यानी जो आबादी यहां पर उन्होंने सेटल की इसके आसपास एक किला बनवाना फिर से शुरू कर दिया ये जो मैं ऐसे कर रहा हूं जिग जैग ये क्या है मतलब एक बस आपको बताने के लिए उन्होंने किला बनाना शुरू कर दिया था ठीक है ना अब इसके बाद देखिए करप्शन भ्रष्टाचार आज भी है ठीक है अतीत में भी था आगे भी रहेगा उसके बाद इन्होंने क्या किया दो साल बाद कंपनी ने सोलह में मुगल जो अफसर होते थे देख लीजिए उनको रिश्वत देकर तीन गांव की जमीदारी भी खरीद ली यानी तीन गांव के जमींदार जो पहले मुगल अधिकारियों के नेतृत्व में थे अधिकारियों ने कुछ ज्यादा पैसा लेकर के उसे अंग्रेजों को बेच दिया और इनमें से एक गांव कालीकाता था यानी अब आप सोचिए जो बाद में कलकत्ता बना अब आप देखिए यानी कलकत्ता गांव उन्होंने रिश्वत से खरीदा आप याद रखेगा और तीन गांव और कौन थे जो मैं आपको बता देता हूं सुतन नाती था एक सूता नाति गोविंदपुरा गोविंदपुरा ये तीन गांव लिया था और कोलिकाता ठीक है यहां कालीकाता लिखा लेकिन कई किताबों में कोलिकाता लिखा हुआ तो सूता नाति गोविंदपुरा और कोलिकाता ये तीन गांव मुगल अफसरों को रिश्वत देकर के खरीदे थे तो प्रिलिम्स का प्रश्न है कि कौन से गांव और इन्हीं में से जो कालीकाता था आज का कलकत्ता बना याद रखेगा जिसे आप कोलकाता कहा जाता है याद रखेगा इसके अलावा कंपनी ने उस समय के मुग़ल सम्राट चूंकि सोलह में और सोलह में मुगल साम्राज्य कौन था आ, मुगल शासक कौन था औरंगजेब तो उन्होंने अंग्रेजों को देखिए मुगल सम्राट औरंगजेब को तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर रहे यानी अब उनको इन क्षेत्रों में याद रखेगा इन क्षेत्रों में सूता नाती गोविंदपुरा कालिकता में वो कोई भी व्यापार करते यहां से कोई भी वस्तुएं खरीदते तो वस्तुओं की खरीदारी पर याद रखेगा मुगल शासक को शुल्क देना पड़ता था लेकिन जैसे अभी जीएसटी देना पड़ता है ना कि कोई भी वस्तु आप खरीदिए तो जीएसटी आपको देना पड़ता पहले सेल टैक्स वगैरह देना पड़ता था जीएसटी देना वैसे ही समझिए जीए, एक जीएसटी देना पड़ता था लेकिन इस जीएसटी से औरंगजेब से उन्होंने मुक्ति भी प्राप्त कर ली कितने चालांक थे आप समझ लीजिए तो आई होप आप इस पॉइंट को समझ गए हैं तो अब कंपनी ने रखिएगा ज्यादा से ज्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश की उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था यानी केवल कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था लेकिन आपको पता है अब क्या हुआ कंपनी के अफसर उस समय निजी तौर पर भी व्यापार करते थे यानी एक दो प्रकार से व्यापार उस समय चल रहा था याद रखिएगा उस समय व्यापार दो प्रकार से चल रहा था तो एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी ठीक है ना दूसरा व्यापार कंपनी के जो अफसर होते थे वो निजी रूप से करते थे और ये अफसर खूब कमाते थे यानी ईस्ट एक तो होता था ईस्ट इंडिया कंपनी के टैग के साथ और दूसरा निजी स्तर पर भी ये व्यापार करते थे याद रखेगा तो उनको ये छूट नहीं थी लेकिन उन्होंने शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया यानी वो भी कहते थे कि भाई जब ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली हम उसके अफसर हैं तो हमारे व्यापार को भी छूट है और इसके माध्यम से वो सभी प्रकार के शुल्क या चुंगी जो लगती है उससे बच गए इससे क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों इनको तो लाभ हुआ लेकिन बंगाल में राजस्व रेवेन्यू की जो वसूली थी वो बहुत कम हो गई तो अब रिजल्ट क्या होगा परिणाम क्या होगा कुछ लोग कहते ना जब तक आप अच्छे से इतिहास पढ़ते नहीं है तब तक आप इतिहास का मर्म नहीं समझते तो हम क्या पढ़ते हैं मुगलों के पतन का एक कारण था कि मुगलों के अधीन जो सूबेदार थे उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी बंगाल में मुर्शीद कुली खाने कर दी ठीक है पढ़ते हैं ऐसे ही पढ़ते हैं ना अवध में कर दी शहादत खान ने ऐसे ही अन्य जो हैदराबाद में निज़ामुल मुल्क ने कर दी ऐसा ऐसे ही लिखा होता है ना तो हमें लगता है कि यार ये लोग विद्रोही थे क्या लगता है लगता है कि नहीं ऑनेस्टी से बताना लगता है नहीं लगता है। एक बार आप लोग जरा सोचिए इस पर हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है ना कि निजामुल मुल्क यार बताओ मुगल सम्राट कमजोर पड़ रहे थे तो इसने अपनी सत्ता स्थापित कर ली हैदराबाद में फिर उसके बाद शहादत खान यार अवध में स्थापित कर ली जो कि सब ये सब क्या थे यानी कि अंग्रेज यानी ये सब कौन लोग थे ये वो लोग थे जो अंग्रेजों के सबसे ज्यादा विश्वस्त होते थे क्या होते थे अंग्रेजों के सबसे ज्यादा विश्वस्त होते थे बहुत सॉरी अंग्रेजों के नहीं आ, मुगलों के तो जब मुग़लों के विश्वस्त अलग होने लग गए तो हम हम पढ़ते हैं ना तो हमारे मन में आता है कि यार ये जब अलग हुए हैं तो उसके पीछे रीजन जो है यही था कि ये लोग मुग़लों के प्रति वफादार नहीं रहे लेकिन जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो आप एक ऐसी स्थिति पाते हैं जहां पर ये जो जो मुग़लों के अधीन जो सूबेदार थे जैसे बंगाल का था मुर्शीद कुली खान तो जब मुर्शीद कुली खान जो कि योग्य था जब ये देखेगा तो उसको दुख होगा तो वो फिर इसका विरोध करेगा उसका विरोध करेगा और फिर अपनी एक स्पेशल सत्ता स्थापित करेगा तो कुली खान ने इसका विरोध किया था ये जो दो प्रकार से छूट का लाभ उठा रहे थे यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी भी और उसके नवाब भी अब आता है व्यापार से युद्धों तक मेरे प्यारे बच्चों क्या यानी व्यापार से युद्धों तक याद रखिएगा अब यहां पर लिखा है मुर्शीद कुली खान सबसे पहले यानी बंगाल का नवाब बना उसके बाद अलीवर्दी खां बना और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने तो इसको याद करिएगा अनुक्रम पूछता है क्रोनोलॉजी पूछता है प्रीलिम्स ये पीटी फैक्ट है क्रोनोलॉजी पूछता है यानी क्रोनोलॉजी कौन कौन पहले बना कौन दूसरे पे कौन तीसरे पे तो आप अगर इतना याद रहेगा तो आप अच्छे से चीजों को कर पाएंगे इसके बाद मीर जाफर इसके बाद मीर कासिम अगेन मीर जाफर फिर निजामुद्दौला याद रखेगा ये सभी शक्तिशाली शासक थे उन्होंने कंपनियों को रियायतें देने से मना कर दिया आप देखिए कैसे प्लासी की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है यानी प्लासी की पृष्ठभूमि के युद्ध की पृष्ठभूमि यहां पर कैसे तैयार है अब कोई भी ताकतवर होगा तो इस कॉन्सेप्ट को पसंद करेगा क्या कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू मतलब किसी भी प्रकार के शुल्क मुक्त व्यापार का लाभ दिया गया था लेकिन निजी अफसर भी उठा रहे थे तो बंगाल का राजस्व घट रहा था तो कोई भी योग्य जो बंगाल का शासक होगा भले वो मुगलों के अधीन सांकेतिक रूप से क्यों ना हो तो क्या मानेगा तो प्लासी की पृष्ठभूमि बन रही है ये सभी शक्तिशाली शासक थे उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया और उस समय मुगल शासक कमजोर थे उत्तराधिकार के लगातार युद्ध होते रहते थे इसलिए वो मुर्शीदुलिखा अलीवर्दी खां इन सबको रोक भी नहीं सकते थे याद रखेगा ठीक है ना अब इन्होंने क्या किया कि तुम एक काम करो न, हमें नजराना दो याद रखें। क्या क्या दिया कहा नजराना दो यानी अब जो जो भी तुम सामान यहां से लेके जा रहे हो उस पर एक प्रकार का इन्होंने नजराने के नाम पर टैक्स वसूलना शुरू कर दिया फिर कहा कि तुम हमारे क्षेत्रों में अपना सिक्का नहीं चला सकते यानी सिक्का ढालने की अनुमति नहीं दी कि जैसे अंग्रेज चाहते थे कि उनके एरिया में जहाँ पर भी उनकी अपनी व्यापारिक चौकी थी फिर वो केंद्र हो गया था उनका उनके लोग बसे थे अपना सिक्का चलाने की अनुमति नहीं दी और जब वो किलेबंदी कर रहे थे उसको भी रोक दिया कहा कि अब आप किलेबंदी भी नहीं कर सकते अब देखिए मामला यहीं से ख़राब होने लगा कि इन्होंने नजराने मांगे सिक्के ढलाई का अधिकार छीन लिया और ये कहा कि अब आप किलेबंदी नहीं कर सकते हैं याद रखिएगा इसके अलावा कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया याद रखिएगा और ये कहा कि इस ये जो धोखाधड़ी है यानी यही वाली धोखाधड़ी इसके कारण से क्या हो रहा है यानी बंगाल सरकार का रेवेन्यू लॉस हो जा हो जा रहा क्यों क्योंकि वसूली कम हो रही है और जब पैसा ही नहीं रहेगा तो नवाबों की ताकत भी कम पड़ रही है इसका मतलब मार्क्स काल मार्क्स का जिक्र करूं हालांकि यहां लाना नहीं चाहिए लेकिन अपने आप आ रहा है कि काल मार्क्स देखो हमेशा कहता था कि जिसके पास बेस है यानी पूंजी है जिसके पास बेस स्ट्रक्चर है जिसके पास उसी के पास सुपर स्ट्रक्चर है तो उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट के तहत कहा भाई हमारी ताकत कमजोर पड़ रही है बट कंपनी टैक्स चुकाना नहीं चाहती थी अब देख लीजिए उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया तो अब आप समझ सकते हैं यानी व्यापार से युद्धों तक यानी अब प्लासी की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है दोनों तरफ से ठीक है और जो पॉइंट बताए गए हैं उसको आप याद रखिएगा कंपनी का कहना था कि जो स्थानीय अधिकारी थे किसके यानी बंगाल के नवाबों के वो बेतुकी मांग करते थे इससे कंपनी का व्यापार तबाहत अब देखिएगा यानी एक तरफ अब अब मैं बीच में लिख दूं युद्ध की पृष्ठभूमि अब ये कैसे बन रही है जरा ध्यान समझे एक तरफ बंगाल के नवाब हैं जो ये कह रहे हैं बंगाल के नवाब वो ये कह रहे हैं कि हमें राजस्व का नुकसान हो रहा है राजस्व का नुकसान हो रहा है रेवेन्यू लॉस हो रहा है राजस्व का नुकसान हो रहा है ये ध्यान रखिएगा एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमें राजस्व का नुकसान हो रहा है कंपनी के नवाब जरा ध्यान रखिएगा ठीक है मेरे प्यारे बच्चों दूसरी तरफ अब देखिए अंग्रेज कंपनी क्या कह रही है अंग्रेज कंपनी कह रही है कि इन नवाबों के बेतुके हस्तक्षेप से हमें राजस्व का नुकसान हो रहा है क्योंकि हमारा व्यापार का हमारा व्यापार तबाह हो रहा है तो बंगाल के नवाब कह रहे थे कि उनके राजस्व का नुकसान हो रहा है और अंग्रेजी कंपनी कह रही उसके राजस्व का नुकसान हो रहा है तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि इससे बोलते हैं हितों का संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट ये हितों का संघर्ष हो गया दोनों के हितों में आपस में एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई और इसी संघर्ष ने प्लास्टिक की पृष्ठभूमि को निर्मित कर दिया आप देख सकते हैं मजा आ रहा बच्चे पढ़ने में कि नहीं आ रहा यानी नए ढंग से आप एन को पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। और शायद आप ये भी मानेंगे कि जो मैंने पीछे एनसीआरटी कराई है उससे इसे मैं अलग करा रहा हूं तो आप आसानी के साथ इसे देख सकते हैं तो हितों का संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट मेरे प्यारे बच्चों यहां पर साफ साफ दिखाई देने लगा ठीक है ना तो अब आप व्यापार तभी फल फूल सकता था जब सरकार शुल्क हटा ले यानी, अब आप देखिए सरकार शुल्क हटा ले और सरकार शुल्क हटाने को तैयार नहीं क्योंकि उनके राजस्व का नुकसान हो रहा है ठीक है और कंपनी को इस बात का यकीन था कि अपना व्यापार बढ़ाने के लिए उससे अपने उससे अपनी आबादी बढ़ानी होगी गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा यानी जो जो काम नबाबों ने रोका है एक तो राजस्व का नुकसान हो रहा था दूसरा यानी जो जो काम कि आप किलेबंदी नहीं कर सकते हैं ठीक है आप किलेबंदी नहीं कर सकते हैं तो अब अंग्रेजों को लगता है कि हमें किलेबंदी करनी पड़ेगी अब आप देखिए किलेबंदी इन्होंने रोका कि तुम नहीं कर सकते इन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम बचेंगे नहीं तो अब ये टकराव लगातार दिनों दिन बढ़ता जा रहा था हितों का संघर्ष ये टकराव दिनों दिन लिखा हुआ बढ़ता जा रहा था और इन्हीं टकरावों की देख सकते हैं परिणति लिखा हुआ इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई अब मेरे प्यारे बच्चों किसके रूप में हुई प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में मजा आया कि नहीं अब आपसे कोई पूछे कि प्लासी के युद्ध के पीछे कौन से उत्तरदायी कारक थे मेरे बच्चों से अच्छा कोई बता पाएगा क्या यानी यह प्रश्न कहां पूछ सकता है जीएस वन कहा पूछ सकता है बच्चे जीएस वन यूनिट टू आधुनिक अठारहवीं शताब्दी के मध्य से लेकर आधुनिक काल तक का भारत का इतिहास महत्वपूर्ण तो घटनाएं व्यक्तित्व और मुद्दे सिलेबस है ना तो ये महत्वपूर्ण घटना प्लासी और इस महत्वपूर्ण घटना प्लासी यानी सेकेंड यूनिट सिलेबस का जीएस वन हिस्ट्री और प्लासी के कारण आपसे ये पूछेगा ना में में कि निम्नलिखित से कौन सा से प्लासी के युद्ध के उत्तरदायी कारक रहे हैं एक दो तीन चार यही सारी बातें कुछ ना कुछ रखेगा तो आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ गए पिक्चर के माध्यम से मैंने यानी एक डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको बता दिया है दूसरा प्रश्न यानी मुख्य परीक्षा का कि प्लासी के पीछे कौन से अंतर्निहित उत्तरदायी कारक रहे हैं चर्चा कीजिए तो मैंने पूरा डायग्राम के माध्यम से आपको समझा दिया है और फिर मैंने दिखाया कि जो मैंने समझाया वही एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है तो आप आसानी से यानी यहां पर अच्छी चीज कर सकते अब आता है प्लासी का युद्ध तो प्लासी का युद्ध मेरे प्यारे बच्चों इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है ऑप्शनल में भी ये इम्पोर्टेंट है जिनका इतिहास है जी एस वन में भी इंपॉर्टेंट है यूनिट टू यूनिट मतलब बेटा सिलेबस को ही मैं यूनिट बोलता हूँ जब पेपर वन इतिहास आप खोलेंगे तो जो दूसरा पार्ट दिया गया है यानी अठारहवीं शताब्दी के मध्य से लेकर अठारहवीं शताब्दी के मध्य से लेकर आधुनिक भारत तक जो भी मैंने बताया और इसके साथ प्रीलिम्स तो रहेगा ही रहेगा यानी सारी घटनाएं जो भी प्लास्टिक के युद्ध में घटित हुई आपको एक एक करके पता होनी चाहिए क्योंकि अगर ये सब क्वेश्चन गलत होते हैं तो ऐसे लगता है कि यार अरे बाप कितनी बड़ी सिली मिस्टेक हो गई तो प्लास्टिक के युद्ध के कारण में आपको बीस सेकेंड का मौका देता हूँ आप सोचिए कि आखिर में प्लास्टिक के युद्ध के क्या कारण रहे हैं ध्यान रखिएगा चलिए मैं आपको 20 सेकंड का मौका दे रहा हूं आप मुझे बताएं कि प्लास्टिक युद्ध के लिए कौन से कारक उत्तरदायी रहे सोचिए 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 पीछे पड़ी हुई चीजों को सोचिए यानी बिल्कुल ऑफलाइन क्लास का मजा लीजिए मेरे प्यारे बच्चों किसका मजा लीजिए ऑफलाइन क्लास का बिल्कुल मजा लीजिए फिर आपको और मजा आएगा और मजा आएगा और मजा आएगा ध्यान रखिएगा चलिए सोच लिया आई होप कि आप सबने सोच लिया होगा अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं यहां से और इस पूरी स्लाइड को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं ध्यान रखिएगा इस पूरी स्लाइड को बहुत बहुत अच्छे से पढ़ते हैं क्योंकि यहां से प्रिलिम्स का कौन सा प्रश्न आ जाएगा मुझे भी नहीं पता है तो हम इसको शब्दशाह आपको पढ़ाएंगे और फिर कॉन्सेप्ट में उसको परिवर्तित कर देंगे सत्रह में मेरे प्यारे बच्चों अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद जरा ध्यान रखिएगा सत्रह सो छप्पन में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना चलो मेरे साथ एक बार रिवीजन करके बताओ बंगाल का पहला नवाब क्योंकि पीटी पूछेगा बंगाल का पहला नवाब कौन था जोर से आवाज कान तक आनी चाहिए मेरे चलो दूसरा नवाब कौन था और तीसरा नवाब कौन था तो आप रटते चलिएगा ये क्रोनोलॉजी पूछ लेता है ठीक है तो ये आपने बोला और मेरे कान तक आवाज आई देखिए जब कनेक्शन किसका हो दिल का हो तो आवाज कान तक आ जाती है ये ये मेरा मेरा ही ट है तो अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने अब देखिएगा लेकिन कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था क्योंकि ये विरोध करता था ब्रिटिश की नीतियों का अब ऑब्वियस है ताकत से काफी भय था और मैंने यहां पर दिखाई दिया कि टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट हितों का संघर्ष दोनों का मैंने ये डायग्राम के माध्यम से हितों का संघर्ष आपको बता ही दिया था तो अब आप मुझे बताइए इस हितों के संघर्ष में क्या अंग्रेज मैं आपको बताता हूं जैसे मान लीजिए ये हितों का संघर्ष है ये हितों का संघर्ष है तो क्या इस हितों के संघर्ष में अंग्रेज ये चाहेंगे कि बंगाल का नवाब ताकतवर हो यानी क्या वो चाहेंगे चलिए बताइए यानी ये जो ताकतवर हो नहीं वो ये चाहेंगे कि जो बंगाल का नवाब बने वो कठपुतली हो ताकतवर ना हो कठपुतली आप सबको पता होगा ना जो राजस्थान का प्रसिद्ध कठपुतली सांस्कृतिक नृत्य यानी कठपुतली नृत्य जैसे कठपुतली क्या होती है अपने चलाने वाले के इशारे पर नाचती है काठ की पुतली ध्यान रखेगा तो वो चाहते थे कि कठपुतली यानी जैसा वो चाहे उसी प्रकार से नीतियां बनाने वाला कोई बंगाल का नवाब बने तब तो आप देखिए यानी अब वो जब ये चाहेंगे तो वो क्या करेंगे सिराजुद्दौला के उत्तराधिकार के विवाद में अपने आप को डाल देंगे क्या करेंगे सिराजुद्दौला के उत्तराधिकार के विवाद में डाल देंगे इसका मतलब है कि जो पीछे मैंने एक आप लोगों को कॉन्सेप्ट एक, एक प्रश्न बताया था जो ऑप्शनल में आया हुआ है प्रीवियस ईयर अगर ऑप्शनल के बच्चे देखेंगे जो जीएस में कभी भी आ सकता है कि अंग्रेजों ने भारत को बेखबरी के दौर में जीता अंग्रेजों ने भारत को बेखबरी के दौर में तो आप देख सकते हैं कि अंग्रेजों ने बेखबरी के दौर में नहीं अंग्रेजों ने भाप लिया था कि भारत के व्यापार पर नियंत्रण करने से अगर उन्हें इतना लाभ मिल रहा है तो ऐसे में अगर भारत की शासन सत्ता ही उनके हाथ में आ जाए तो भारत के संसाधनों का जिसे सोने की चिड़िया वाला देश कहा जाता है उसके संसाधनों का वो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति में व्यापक रूप से इस्तेमाल करके और ब्रिटेन को औद्योगिक देश और एक विकसित देश बना पाएंगे ध्यान रखिएगा ठीक है तो सिराजुद्दौला की ताकत से भय था तो ऐसे में देखिए वही बात जो हाँ मैंने बताई कंपनी चाहती थी कि सिराजुद्दौला कंपनी का शासक नाम अरे जो है बंगाल का शासक ना बने वहां कोई कठपुतली नवाब चाहती थी और क्यों चाहती थी जिससे उसे खूब सारी व्यापारिक रियायतें मिले अन्य सुविधाएं जो वो मांगे वो सारी मिले कोई आना कानी ना करे यानी कठपुतली बताने की जरूरत नहीं अब कंपनी ने देखिए राजनीतिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप करना शुरू किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदी बहुत से यानी आपको पता होगा मध्यकाल में शासन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता था जो ताकत और होता था उसी का अधिकार होता था इसलिए उत्तराधिकार कहीं पर भी चाहे मुगलों में हो और चाहे किसी यानी प्रांतीय जो नवाब हैं या शासक हैं उत्तराधिकार का युद्ध होता ही रहता था तो सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदितियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए पर कंपनी कामयाब नहीं हुई याद रखिएगा अब जब सीधे सीधे यानी सिराजुद्दौला ने देखा कि ये सीधे सीधे हमारे अगेंस्ट हैं लेकिन सत्ता मिली किसको सिराज को अब सिराज क्या करेगा अब सिराजुद्दौला अंग्रेजों के विरुद्ध वाली नीतियां अपनाएगा तो सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि उन कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे यानी प्लासी के युद्ध के कारण अबाप जा रहे पीछे वाले तो हो गए कुछ और कारण प्लासी के युद्ध के कुछ और कारण कुछ और कारण तो एक कारण क्या था अंग्रेजों का यानी बंगाल के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना यह एक रीजन और था इसको आप यहां पर लिख दीजिए इसके साथ साथ तो उसने ये कह दिया कि तुम किलेबंदी रोक दो और बकाया राजस्व चुकाओ जो तुम्हारे ऊपर है अब देख लीजिए इस स्थिति में दोनों पक्ष पीछे हटे नहीं यानी और फिर परिणाम क्या हुआ तो हजार सिपाहियों के साथ यानी अब एक्शन होगा अभी तक क्या हो रहा था बातचीत और संघर्ष अब होगा सीधा सीधा संघर्ष तीस हजार सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार एक जगह है मेरे प्यारे बच्चों में अंग्रेज की जो फैक्ट्री थी उस पर हमला बोल दिया तो कासिम बाजार की घटना अब देखिए प्रिलिम्स का क्वेश्चन यहां पर एक और आता है यानी प्लासी के युद्ध में जो जो घटनाएं हुई थी प्लासी के युद्ध के समय प्लासी के युद्ध के समय जो जो भी घटनाएं हुई थी याद रखेगा जो जो घटनाएं हुई थी जो जो घटनाएं हुई थी प्लास्टिक के युद्ध के समय मेरे प्यारे बच्चों उन पर यानी क्रोनोलॉजी यूपीएससी ने पूछा हुआ है आप एक बार पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा तो एक एक घटना याद करिए तो सबसे पहली घटना क्या हुई जैसे कासिम बाजार पर सिराजुद्दौला का हमला याद रखेगा और कासिम बाजार पर नियंत्रण कर लिया कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया गोदाम पर ताला डाल दिया यानी उनका जो गोदाम था और अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज जहाजों को घेरे में ले लिया याद रखेगा इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर कर यानी सबसे पहले कासिम बाजार की घटना फिर उसके बाद कलकत्ता पर नियंत्रण के लिए सिराजुद्दौला का प्रयास तो आप देख सकते हैं एक एक घटना इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है इतिहास को बद मैं क्यों कह रहा हूं कि एक एक घटना आपको जो अभी की स्लाइड पढ़ा रहा हूं इसकी एक एक घटना को याद करना इसलिए याद करना चूंकि ये इतिहास को बदलने वाली स्थिति है ये इतिहास को बदलने वाली घटनाएं हैं मेरे प्यारे बच्चों जब इतिहास को बदलने वाली घटनाएं है, हैं तो ऑबियस इतिहास में इसमें प्रिलिम्स और मिन्स दोनों में क्वेश्चन आएगा ही आ इनफैक्ट इंटर भी में भी कोई इतिहास का एक्सपर्ट हुआ तो वो प्लासी पर कुछ ना कुछ आपसे पूछ सकता है अब देखिएगा अब कलकत्ता इनका एक मुख्य केंद्र था कलकत्ता इनका मुख्य केंद्र था अगर कलकत्ता इनके हाथ से निकल जाता तो यानी ये एक व्यापारिक कंपनी के रूप में ज्यादा समय तक भारत में अपना अस्तित्व बचाए ना रख पाते तो ऐसे में कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव देखिए वाग्य एक पर्सनालिटी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया ठीक है ना इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक डील हुई सौदेबाजी चली आखिरकार सत्रह में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया और हार हो गई सिराजुद्दौला की अब लेकिन उसकी हार क्यों हुई यानी वो हारा क्यों यह भी एक प्रिलिम्स का प्रश्न है आखिर हारा क्यों इसका तो एक बड़ा कारण था याद रखिए उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर का अंग्रेज़ों से मिल जाना था याद रखिएगा यानी मीर जाफर के पास एक बड़ी सेना की टुकड़ी थी जिसने युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया अब आप लीजिए और रॉबर्ट क्लाइव ने उसको कहा कि अगर तुम हमारे साथ आओगे तो हम तुमको नवाब बना देंगे और वही हुआ यानी आप ध्यान से समझें वही हुआ यानी सिराज के को हटाने के बाद अब यहाँ से मीर जाफर को नवाब बनाया गया और अब यहां से कठपुतली नवाबों की श्रृंखला शुरू होती है तो यह भी प्रेम्स का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से यानी कौन पहला कठपुतली नवाब था अंग्रेजों का या स्टेट पीसीएस में पूछता है यश में नहीं पूछेगा तो वो था मीर जाफर ध्यान रखिएगा अब यहां पर कुछ बातें आपके लिए उठाई गई हैं जो हमें कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में मदद करेंगी और वो क्या क्या आप जानते थे यानी अब देखिए क्या आप जानते थे कि प्लासी का यह नाम किस तरह पड़ा जरा अब उसके बारे में दरअसल असली नाम प्लासी था पलासी जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़कर प्लासी कर दिया इस जगह को पलासी कहा जाता था क्यों कहा जाता चूंकि यहां पर पलास के फूल बहुत पाए जाते थे याद रखिएगा ठीक है ना तो पलासी कहा जाता था चूंकि यहां प्लास के फूल पाए जाते थे लेकिन उन्होंने इसको प्लासी कहना शुरू कर दिया तो एक अच्छी चीज है जो हम लोगों को जानने को मिली याद रखेगा ठीक है ना तो बस यहाँ से आप देख सकते हैं ये रॉबर्ट क्लाइव का एक पेपर है तो कोई मतलब नहीं है इसको आपको जानने की अब आगे आते हैं अब आता है यानी यहां पर प्लासी का युद्ध क्यों महत्वपूर्ण था यह भी एक प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है और मेंस का भी प्लासी का युद्ध क्यों महत्वपूर्ण था प्लासी का युद्ध क्यों महत्वपूर्ण था ध्यान रखिएगा प्लासी का युद्ध क्यों महत्वपूर्ण था मेरे प्यारे बच्चों प्लास्टिक की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती थी क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी क्या थी भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी इसको आप याद रखेंगे यानी इसका मतलब हो गया पहला पॉइंट जो कह रहा है कि व्यापारिक कंपनी से व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक सत्ता व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक सत्ता की तरफ बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ ये पहला महत्वपूर्ण तो कदम माना गया तो इसलिए यह महत्वपूर्ण तो था महत्वपूर्ण तो कदम माना गया आई होप आप इसको समझ गए सिराजुद्दौला दौला को मार दिया गया और मीर जाफर बंगाल का नवाब बना अब आप देख सकते हैं अब बताने की आवश्यकता नहीं है अब कठपुतली आ गया तो कठपुतली से वो जो भी चाहते थे वह कठपुतली उन्हें वह सब चीज देने लगा बट अपनी प्रजा की नज़र में जो उसका सम्मान था वो कम हो गया याद रखेगा अब स्वाभाविक है एक समय के बाद आप कठपुतली शासक भले हैं लेकिन जब राज्य का राजस्व ही इकट्ठा नहीं होगा जनता ही आपका सम्मान नहीं करेगी तो फिर आपको भी कुछ न कुछ एक्शन करना पड़ेगा तो मीर जाफर ने अब क्या किया कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसको हटा दिया और मीर कासिम को नवाब बना दिया अब देखिएगा तो मीर कासिम को नवाब बना दिया तो अब आप देखिए यानी जो भी नवाब थे उनकी क्रोनोलॉजी मेरे साथ एक बार देखिए यानी सबसे पहले कौन बंगाल को स्वतंत्र कराता है मुर्शिद कुली खां सबसे पहला शासक फिर दूसरा कौन बनता है मेरे प्यारे बच्चों अली वर्दी खां कौन बनता है अली वर्दी खां फिर तीसरा कौन बनता है आप देखिए सिराजुद्दौला इसका नाती था पोता था सिराजुद्दौला फिर इसके बाद चौथा कौन बना मीर जाफर और फिर पांचवा कौन बना यानी मीर कासिम तो ये क्रोनोलॉजी याद रखिएगा जिसमें से मीर जाफर और मीर कासिम ये कठपुतली नवाब थे कौन से नवाब थे ये कठपुतली नवाब थे ये आप ध्यान रखिएगा तो मीर कासिम लेकिन कुछ समय के बाद ऑबियस इनकी इनकी जो राजस्व की नीतियां थी उससे कोई भी परेशान हो जाएगा तो मीर कासिम भी परेशान हो गया तो मीर कासिम भी यानी इनके ऊपर अनेकों प्रकार के नियंत्रण लगाने लगा तो बक्सर की लड़ाई सत्रह में भी हुई और इसमें उसको हराना पड़ा किसको यानी अंग्रेजों को मीर कासम को और उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और फिर छठा जो नवाब बना यही चौथा वाला यानी मीर जाफर को फिर से नवाब बनाया गया मेरे प्यारे बच्चों ये याद रखिएगा और उससे खूब लाभ लिए गए बक्सर यानी हर महीने पांच लाख रुपए कंपनी को चुकाएगा कंपनी को अपने सैनिक खर्चों से निपटने व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए यानी ये सब पैसा देगा तो याद रखेगा और सत्रह में मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी का इरादा देखिए साफ लिखा था कि बदल चुका था कठपुतली नवाबों के साथ अपने ही खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा देखिए क्या स्टेटमेंट है क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा तो ऑप्शनल वाले बच्चे जरा विचार करेंगे यह स्टेटमेंट क्या अंग्रेजों ने भारत को बेखबरी के दौर में जीता अंग्रेजों ने भारत को बेखबरी के दौर में जीता क्या क्लाइब का यह स्टेटमेंट इस अंग्रेजों के या अंग्रेज इतिहासकारों के विचार के साथ मैच कर रहा है आप कहेंगे कि यदि अंग्रेजों ने भारत को बेखबरी के दौर में जीता तो क्लाइब को यह ऐलान करने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा यानी मेरे प्यारे बच्चों मीर जाफर के बाद सातवें नंबर पर कंपनी खुद नवाब बनती है कंपनी खुद नवाब बनती है अब कैसे बनती है वो अभी मैं आपको समझाता हूं यानी कंपनी खुद नवाब बनती है और कैसे बनती है यानी आप सबको पता है अब वो बंगाल में एक शासन पद्धति लाती है द्वैध शासन पद्धति कौन सी द्वैध शासन द्वैध शासन को समझने के लिए जरा आप समझिए मेरे प्यारे बच्चों द्वैध शासन का मतलब क्या होता है यानी दो प्रकार का शासन यानी कोई भी शासन और द्वैध शासन को समझने के लिए सबसे पहले आपको शासन को समझना होगा क्या समझना शासन तो मेरे प्यारे बच्चों किसी भी प्रांत का शासन दो प्रकार से चलता है यानी एक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों जिसे हम दीवानी कहते हैं दीवानी दीवानी को हम क्या कहेंगे राजस्व यानी एक प्रशासन ऐसा होता है जो राजस्व वसूली से संबंधित होता है और दूसरा होता है मेरे प्यारे वस्तु तो फौजदारी फौजदारी शासन यानी जो जैसे आई एस पी एस अधिकारी जो सामान्य प्रशासन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं और जो दीवानी होता है वो राजस्व प्रशासन संभालता है तो खुद नवाब बनने का मतलब हुआ कि उन्होंने यह नहीं कहा कि अब कंपनी ही बंगाल की नवाब है यहां खुद नवाब बनने का मतलब है जरा कॉन्सेप्ट को समझिएगा यहां खुद नवाब बनने का मतलब है कि कंपनी ने नजमुद्दौला नामक एक व्यक्ति को सातवां नवाब बनाया नजमुद्दौला ठीक है किसको बनाया नजमुद्दौला को यानी कंपनी ने नवाब बनाया बट इसी समय से उसने बंगाल में द्व यानी सत्रह पैंसठ में न, जो है नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया और इसी समय से कंपनी ने वहां द्वैध शासन की शुरुआत कर दी यानी जो क्लाइव ने ऐलान किया था कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा तो कैसे बने इस द्वैध शासन के नाम पर तो अब अगर पीटी में प्रश्न आए कि क्लाइब ने ऐलान किया था कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा इसको निम्नलिखित में से कौन सी घटना क्या चरितार्थ करती है या कौन सी घटना इसके बारे में महत्वपूर्ण है ए बी सी डी तो द्वैध शासन के द्वारा कंपनी खुद नवाब बनती है यानी दीवानी यानी राजस्व वसूलने का अधिकार कंपनी अपने हाथ में रख लेती है और जो फौजदारी यानी सामान्य शासन है जिसे निजामत कहते थे निजामत फौजदारी को निजामत भी कहते हैं तो जो निजामत का अधिकार था वो नजमुद्दौला के पास आ जाता है ध्यान रखिएगा अब देखिए कंपनी ने इसके माध्यम से यानी जो ये कंपनी है मेरे प्यारे बच्चों जरा समझिएगा जो ये कंपनी है तो ये कंपनी इस द्वैध शासन के माध्यम से जरा समझिए आप जो कंपनी है ये द्वैध शासन के नाम पे एक मास्टर स्ट्रोक खेलती है कंपनी जो है ये द्वैध शासन के नाम पर मेरे प्यारे बच्चों किसके नाम पर द्वैध शासन के नाम पर एक हम कह सकते हैं मास्टर स्ट्रोक खेलती है क्या खेलती है मास्टर स्ट्रोक यानी जैसे सचिन तेंदुलकर खेलते थे तो कहा जाता था मास्टर स्ट्रोक खेला अब वो मास्टर स्ट्रोक क्या है मेरे प्यारे बच्चों जरा समझिएगा तो मास्टर स्ट्रोक है कि दीवानी यानी इनको तो राजस्व से मतलब था दीवानी यानी सॉरी छोटी की मात्रा रहेगी बच्चों दीवानी यानी राजस्व इनको अब ये कड़ाई के साथ राजस्व वसूलते थे जनता पर जुल्म करते थे ठीक है ना व्यापारियों पर जुल्म करते थे और जुल्म करते थे लेकिन जो जुल्म करने के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी होते थे वो कहां से होते थे जुल्म करने के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे वो कहां से होते थे यानी वो निजामत से होते थे निजामत यानी फौजदारी से होते थे यानी फौजदारी यानी सामान्य प्रशासन से होते थे और यह सामान्य प्रशासन किसके किसके पास था और यह सामान्य प्रशासन मेरे प्यारे बच्चों किसके पास था जरा समझिएगा यह सामान्य प्रशासन था किसके पास बेचारे बंगाल के बेचारे नवाब के पास यानी बंगाल के नवाब के पास यह था तो आप देखिए बंगाल के नवाब के पास था निजामत का अधिकार तो अब बताइए जनता अगर नाराज होगी तो किससे होगी चलो बताओ आपसे प्रश्न है ये अब ऐसे में अगर जनता नाराज हो जाए यानी इन परिस्थितियों के कारण जनता नाराज हो जाए इनके कारण इस परिस्थिति के कारण ये जो कड़ाई से जुल्म किया जाता था जनता नाराज होगी तो किससे होगी यानी दीवानी वाले अंग्रेजों से जरा बताइएगा दीवानी वाले अंग्रेजों से होगी या फौजदारी वाले बंगाल के नवाब से होगी कमेंट करके बताइए किससे होगी यानी दीवानी वाले अंग्रेजों से होगी या फौजदारी वाले बंगाल के नवाब से होगी तो ऑब्वियस आपका उत्तर आएगा कि सर जो दिखेगा जो दिखता है वही बिकता है तो अब यानी अंग्रेज जो राजस्व वसूल रहे थे उस राजस्व की वसूली में वो इन प्रशासनिक अधिकारियों की मदद ले रहे थे जो कि नजमुद्दौला के हाथ में था बंगाल के नवाब के हाथ में था मेरे प्यारे बच्चों और इसीलिए जनता को लगा कि ये जो नजमुद्दौला है यानी जो बंगाल का नवाब है यही अत्याचारी है यही अत्याचारी है अत्याचारी है और यही अन्यायी है और नवाब की जनता के कुभाजन से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे सीधे बच गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे सीधे बच गई मेरे प्यारे बच्चों एक बार इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप जरा विचार करिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे सीधे बच गई जरा एक बार इस डायग्राम पर आप अपनी निगाह डालिए ठीक है जरा इस डायग्राम पर फटाफट अपनी निगाह डालिए फटाफट 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 बना लीजिए फटाफट भड़ करिए बच्चे ठीक है तो आई होप आप समझ गए आगे बढ़ते हैं यहां से ये चीजें हो गई तो सीधा सीधा आपको मास्टर स्ट्रोक भी समझ में आ गया और द्वैध शासन भी आ गया याद रखेगा फिर आखिरकार सत्रह में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान ये देखिए वही जो मैंने बताया वही सारी बातें लिखी हुई यानी सत्रह में कंपनी ही बंगाल प्रांत की दीवान यानी रेवेन्यू वाली अधिकारी नियुक्त हो गई याद रखेगा अब दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई यानी अब उसे राजस्व में किसी के हस्तक्षेप से संरक्षण प्राप्त हो गया याद रखिएगा अठारहवीं शताब्दी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था लेकिन उसे भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी, थी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यानी बंगाल की नवाबी मिलने से पहले देखिए अब आता है द्वैध शासन का अंग्रेजों को क्या फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ यानी यह भी पीटी का भी क्वेश्चन है और मेंस का भी क्वेश्चन दो द्वैध शासन और दीवानी मिलने से दीवानी मिलने से अंग्रेजों को क्या प्लस यानी लाभ हुआ और क्या नुकसान हुआ ऐसा नहीं होता केवल प्लस ही होता है लेकिन अभी हम प्लस की बात कर रहे हैं यानी क्या फायदा हुआ तो जब वो बंगाल के नवाब बन गए तो अब भारत से ही उनको राजस्व मिलने लगा जरा समझिएगा बड़ा गहरा कॉन्सेप्ट है दादा भाई नरोजी को पढ़ने से पहले आप यहीं से ड्रेन ऑफ यानी धन का निर्गमन का सिद्धांत पढ़ सकते हैं यानी दादा भाई नरोजी को पढ़ने से पहले ही आप धन का निर्गमन यानी ड्रेन ऑफ के सिद्धांत को आप यहां पर पढ़ सकते हैं मैं उसी को समझा रहा हूं यानी समझिए कि उन्होंने जो कहा है वो मैं यहीं पर आपको समझा दे रहा हूं तो अब क्या हो गया कि क्या हो गया यानी बंगाल के राजस्व उसका कंट्रोल हो गया किससे दीवानी से तो अब देखिएगा यानी बंगाल में कंट्रोल से पहले वो भारत से जो भी वस्तुएं खरीदता था यानी सूती वस्त्र खरीदता था रेशम खरीदता था इसके अलावा मसाला खरीदता था तो इसके लिए आखिर वो क्या है? जब वो यह व्यापारियों से हिंदुस्तान के व्यापारियों से खरीदता था तो उसको कुछ न कुछ तो चुकाना पड़ेगा आज की तरह मुद्रा तो थी नहीं कि डॉलर एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा उसमें व्यापार होगा ऐसा तो था नहीं तो ऐसी परिस्थिति में याद रखिएगा यानी उनको अपने देश यानी ब्रिटेन से सोना और चांदी हिंदुस्तान लाना पड़ता था और उस सोने और चांदी के बदले में जिसे हम बुलियन कहते हैं सोने और चांदी के द्वारा किए जाने वाले व्यापार को बुलियन कहा जाता है तो सोने और चांदी के बदले में उसे खरीदना पड़ता था यानी उसे ब्रिटेन से ढेर साना सोना चांदी लाना पड़ता था और हिंदुस्तान में उसे देना पड़ता था और फिर व्यापार करना पड़ता था याद रखेगा इसकी वजह वही थी जो मैंने बताया कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज थी ही नहीं प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी क्योंकि अब उनको बंगाल से अच्छा खासा राजस्व मिल रहा था लेकिन अभी भी राजस्व पर कंट्रोल बंगाल के नवाब का था लेकिन जैसे ही बंगाल की दीवानी मिली तो मेरे प्यारे बच्चों ब्रिटेन से सोना और चांदी लाने की आवश्यकता खत्म हो गई यानी अब जरा समझिए ड्रेनाब यानी अब बंगाल की दीवानी से जो राजस्व मिलता था इस राजस्व से ही यानी जैसे इनको मान लीजिए सौ रुपया मिल गया आप ऐसे एग्जाम्पल समझिए सौ रुपये मिला तो इसी सौ रुपये से जरा समझिएगा वो भारत की वस्तुओं को खरीदती थी भारत की वस्तु यानी जी, जो जिन जिन वस्तुओं के यानी सूती कपड़े रेशम मसाले भारत की वस्तुएं खरीदती थी जरा समझिएगा इसी खरीदती थी भारत की वस्तुएं इसी यानी राजस्व यानी सौ से भारत की वस्तु पहले क्या होता था पहले इस सौ रुपए जो इसको रेवेन्यू मिल रहे हैं ये वस्तुएं खरीदने के लिए उसको सोना और चांदी लाना पड़ता था जो आपको बताया गया तो भारत की वस्तुएं अब वह खरीदती थी और उसके बाद यानी इसको विदेशों में बेचती थी और इससे अधिकतम लाभ कमाती थी याद रखे क्या करती थी इससे अधिकतम लाभ कमाती थी इससे अधिकतम लाभ कमाती थी ध्यान रखेगा और इसी को वो अपना यानी बंगाल में क्या कहती थी एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता पूंजी निवेश कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या कहा जाता था पूंजी निवेश यानी याद रखेगा क्या कहा जाता था पूंजी निवेश यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो यानी उसको एक कैपिटल मिली उसको एक पूंजी मिली जिसका उसने निवेश किया यही हिंदुस्तान की वस्तुओं को खरीदने में और फिर यहीं के पैसे से यहीं की वस्तु को खरीद करके अधिकतम लाभ कमाना शुरू कर दिया तो बंगाल की दीवानी मिलने से सबसे बड़ा फायदा अंग्रेजों को क्या हुआ यहीं से निवेश के लिए पैसा लिया उसे इन्वेस्ट किया और उससे अधिकतम लाभ कमाया तो यही रहा है बंगाल की दीवानी मिलने का उसे फायदा मेरे प्यारे बच्चों यानी वही बात जो मैंने डायग्राम में समझाई यहां लिखी हुई है अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी क्या यानी भारत से होने वाली आमदनी के सहारे कंपनी अपने खर्चे चला सकती इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी वही बात मैंने आपको बताई अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत यानी अब तो इसका मतलब था कि अब ध्यान से आप समझें यानी इसका मतलब यही था कि अभी तक ब्रिटेन से पैसा आता था तो ब्रिटेन से क्या यानी पैसे के रूप में सोना और चांदी आता था और उसी सोने और चांदी से वह यहाँ की वस्तुएं खरीदते थे ठीक है इसके साथ साथ अपनी फौजों का खर्च चलाते थे और इसके साथ साथ जो कलकत्ते में किले और दफ्तरों के कंस्ट्रक्शन में इंफ्रा में पैसा खर्चा होता था तो वो पैसे खर्चा करते थे लेकिन अब क्या हो गया बंगाल की दीवानी मिलने के बाद यानी पहला फ़ायदा हुआ चलिए रटिए पहला फ़ायदा हुआ ब्रिटेन से बुलियन लाना बंद कर दिया गया यानी सोना और चांदी लाना बंद कर दिया गया दूसरा अब भारत से जो आमदनी होती थी उससे व्यापार का खर्चा निकल जाता था अब ठीक है यानी इसी राजस्व से वो अपना व्यापार करती थी इसके साथ साथ चौथा जो सेना का खर्च होता था वो इसी राजस्व से चलता था और पांचवा जो किलो और जो किले बनाए जाते थे किलों की जो किले बंद सॉरी जो बस्तियों की किलेबंदी की जाती थी उन सब का भी खर्च इसी से निकलने लगा इसीलिए यानी दीवानी मिलने का यह इनको जबरदस्त फायदा हुआ याद रखेगा और इसके साथ साथ आई होप यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया अब एक और पॉइंट आता है कि कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे क्या बन बैठे अच्छा एक और आप लोगों को सूचना है कि आज सेवन क्लास की एनसीआरटी का टेस्ट लूंगा रात को सेवन क्लास की एनसीआरटी का टेस्ट भी लूंगा संडे है तो बच्चे काफी उपस्थित रहेंगे इसी वजह से तो आप तैयार रहिएगा रात को आठ बजे एट पी पर सेवंथ क्लास की एन का टेस्ट लूंगा कंप्लीट एन किसी एक चैप्टर का नहीं है तो 8 पी ध्यान रखिएगा 100 क्वेश्चन सभी चैप्टर्स को मिला करके 100 से 120 क्वेश्चन है तो रात को आठ बजे टेस्ट के लिए भी आप तैयार रहिएगा और आप सबको आना है ठीक है अभी मैं क्लास लॉन्च करके और लिंक शेयर कर दूंगा ध्यान के यानी इस क्लास के बाद मैं क्लास लॉन्च कर दूंगा और लिंक टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा सब बच्चों को रहना है तो जिससे हमारा अगले हफ्ते यानी हम लोग रूटीन में आ जाए जैसे सैटरडे को मैंने पिछले सिक्स क्लास के एन का टेस्ट पिछले सैटरडे लिया बट इस बार नहीं यानी कल वाले सैटरडे पे मैं बिजी रहा ले नहीं पाया तो आज अगर संडे को टेस्ट हो जाएगा तो फिर अगले सैटरडे या संडे को फिर आठवीं का टेस्ट हो जाएगा यानी कि हमारा टेस्ट और ये दोनों एक साथ चलता रहेगा तो आप सब आई होप इससे बहुत खुश होंगे तो तो क्लास के के पर आज करेंगे तो कंपनी अफसर नवाब बन बैठे यानी अब कंपनी के अफसर ही नवाब हो गए यहां नवाब बनने का क्या मतलब था याद रखेगा यहां कहा गया इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देने लगे यानी जिस तरह से नबाब आईआरसी वाला जीवन जीते थे तो कंपनी के कर्मचारी भी उसी प्रकार के जीवन की आकांक्षा करने लगे इसका मतलब जब वो ऐसा सोचेंगे तो उनका जो प्रशासनिक कल्चर है प्रशासनिक संस्कृति वो कमजोर होगी और इससे ब्रिटेन को बहुत ज्यादा नुकसान भी होगा ध्यान रखेगा अब आगे ये आज यहां से निजी अफसर यानी प्लास्टिक के युद्ध के बाद इसको जरा समझिएगा कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे इसके बारे में कौन सा सही स्टेटमेंट सत्य है या सत्य नहीं है ऐसा कोई प्रश्न आपसे पूछा जाए तो प्लास्टिक के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया प्लास्टिक युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वह कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे दें नहीं होता घड़ी चैन अंगूठी इस टाइप की चीज आप इनको दो और इसमें ये जमीन मांगते थे और बहुत सारा पैसा मांगते थे खुद रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी सत्रह में जब वह इंग्लैंड से मद्रास यानी अब चेन्नई आया तो उसकी उम्र 18 साल थी सत्रह में जब वह दो बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ पीटी का क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे यानी है निम्नलिखित में से कौन से ऑब्लिक निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से प्रशासक ऐसे हैं जो दो बार गवर्नर बने हैं तो इसमें एक है रॉबर्ट क्लाइव तो दो बार गवर्नर बनने के बाद जब वो भारत से हमेशा के लिए रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत लगभग देख सकते हैं चार लाख ग्यारह हजार दो पाउंड के बराबर थी दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया यानी जो भ्रष्टाचारी था उसी को भ्रष्टाचार खत्म करने का काम सौंपा गया याद रखेगा लेकिन सत्रह में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी तो यह भी पीटी का फैक्ट है निम्नलिखित में से किस गवर्नर को ब्रिटिश संस... संसद में अपने विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा तो वह रापर्ड क्लाइव है प्रलियम्स के लिए याद रखेगा ठीक है तो आप देखिए हालांकि वो आरोपों से बरी हो गया लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली तो यह भी एक पीटी का क्वेश्चन है किसने सुसाइड किया तो रॉबर्ट क्लाइव ने सुसाइड किया मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा तो ये सारी बात यहाँ पे आप देख सकते हैं और अब कुछ और फैक्ट्स हैं कि कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए बहुत सारी बी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का शिकार बने इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बे बेमान मानना भी सही नहीं होगा उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करें जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए उन्होंने वहाँ आलिशान जीवन जिया वहाँ के लोग उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे बस यही है यानी आपको यही बताना था जो हेडिंग बनी थी कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे यानी यहाँ से उन्होंने खूब पैसे कमाए और जब इंग्लैंड में गए तो वहाँ के लोग यानी जो इंग्लैंड के लोग थे इनका मजाक उड़ाते थे और ये कहते थे कि ये नवाब आए हुए हैं ध्यान रखिएगा तो बस यही है इसमें और कुछ भी नहीं है तो ठीक है अब इसके बाद आता है कंपनी का फैलता शासन यानी कंपनी का फैलता शासन का मतलब अब आप क्या पढ़ने जा रहे हैं इस हेडिंग में कंपनी का विस्तार पढ़ने जा रहे हैं क्या पढ़ने जा रहे हैं यानी कंपनी का विस्तार मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा तो कंपनी का विस्तार यहां से तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं आप लोग भी पानी वगैरह पी लें और फिर हम यहाँ से तो कंपनी का फैलता शासन यहां पर अब हम लोग पहुंच गए हैं सत्रह से अठारह की घटना अब आप पढ़ने जा रहे हैं ध्यान रखें क्या पढ़ने जा रहे हैं 1757 से अठारह की घटना आप पढ़ने जा रहे हैं ध्यान रखे सत्रह से अठारह तो सत्रह से अठारह के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखे तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया यानी बड़ी बुद्धि के साथ काम किया तो यहां पर पीटी का कोई क्वेश्चन नहीं है बक्सर की लड़ाई सत्रह के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए क्या तैनात कर दिए रेजिडेंट मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा क्या तैनात कर दिए रेजिडेंट याद रखेगा यानी रेजिडेंट यानी क्या है क्या 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 यानी रेजिडेंट मतलब भारतीय रियासतों में जो राजा होता था रियासत का शासक होता था उसके ये सहायक के तौर पर हो गए यानी राजा को ये सलाह देंगे राजा के जबरदस्ती बनाए गए सलाहकार जिन्हें रेजिडेंट कहते हैं और इन्हीं रेजिडेंट के द्वारा कंपनी उस राज्य के राजनीतिक मामलों पर अपना नियंत्रण रखती थी तो यह एक गेम इट्स अ गेम तो ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे तो रेजिडेंट क्या होते थे पीटी का क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में रेजिडेंट क्या होते थे तो ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे ये पीटी फैक्ट हो गया मेरे प्यारे बच्चों उनका काम था इन राज्यों में कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना और रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी क्या अचीव करना चाहती थी तो रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे यानी अब किसी भी राज्य की सॉबरेंटी रहने गई क्यों क्योंकि भाई रेजिडेंट उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे सारी सूचनाएं अपने ऊपर अपने आकाओं को पहुंचाया करते थे याद रखिएगा अगला राजा कौन होगा किस पद पर, पर किसको बिठाया जाएगा इस प्रकार यानी अगला राजा कौन बनेगा नंबर वन किस पद पर किसको बिठाया जाएगा ये सब भी ये जो कंपनी के रेजिडेंट कंपनी के अफसर हैं यही तय करना चाहते थे याद रखेगा और फिर इसके बाद यहाँ जिक्र किया गया कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोपी लेकिन यहाँ डिटेल नहीं दिया गया था याद रखेगा सहायक संधि के बारे में बस इतना बताया गया कि जो भी रियासतें सहायक संधि को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी सहायक संधि यानी सहायक संधि अगर आपने कर ली है तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों की हो जाएगी ये आप ध्यान रखिएगा तो सहायक संधि और इन सब पर हम डिटेल में बाद के एन में पढ़ेंगे याद रखेगा सहायक संधि से संबंध किसका रहा है तो किस तो लॉर्ड बेलेजली का किस गवर्नर का रहा है लॉर्ड बेलेजली ने याद रखिएगा सहायक संधि भारत में विस्तारित रूप से लागू करी सबसे पहले कौन सा राज्य तो सबसे पहले हैदराबाद के साथ लॉर्ड ब्रेजली ने किया हैदराबाद फिर मैसूर के साथ किया फिर तंजौर के साथ किया तो आप ऐसा रख सकते हैं ठीक है ऐसे क्रोनोलॉजी आपको याद रखना होगा तो सहायक संधियां यहाँ है डिटेल नहीं है लेकिन फिर भी तो हैदराबाद मैसूर तंजौर फिर उसके बाद अवध के साथ किया फिर उसके बाद मराठों के साथ किया तो इस ऐसे आप याद करिएगा लेकिन अभी यहां डिटेल नहीं तो हमको भी बहुत ज्यादा इसके अंदर जाने की जाये और जो सहायक सेना आपकी रक्षा के लिए रखती थी ईस्ट इंडिया कंपनी उसका खर्च भी आपको देना पड़ता था यानी आप ही के राजस्व से सहायक संधि के माध्यम से बिडसो ने अपनी एक सेना तैयार कर ली जो नाम के लिए आपकी रक्षा के लिए थी लेकिन वह थी ब्रिटिशर्स की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए याद रखिएगा और ऐसे में अगर भारतीय शासक इस सेना के खर्च का जो रकम होता है उसे अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी याद रखिएगा उदाहरण के लिए जब रिचर्ड बिलेजली गवर्नर जनरल बना 1798 से 1805 में क्या नाम है <coughs> लॉर्ड रिचर्ड बलेजली क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों लॉर्ड रिचर्ड ब्लेजली जब गवर्नर जनरल बना उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए तो सहायक सेना या सहायक संधि के बारे में जो फैक्ट है ये पीटी फैक्ट है जितना यहाँ दिया गया है इसको आप याद कर लीजिएगा बाकी के फैक्ट हम लोग बाद में पढ़ेंगे ध्यान रखिएगा रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी तो वो मैंने आपको पहले ही बता दी आप खुद एक बार देख लीजिएगा पढ़ने की जरूरत नहीं अब यहां पर आता है टीपू सुल्तान के बारे में सेरे मैसूर कहा जाता है तो अब हम केवल ध्यान रखिएगा क्लास का मोड यानी टीपू सुल्तान पर केवल यानी हम प्रिलिम्स पे ध्यान में रखते हुए इन पर फोकस होंगे ध्यान रखिएगा क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कभी कभी इंसान गलत हो जाता है अलग बात है लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि फ़िलहाल अभी ध्यान रखिएगा इन पर क्वेश्चन आना यानी इन पर क्वेश्चन आना थोड़ा सा मुश्किल होगा टीपू सुल्तान शेर मैसूर तो हैदर अली इनके पिता ने सबसे पहले सत्रह से सत्रह में याद रखेगा एक शासन की स्थापना करी उसके बाद उनका पुत्र टीपू उनकी जगह आया और इसका शासनकाल सत्रह सौ बयासी से सत्रह सौ निन्यानवे था मैसूर काफ़ी ताकतवर शासक था याद रखिएगा और बाकी यहाँ पर कोई भी चीज़ उसका है नहीं हाँ इतना है कि उसने अंग्रेजों पर नियंत्रण लगाया फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध बनाया तो ये जो भी दो चार फैक्ट होंगे वो हम केवल उन्हीं पर फोकस करेंगे और जब सुल्तान ने ऐसा किया कि भाई हम तुम हमारे ऊपर यानी अंग्रेजों को लगा कि हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहा है फ्रांसीसियों से मित्रता कर रहा है फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा ले रहा है इंस्परेशन ले रहा है तो क्या हो गया अंग्रेज़ क्या हो गए गुस्सा हो गए आग बबूला हो गए और उसके बाद फिर आपको बताने की आवश्यकता नहीं है यानी मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की चार बार जंग हुई यानी अंग्रेज अब यहाँ से क्या एक इतिहास का दौर स्टार्ट होता है जिसे कहते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध का दौर आंग्ल मैसूर युद्ध चार युद्ध हुए। और कब कब हुआ पहला युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ सड़सठ से उनहत्तर बड़ी किताबों में इसके बारे में आप डिटेल में और, को, और बहुत पढ़ेंगे लेकिन यहां इतना ही है दूसरा सत्रह सो अस्सी से चौरासी जिसमें हैदर अली की मृत्यु हुई और युद्ध के दौरान ही यानी टीपू सुल्तान शासक बना तीसरा सत्रह सौ नब्बे से बानवे और अंत में सत्रह सौ निन्यानवे याद रखेगा जिसे हम श्रीरंगपट्टनम की जंग कहते हैं तो सत्रह सौ निन्यानवे में यानी कंपनी सफल हो गई चौथे युद्ध में और टीपू सुल्तान मारा गया और मैसूर का राजकाज किसको मिला यानी जिससे सत्ता छीन करके हैदर अली ने सत्ता स्थापित की थी बाडियार राजवंश तो ये पीटी का क्वेश्चन है यानी मैसूर को हराने के बाद पीटी का क्वेश्चन है यानी प्रीलिम्स टेस्ट का क्वेश्चन है वाडियार राज सॉरी टीपू सुल्तान को हराने के बाद निम्नलिखित में से किस को या किन को आ, मैसूर की सत्ता सौंपी गई अंग्रेजों के द्वारा तो वो बाड़ियार राजवंश को सौंप दी गई याद रखेगा और इसके साथ ही मैसूर पर बेलजली ने एक सहायक संधि भी लगा दी तो आप यहां से पढ़ सकते हैं याद रखेगा ठीक है अब ये देखिए टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कार्नवालिस्ट के सामने पेश किया जा रहा है तो इस इस प्रकार की कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था ऐसा नहीं था कि एकाएक वो जीत गए लेकिन सत्रह सो बानवे में यह पीटी का बड़ा अच्छा फैक्ट है पीटी का मराठों हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी थी तो अब आप देखिएगा यानी यहां पर पीटी का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उस त्रिगुट में उस त्रिगुट यानी उस तीन गुट में निम्नलिखित में से कौन से उस त्रिगुट या तीन गुट में शामिल थे उस त्रिगुट में या तीन गुट में शामिल थे जिन्होंने टीपू के विरुद्ध सत्रह सो बानवे का अभियान किया था तो आप देख सकते हैं यानी इसको रट लेना है आपको यह फैक्ट है और वह थे मराठे हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौज अपने, अपने ही अंग्रेजों के साथ मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे इसी से पता चलता है कि इनके अंदर दूरदर्शिता बिल्कुल भी नहीं थी क्यों क्योंकि अगर इनके अंदर दूरदर्शिता होती यानी दूरदर्शिता का मतलब दूर तक देखने की दृष्टि कि आज वो हम दो शक्तियों को मिला करके यानी हैदराबाद के निजाम और मराठों को मिला करके अंग्रेज मैसूर को हरा रहा है कल को वह फिर कुछ शक्तियों को मिला करके मराठों को हराएगा परसों कुछ और शक्तियों को मिला करके निजाम को हराएगा तो ये मराठे और निजाम सोच नहीं पाए परिणाम क्या हुआ अंत में सबका पतन हुआ और एकमात्र शक्ति के रूप में अंग्रेज सत्ता के रूप में स्थापित हो गए तो आप यहां से देख सकते हैं इस संधि के तहत उनके दो बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया उसी की पिक्चर है और यह युद्ध कब हुआ था यानी कार्नवालिस के समय में हुआ था याद रखिएगा। तो ये सारी बातें यहाँ से बताई गई हैं तो यह बस अब ये वो टीपू सुल्तान की एक मशीन है उसका जिक्र है मतलब नहीं है आपको पढ़ने के लिए ठीक है ना यानी मराठों से लड़ाई वो समाप्त होता है अब हम मराठों से लड़ाई पे आ गए तो सत्रह में यहां लिखा हुआ कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया इन राज्यों की बागडोर एक एक यानी समझ सकते हैं स्थानीय है। शासकों को दी गई सिंधिया को दिया गया होलकर को दिया गया गायकवाड़ को दिया गया भोसले को दिया गया याद रखिएगा ये सारे सरदार एक पेशवा पेशवा क्या होता था सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक राज्य मंडल यानी कन्फेडरेसी के सदस्य थे तो अब याद रखिएगा यानि उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया यानी पानीपत की तीसरी लड़ाई में जब हार हुई तो मराठों का जो पूरा एरिया था वह स्थानीय शक्ति जहाँ जिसका कंट्रोल था सिंधिया होलकर गायकवाड़ और भोंसले के हाथों में बांट दिया गया और ये सारे जो थे किसके अंतर्गत आते थे मेरे प्यारे बच्चों तो किसके अंतर्गत आते थे पेशवा नामक पद था और जिसको सर्वोच्च मंत्री कहते हैं और उसी के अंतर्गत एक राज्य मंडल बनाया गया उस राज्य मंडल के सदस्य थे जैसे हम लोग आज कॉमनवेल्थ है है ना कॉमनवेल्थ यानी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ तो हम सब उसके सदस्य देश अभी हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में कॉमनवेल्थ गेम में खेल करके और बहुत से पदक जीत करके भी आए हैं तो वैसे ही यानी एक राज्य मंडल बनाया गया कन्फेडरेशी बनाई गई और ये सभी उसी के अंतर्गत आते थे जिनका सर्वोच्च मंत्री पेशवा होता था ध्यान रखिएगा, यानी ये सब पेशवा की बातों को मानते थे पेशवा इस कन्फेड्रेशी का सैनिक और प्रशासकीय हेड होता था और पेशवा कहाँ रहता था पुणे में रहता था ये भी पीटी का फैक्ट है तो पेशवा कहाँ रहता था ये पुणे में रहता था याद रखेगा महादजी सिंधिया और नाना फडनवीस नाना पेशवा थे शिद्या, शिद्या बंसे थे अठारहवीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे तो ये आप पॉइंट याद रखें बाकी और कुछ भी नहीं ठीक है ना तो एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को हराया कौन कौन से युद्ध हुए पहला युद्ध सत्रह सो बयासी ईस्वी में सालाबाई की संधि के साथ खत्म हुआ जिसमें कोई पक्ष जीत नहीं पाया सत्रह सो बयासी दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध अठारह सो तीन से पांच के मध्य कई मोर्चों पर लड़ा गया अब बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर मैं आपको रोकना चाहूंगा इतिहास में सालाबाई संधि का बड़ा महत्व है। तो आपसे प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है यानी प्रीलिम्स टेस्ट में और मेंस में जीएस में भी पूछ सकता है और मेंस में ऑप्शनल में भी आपसे पूछ सकता है क्या पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चों की क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि इतिहास में सालबाई संधि का महत्व तो क्या है इतिहास में सालबाई संधि का महत्व तो क्या है किसका मेरे प्यारे बच्चों सालबाई संधि का महत्व तो क्या है इतिहास में ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है तो इतिहास में सालबाई संधि का महत्व तो क्या है जरा इस पॉइंट को आप समझने की कोशिश करिएगा तो इतिहास में सालबाई संधि का महत्व तो क्या है जरा समझे तो प्यारे बच्चों आप देखिए 1782 से 1803 यानी बयासी में अगर 10 जोड़ेंगे बानवे आएगा बानवे में 10 जोड़ेंगे तो 1802 सो दो आएगा यानी बीस वर्ष यानी आप देखिएगा पहली पहला युद्ध और दूसरा युद्ध इनके बीच में मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान रखें पहले युद्ध और दूसरे युद्ध के बीच में 20 वर्षों का समय मिल गया क्या मिल गया 20 वर्षों का समय मिल गया किसको मिल गया अंग्रेजों को क्योंकि इस युद्ध में अंग्रेज यानी आप देख सकते हैं पहला युद्ध में कोई पक्ष जीत नहीं पाया लेकिन अंग्रेजों का पक्ष कमजोर था मराठों का पक्ष मजबूत था तो 20 वर्ष का समय मिल गया और इस 20 वर्ष में आप देख सकते हैं सत्रह में सालाबाई संधि करते हैं और अभी आपने पीछे पढ़ा है जरा ध्यान रखिएगा क्या पढ़ा उसको एक बार आप लोगों को दिखा दिया जाए स�... बस अभी आप केवल इतना याद रखिए कि सत्रह में सालाबाई की संधि करते हैं और आप देखिए सालाबाई की संधि वो क्यों करते हैं बहुत गहराई से जो मेंस लिखने वाले बच्चे हैं ऑप्शनल के जीएस के बड़ा आपको बारीक अध्ययन करना पड़ता है तो सालाबाई की संधि वो क्यों करते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं उसी समय वो मैसूर से उलझे हुए थे और टीपू सुल्तान भी अपने पिता की तरह ही बहादुर था हालांकि उसके पिता की सत्रह में मृत्यु हो गई थी जब सालाबाई की संधि हुई है लेकिन टीपू ने अंग्रेजों को घुटने टेकने पर सत्रह में मजबूर कर दिया था यानी टीपू का पक्ष सेकंड आंगल मैसूर युद्ध में बहुत ज़्यादा मजबूत था तो ऐसे में ऐसे में अब अंग्रेजों ने एक चाल चली यानी अब जिसे मराठे समझ नहीं पाए अंग्रेजों ने चाल चली कि भाई अब हमें एक साथ कई मोर्चों पर यानी कई फ्रंट पर नहीं लड़ना कि हम मरा मैसूर से भी लड़ें मराठों से भी लड़ें निजाम भी आ जाए और कहीं मैसूर मराठे और निजाम एक साथ हो गए तो हमें तो ये सत्ता से बाहर कर देंगे तो सालाबाई की संधि मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा यानी सालाबाई की संधि का महत्व यही है कि 20 वर्षों तक यानी मराठों की तरफ से अंग्रेज मुक्त हो गए और इस बीस वर्ष में आप देख सकते हैं उन्होंने क्या किया यानी इन इस बीस वर्षों में उन्होंने यानी सबसे पहले क्या किया देख सकते हैं मैसूर के राज्य को अधिग्रहित कर लिया 1799 में यानी इस बीस वर्षों में यही सालबाई की संधि का पहला महत्व इस बीस वर्ष में फिर उन्होंने सहायक संधि का को लागू कर दिया याद रखिएगा और हैदराबाद मैसूर तंजौर अवध इन सब को अपने सहायक संधि के दायरे में ले लिया यानी मराठों को दूर करते हुए यानी निजाम पर भी कंट्रोल कर लिया मैसूर पर कंट्रोल हो ही गया अपने अधीन वाडिया राजवंश को शासन करने की अनुमति मिल गई तो बीस बीस वर्षों में उन्होंने अपनी बहुत सी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर लिया यह मौका दिया सालबाई की संधि ने अब आप सब लिख पाएंगे सालबाई की संधि का महत्व तो। और प्रिलिम्स में पूछता है तो टिक लगा पाएंगे कि सालबाई की संधि का क्या महत्व तो रहा है एकदम से समझ गए बच्चों कि सालबाई की संधि का क्या महत्व तो रहा आप समझ सकते और फिर जब एक एक करके उन्होंने सभी भारतीय शक्तियों को 1802 तक जीत लिया चाहे प्रत्यक्ष यानी मैसूर को युद्ध में हरा करके चाहे अप्रत्यक्ष सहायक संधि के माध्यम से फिर बचा कौन एकमात्र शक्ति बची और वह शक्ति थी मराठे अब उन्होंने आप देख सकते हैं 1803 में ही अंग्रेजों से युद्ध करना अंग्रेजों ने मराठों से युद्ध कर शुरू किया अब बताने की आवश्यकता नहीं है और इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए और मराठों को सहायक संधि मानने को बाध्य होना पड़ा और अंततः तीसरा युद्ध 1817 सो में अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठे पूरी तरीके से समाप्त हो गए पेशवा अब एकदम ब्रिटिश के ऊपर डिपेंडेंट हो गया पेशवा जिसकी शासन सत्ता पुणे होती थी पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया तो ये पीटी का क्वेश्चन है पेशवा को कहां भेजा गया तो पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में भेज दिया गया अब बिंद हिमाचल बिंद पर्वत के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था तो यही सालाबाई की संधि का महत्व था बच्चों बताएं मजा आया एक बार फटाफट बताएं कि सालाबाई की संधि का महत्व सालाबाई की संधि का महत्व मज़ा आया कि नहीं मजा आया फटा फटाफट बताएं बच्चे फटाफट 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 यानी चलते रहें बताते रहें सालाबाई की संधि का महत्व मज़ा आया कि नहीं मजा है और याद रखिए क्या है लाइव टेस्ट आपका होना है आज रात को सेवन्थ क्लास के एनसीईआरटी का उसके लिए भी आप ध्यान रखिएगा ठीक है बहुत बढ़िया सेशन को लाइक करते चलिएगा फटाफट यानी सारे बच्चे सेशन जरूर लाइक होना चाहिए जितने बच्चे देख रहे हैं सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा मजा आ रहा है हम लोगों को पढ़ने में मुझे पढ़ाने में और आपको पढ़ने में मेरे प्यारे बच्चों तो आप देखिए कि सालाबाई की संधि यार अंग्रेज ना बड़े चालाक थे मतलब आप सोचिए कितने चालाक कि मैसूर से युद्ध लड़ रहे थे उसी समय मराठों से भी युद्ध हुआ तुरंत झुक गए सालाबाई की संधि कर ली और वो भी कितने चालाक थे बीस वर्ष के उन्होंने सोचा कि बीस वर्ष में तो हम मैसूर को निपटा ही देंगे हैदराबाद के निजाम को निपटा ही देंगे मैसूर के शासक को निपटा ही देंगे यानी ऑब्वियस है उसके अधीन ही आ जाएगा वो तो कहने का मतलब है कि बीस वर्षों का उन्होंने एक प्लान बनाया जिसे मराठे समझ नहीं पाए और जैसे ही सारा प्लान पूरा किया एक ही शक्ति बची रह गई सहायक संधि स्वीकार करने से बची हुई एक ही सबसे बड़ी शक्ति रह गई वो थे मराठे से दिया होलकर ये सारे गायकवाड़ भोंसले लेकिन इनको भी मजबूर कर दिया गया सबको सहायक संधि स्वीकार करने को और अंततः अंग्रेजों ने कहा कि यार सहायक संधि से ही काम नहीं चलेगा अठारह सो सत्तान अठारह सौ सत्रह में 1817 में कहा कि ऐसा है कि अब युद्ध लड़ो और सब आ जाओ अब हमारे अंदर हमें मजा नहीं आ रहा हम एक छोटी शक्ति नहीं रह सकते हमें एक बड़ी शक्ति बननी और अंततः वही हुआ तो सालाबाई की संधि का इतिहास में बहुत व्यापक महत्व है इसने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में एक माइल स्टोन एक मील के पत्थर का, का काम किया और जिसके साथ यह संधि की गई अंतता वही वही ब्रिटिश की विस्तारवादी नीति का शिकार हो गया 20 वर्षों के समय को उन्होंने मराठों से अलग जितनी भी शक्तियां थी उनको नियंत्रण करने में उपयोग किया और जैसे ही सभी शक्तियों को नियंत्रण में किया अगला कदम और अगला शक्ति या सॉरी अगला नहीं बोलना चाहिए मैं हिंदी साहित्य का टीचर हूं अगली शक्ति मराठा थी और उन्होंने मराठों को भी अंततः अपने अधीन कर लिया तो साला बाई की संधि का इतिहास में यही महत्व तो है आई होप आप सब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे ध्यान रखिएगा अब आता है सर्वोच्चता का दावा अब क्योंकि जब देखिए धीरे धीरे हो रहा है सारी घटनाएं अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे घटित हो रही क्या हो रहा है जितनी भी घटनाएं हैं वो धीरे 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 घटित हो रहे है। अब देखिए क्या सर्वोच्चता का दावा पैरामाउंसी का दावा कि अब हम सर्वोच्च यानी आप देखेंगे तो इसके पहले ब्रिटिशर्स कभी दावा नहीं करेंगे कि हम सर्वोच्च हैं लेकिन अब क्या हो गया सबको कंट्रोल में कर लिया सारी शक्तियों को जीत लिया तो क्या करेगा यानी जो रियासतें भारत में हैं हालांकि वो अंग्रेजों के अधीन हैं सबसे कहेगा कि मानो कि ब्रिटिश सर्वोच्च है तुम सब उनके यानी उनके अधीनस्थ शासक हो तो आप देख सकते हैं ठीक है लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में 823 से 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल था और मेरे प्यारे बच्चों पीटी का फैक्ट है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंग्रेजों ने सर्वोच्चता की नीति लागू की तो वह शासक होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स मैं बताता हूं यह क्या है हालांकि मैंने बता दिया लेकिन फिर भी तो 1813 से 23 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स था उसी के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई तो ये इसीलिए कहा गया एक नई नीति इसलिए एग्जाम में आएगा तो ये प्रिलिम्स टेस्ट का फैक्ट हो गया कंपनी का दावा कंपनी ने सर्वोच्चता का दावा किया कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है क्या है उसकी सत्ता सर्वोच्च इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है इसी को कहते हैं सर्वोच्चता तो मेरे प्यारे बच्चों कंपनी की सत्ता भारतीय राज्यों से ऊपर है और भारतीय राज्यों को कंपनी के आधिपत्य को स्वीकार करना पड़ेगा इसी को बोलते हैं सर्वोच्चता की नई नीति और सर्वोच्चता की यह नई नीति लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल 1813 से 23 के कार्यकाल में पहली बार आई इसलिए आपको यह फैक्ट जानना बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा याद रखिएगा ठीक है ना तो ये सारी बातें बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है मजा आया बच्चे देख लो छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में बहुत बढ़िया से डाली गई हैं याद रखेगा ठीक है ना हालांकि 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 ये जो प्रक्रिया हो रही थी ये जो सर्वोच्चता का दावा था ऐसा नहीं था कि ये सर्वोच्चता का दावा कर रहे थे और इनका विरोध नहीं हो रहा था ये सर्वोच्चता का दावा बेरोक टोक नहीं चल रही थी यानी इनका विरोध भी हुआ यहां एक उदाहरण दिया गया विरोध का कि जब अंग्रेजों ने कित्तूर यानी भी बोलते हैं जो कर्नाटक में है के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चनम्मा इनका नाम याद रखें हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया तो आप देख सकते हैं रानी चनम्मा यानी आंदोलन अठारह तो यही अठारह 18... चौबीस में यानी रानी चनम्मा ने अंग्रेजों के आधिपत्य के विरुद्ध आंदोलन छेड़ लिया पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और अठारह में जेल में उनकी मृत्यु हो गई चनम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा तो पहले रानी चनम्मा फिर रायन्ना तो याद रखे कि इसको चनम्मा विद्रोह कहते हैं तो चेन्मा विद्रोह का स्थल था कर्नाटक उसका नेतृत्व रानी चेनम्मा और रायन्ना दोनों ने किया है तो ये दोनों नाम आपको याद रखना ही याद रखिएगा ठीक है ना? बट रायन्ना को 1830 में पकड़ करके फांसी दे दी गई और अभी आगे के चैप्टर में आप ऐसे ही और भी बहुत से विद्रोह पढ़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कौन था यानी इस विद्रोह का नाम ही है टूर कि या कितूर चेन्म्मा विद्रोह या कित्तूर विद्रोह तो जब भी आएगा कित्तूर विद्रोह या कित्तूर चनामा चनमा विद्रोह तो 1824 से 1830 अठारह तक चला है अंग्रेजों के आधिपत्य के विरुद्ध चला है जिसे रानी चन्म्मा ने चलाया है और उससे बाद में रायन्ना ने आगे बढ़ाया 1830 में रायन्ना को फांसी दी गई और फिर यह विद्रोह समाप्त हो गया तो आप देख सकते हैं यह फैक्ट और इसको एक बार आप रिवीजन कर सकते हैं तो फटाफट इसका रिवीजन भी कर लीजिए क्या कर लीजिए इसका फटाफट आप रिवीजन भी कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा तो बस एक बार बताएं मजा आ रहा मजा यानी मजा का मतलब होता है कि हर एक चीज आपको ये लगती हो कि एग्जाम में आ रही है और सर इसको बहुत अच्छे से समझा दे रहे तब मजा तभी लिखिएगा कमेंट में कि मजा आ रहा नहीं तो मत लिखिएगा यानी ये एग्जाम में आ रहा है और सर इसको अच्छे से समझाते हैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ठीक है तो अब यहां से आगे बढ़ती है याद रखिएगा व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है ये याद रखेंगे 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी क्योंकि रूस कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले इसी डर के चलते अब अंग्रेज उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे अठारह से अठारह के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी का शासन स्थापित कर लिया तो अठारह से अठारह के बीच इन्होंने अफगानिस्तान से युद्ध किया अठारह में सिंध पर भी कब्जा कर लिया याद रखेगा अब बचा था केवल पंजाब और यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह ने यानी इनकी दाल नहीं गलने दी यानी इनका प्रतिरोध किया अठारह में लेकिन उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद अठारह में अंग्रेज़ों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया देख सकते हैं यानी अठारह तक लगभग लगभग संपूर्ण भारत अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया मेरे प्यारे बच्चों अब अड़ता से अठारह तक एक यानी शासक आता है गवर्नर जनरल आता है उसका नाम होता है लॉर्ड डलहौजी जिसने एक विलय की नीति या अधिग्रहण की अंतिम नीति यानी जो बचे कुछ थे उनको शामिल करने की नीति पर काम किया ठीक है ना और एक नई पॉलिसी अपनाई जिसे हम कहते हैं विलय नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स अब इसके बारे में बताया गया है कि विलय नीति क्या है तो आपसे पीटी में पूछ सकता है और ये यहां पर इंपॉर्टेंट है में बिल और मेंस में भी यानी डॉक्टर जीएस में भी पूछा जा सकता है और ऑप्शनल में भी पूछा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों तो अलर्ट रहिएगा यह या सिद्धांत यानी लार्ड डलहोजी का यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था किस तर्क पर आधारित था जरा समझने की कोशिश करिए कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो गई यानी मान लीजिए किसी सत्ता किसी राजवंश पर कोई शासक है और उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं होता महिला नहीं यानी देखिए पेट्रियॉर की विलय की नीति में भी पेट्रियॉर की यानी पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी इसीलिए इसको हड़प नीति भी कहते हैं तो विलय नीति को कभी अगर हड़प नीति भी आ जाए तो आपको घबराना नहीं है यानी इसको हम हड़प नीति भी कहते हैं इस सिद्धांत के आधार पर कई रियासतों को उन्होंने अधिग्रहित कर लिया जिसमें देखिए सबसे पहली थी सतारा तो पीटी का क्वेश्चन जो पहली घटना होती वो इंपॉर्टेंट होता है यानी निम्नलिखित में से किसका अधिग्रहण विलय नीति के तहत सर्वप्रथम हुआ तो सतारा का और उसके बाद दूसरा होता क्रोनोलॉजी क्या होता है क्रोनोलॉजी यानी विलय नीति के तहत जिनका भी विलय किया गया तो सबसे पहले सतारा का फिर संबलपुर का फिर उदयपुर का फिर नागपुर का और फिर झांसी का याद रखिएगा। तो इन सब को अंग्रेजों के हाथ में ले लिया गया आप इसको प्लीज़ याद रख लीजिएगा कोई फार्मूला वगैरह बना लीजिएगा जैसे बहुत से फार्मूले आप बना सकते हैं इसको याद रखने के तो ये हो गई विलय की नीति और 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया और तर्क क्या दिया एक नया तर्क दिया कुशासन कि अवध के नवाब के अधीन अवध का शासन कुशासन में बदल गया था यानी बुरे शासन में बदल गया था इसलिए हमने अवध का अधिग्रहण किया तो आप देख सकते हैं प्रीलिम्स का क्वेश्चन है यहां पर छुपा हुआ कि निम्नलिखित में से विलय नीति के तहत किस किस क्षेत्र का अधिग्रहण कुशासन के नाम पर किया गया तो वो हो जाएगा अवध क्षेत्र का अधिग्रहण याद रखिएगा ठीक है ना तो ये हो गया और अंधता फिर यानी अवध के ठीक है तो ये सारी बातें हो गई यहां तक आपका काम खत्म हो गया तो ये हो गया आपको बताने की जरूरत नहीं है ये सारा यानी उस समय का जो भारत था यहाँ पर यानी मैक्सिमम आप देख सकते हैं सत्रह का भारत कैसे था तो सत्रह में इधर देखिए येल्लो येल्लो वाले ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र थे और रेड रेड वाले जो हैं क्षेत्र जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे तो येलो आप देखिए सत्रह सो में केवल ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट किसके अधीन था अंग्रेजों के लेकिन अगर हम 1840 तक देखें तो ये रेड वाले देख सकते हैं लगभग 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 लग यानी पूरा का पूरा एरिया ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया याद रखिएगा ठीक है ना यानी ये देखिए येलो वाला हो गया ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र 1840 और अभी भी यानी रेड वाला वही है लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा एरिया यानी इनके अधीन आ गया था ठीक है ना लेकिन अट्ठारह में अगर आप देखें तो येलो एरिया बहुत ज्यादा हो गया आप यहां से देख सकते हैं और रेड में वो एरिया थे जो अभी भी इनके अधीन नहीं थे याद रखिएगा तो अब आता है ठीक है तो विस्तार आपने पढ़ लिया यानी आपने पूरा का पूरा जो ब्रिटिश शासन का विस्तार होता है वो आपने पढ़ लिया यानी उनके शासन की स्थापना पढ़ ली उसका विस्तार पढ़ लिया यानी संपूर्ण भारत पर उनका नियंत्रण हो गया अब उस नियंत्रण को कैसे एक लंबे समय के लिए एक लंबे समय के लिए आप ये कह सकते हैं कि एक लंबे समय के लिए कैसे उसे बेहतर बनाया जाए कैसे उसे बेहतर प्रशासनिक स्वरूप दिया जाए इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे तो नए शासन की स्थापना में मेरे प्यारे बच्चों तो आइए देखें किसकी क्या भूमिका रही है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के बारे में यहाँ कुछ बात होगी सत्रह से सत्रह तक यह भारत के गवर्नर जनरल रहे तो एक प्रश्न पीटी का गवर्नर जनरलों पर वायसरायों पर आता ही आता है तो आप इनका समय याद रखिएगा और इनकी भूमिका को अहम माना गया है ब्रिटिश शासन की सत्ता को फैलाने में, में मेरे प्यारे बच्चों तो आप याद रखेगा ठीक है ना इन्होंने जो जो काम किया था उसके बारे में हम यहाँ पर सबसे तो मतलब देख सकते हैं यानी केवल यही लिखा गया कि कई प्रशासकीय सुधार किए फिर न्याय के क्षेत्र में भी उन्होंने सुधार किया लेकिन कोई डिटेल नहीं दिया गया है सत्रह से यानी सत्रह से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में दो अदालतें होंगी एक फौजदारी अदालत और एक दीवानी अदालत तो आपको पता होगा फौजदारी अदालत यानी जो क्रिमिनल अफेंस वगैरह को देखेगी दीवानी जो राजस्व से संबंधित मामलों को देखेगी और जो राजस्व वाली अदालतें होंगी देखिए कितने चालांक थे जो राजस्व वाली अदालतें हैं जो दीवानी अदालतें उनके मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे अब आप यहां से देख लीजिए यानी क्या कह है दीवानी अदालतों के मुखिया कौन होते थे दीवानी अदालतों के मुखिया बहुत अच्छे से इस पॉइंट को आप याद रखिए कि दीवान दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे तो इसीलिए क्योंकि दीवानी कंट्रोल में था किसके अंग्रेजों के और इसके लिए उसके मुखिया यूरोपीय होते थे जो अंग्रेजों का ही पक्ष हमेशा रखते थे फौजदारी अदालतें जो सामान्य प्रशासन से जुड़ी थी वो अभी भी मुगलों के समानी का, काजी और मुक्ति के अंतर्गत के अंतर्गत आती थी बट ये काजी और मुक्ति कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे तो आप यहां से देख सकते हैं याद रखें दो शब्द दिया गया काजी क्या होता था न्यायाधीश और मुफ्ती क्या होता था मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद था जो कानूनों की व्याख्या तो मुफ्ती कौन था मेरे पे काजी होता था न्यायाधीश और मुफ्ती होता था न्यायाधीशों की व्याख्या करने वाला याद रखेगा और यह जो आ, कानूनों की व्याख्या करता था मुफ्ती उसी के आधार पर यानी काजी डिसीजन दिया करता था आई होप आप इसको समझ गए ठीक है तो ये सारी बातें हैं अब इसके बाद आता है कि क्योंकि जो कानून थे ब्रिटिश कानून अलग भारतीय कानून अलग तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों के कानून एक जैसे हो सके सत्रह में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया भाई क्योंकि हमने शासन देखो शासन स्थापित करना महत्वपूर्ण नहीं है शासन को कानून के द्वारा एक व्यवस्थित आधार देना यह ज्यादा महत्वपूर्ण होता है तो अंग्रेजों ने अब यही प्रयास शुरू किया सत्रह के, का 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 के, के काल में पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया पीटी का फैक्ट निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के काल में याद रखिएगा निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के काल में पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया तो वो काल में सौंपा गया यानी वारन हेसिंग के काल में सौंपा गया? गया याद रखेगा एन बी हालहेड अब इनका नाम आपको अच्छे से याद रखना एन बी हालहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया यानी सबसे पहले भारतीय कानूनों का संकलन ग्यारह पंडितों ने तैयार किया और यह इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया मिस्टर बी हालहेड ने याद रखेगा ठीक है ना तो ये आप देख सकते हैं इसके बाद सत्रह में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया और इसके माध्यम से एक नया सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ ये प्रिलिम्स का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई सत्रह रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा याद रखेगा ठीक है ना तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है और इसमें देखिए संक्षेप में दिया हुआ है इसमें संक्षेप में दिया हुआ है बाद में जब आप बड़ी किताबें पढ़ेंगे उसमें और विस्तार से ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे याद रखेगा ठीक है मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर कुछ काम का नहीं है अब आता है कंपनी की फौज काम का इसलिए चूंकि हम वारेन हेस्टिंग्स वगैरह के बारे में जब सारी क्लास खत्म हो जाएगी ना तो फिर हम लोग प्रीलिम्स तब तक एग्जाम प्रीलिम्स हम लोग फिर प्रीलिम्स के टाइम पे जितने गवर्नर जितने गवर्नर मतलब बंगाल के गवर्नर फिर भारत के गवर्नर जनरल फिर वायसराय इन्होंने क्या काम किया है कैसे किया ये सारी चीजें हम लोग अलग यानी अलग कंटेंट में करेंगे ये ध्यान रखिए क्या करेंगे उसको हम अलग कंटेंट में करेंगे इसको आप ध्यान में रखिएगा ठीक है ना कंपनी की फौज के बारे में दिया गया तो ये भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है यहां से कुछ भी आपको पढ़ने वगैरह की जरूरत नहीं है याद रखिएगा हाँ दो शब्द आएगा मस्केट जैसे आएगा मस्केट तो जैसे आधुनिक भारत में मस्केट क्या था लॉक क्या था तो अब यही पूछ सकता है कि मैस्केट और लॉक क्या थे तो मैस्केट था पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक और मैच लॉक था शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी तो मस्केट और मैच लॉक क्या थे हथियार होते थे आप ऐसा पीटी के लिए केवल पढ़ लीजिएगा बाकी और आपको यहां पर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है ये सब आपको याद रखेगा देखने की जरूरत नहीं है ठीक है ना और जब हम अठारह का विद्रोह पढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ पाएंगे फिर इस चैप्टर का कंक्लूजन दिया गया है याद रखेगा यानी बताने की ज़रूरत नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई मेरे प्यारे बच्चों उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक आने से यह प्रक्रिया और तेज़ होगी तब तक, तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में छः से आठ माह का समय लग जाता था भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा तीन हफ्तों में समेट दी इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उसके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे तो बहुत बढ़िया बच्चे यहाँ पर ये यह बताया गया कि तकनीक कितनी महत्वपूर्ण होती यानी कोई भी इनोवेशन कोई भी तकनीक कितनी महत्वपूर्ण होती है आप उसको यहाँ से यानी जैसे मान लीजिए एक निबंध आया था यूपीएससी में नवाचार आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण का अपरिहार्य निर्धारक होता है क्या आया था नवाचार अभी आप देखिए इसमें भी आ, ये 2016 में आया था आर्थिक समृद्धि नवाचार आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण का और सामाजिक कल्याण का सामाजिक कल्याण का अपरिहार्य निर्धारक होता है क्या होता है अपरिहार्य निर्धारक होता है ऐसा निबंध पूछा था होता है आप ध्यान रखिएगा तो नवाचार यानी इनोवेशन मेरे प्यारे बच्चों जरा समझिएगा इनोवेशन तो ये क्या था यानी भाप का, तो आप लिख सकते हैं कि यश आर्थिक समृद्धि का कारक है कैसे है तो आप लिखिएगा कि अंग्रेजों के काल में आप ऐसे लिख सकते हैं अंग्रेजों के काल में यानी एक व्यक्ति को इंग्लैंड से भारत आने में समुद्र मार्ग से छः से आठ माह का समय लगता था लेकिन जब भाप से चलने वाले जहाज यानी भाप का आविष्कार हुआ और भाप का यातायात यानी ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल हुआ तो उसके बाद से यह छ से आठ महीने की जो जर्नी थी वो कितने में तीन हफ्तों में सिमट गई तो यह दिखाता है कि नवाचार आर्थिक समृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक होता है याद रखेगा अठारह तो सौ तक भारतीय उपमहाद्वीप के तिरसठ प्रतिशत भूभाग पर और अठहत्तर प्रतिशत आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था ये सब डेटा आपको याद रहना चाहिए खासकर जिनका ऑप्शनल मेंस है उनको तो जरूर याद रखना चाहिए कि अठारह के ऊपर जब कुछ लिख रहे हो तो ये आपको पता होना चाहिए कि अठारह तक भारतीय उपमहाद्वीप के सिक्सटी भूभाग और सेवनटी जनता पर कंपनी का सीधा शासन था देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष नियंत्रण था ऐसा नहीं था कंट्रोल नहीं था यह डायरेक्ट था और यह सब रियासतों वगैरह के अधीन थे जो रियासतें अंग्रेजों का स्वामित्व तो मानती थी इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी अठारह तक पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी और यह चैप्टर यहाँ पर होता है खत्म विज्ञापन होता है शुरू मेरे प्यारे बच्चों विज्ञापन यही है कि क्या है यानी मंडे टू संडे मंडे टू संडे शाम को छः बजे तीन अखबार द हिंदू बिजनेस लाइन और उनके ये एडिटोरियल्स द हिंदू के एडिटोरियल इसके अलावा द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल यानी मैं आप लोगों को कराता हूँ और आप लोग बहुत बेहतर ढंग से यहाँ से यू के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते हैं तो जो भी बच्चे यू की तैयारी करना चाहते हैं इंटरलिंकिंग क्वालिटी डेवलप करना चाहते हैं प्रिलिम्स में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं डीप कॉन्सेप्ट टॉक चाहते हैं और उसके साथ साथ मेरे इनोवेशन यानी नए नए टर्मिनोलॉजी जो मैं हर एक क्लास में देता हूं उससे परिचित होना चाहते हैं तो मंडे टू संडे 6 पीएम पर मैं लाइव रहता हूं इसी चैनल पर द हिंदू द हिंदू बिजनेस लाइन इंडियन एक्सप्रेस अखबार में तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अध्याय तीन आ गया ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना अब बच्चों छोटे छोटे अध्याय हैं तो बहुत टाइम नहीं लगेंगे मैं पानी पी लेता हूँ आप लोग भी पानी पी ले उसके बाद फिर हम लोग इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं ठीक है बच्चों ठीक है बहुत बढ़िया तो लगे रहिए और सेशन को लाइक करते चलिए एकदम मेहनत करते हैं अब आता है अध्याय तीन यानि ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना क्या आता है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना तो अब क्या होगा यानी कंपनी दीवान बन गई अब वह अपने मनमानी फसलें उग उगाने लगी नील विद्रोह भी हुआ तो ये अब हम लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे याद रखिएगा तो अब यहाँ बताने की जरूरत नहीं है ये सब आपको बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है किसी भी प्रकार से यानी इसमें आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ भी नहीं है और ये एक पिक्चर जिसमें बताया गया सत्रह सौ पैंसठ में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण कर रहा है ध्यान रखिएगा ठीक है तो कोई भी बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है यहाँ पर भी आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं यानी वही पिछली कहानियाँ दोहराई गई है कंपनी की आमदनी का जिक्र किया गया तो मैंने पहले बताया कंपनी की आमदनी कैसे सत्रह में द्वैध शासन की स्थापना के बाद बदली याद रखिएगा तो ये भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना ही आपसे कुछ पूछने वाला एग्ज़ाम में ठीक है अब आता है खेती में सुधार की ज़रूरत खेती में सुधार की जरूरत क्यों उसके पीछे रीजन ये था कि आप केवल व्यापार से प्राप्त रेवेन्यू पर डिपेंड नहीं रह सकते थे अगर आप एक बड़ी शक्ति हैं और एक बड़ा शासन स्थापित करना चाहते हैं याद रखिएगा। तो ऐसे में उस समय कंपनी के ज्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और सीधे और खेती में सुधार लाना जरूरी है तो अब हम ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाने का मतलब यानी तीन अंग्रेजों की तीन कृषि योजनाओं को देखेंगे आप उनको तीन एग्रीकल्चर प्लान कह सकते हैं जैसे भारत की सरकार कृषि योजनाएं लगाती है वैसे ही इनकी भी हम तीन कृषि योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं आखिरकार कंपनी ने सत्रह में क्या किया कंपनी ने सत्रह में यानी अस्थाई बंदोबस्त लागू किया तो ये आपको अस्थाई बंदोबस्त प्री के लिए भी यानी पीटी के लिए भी मेंस के लिए भी और मेंस में जीएस के लिए भी उसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शनल यानी जीएस और ऑप्शनल दोनों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है तो सत्रह तिरानवे में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया मेरे प्यारे बच्चों अब इसकी शर्तें क्या थी अस्थाई बंदोबस्त यानी जमींदारों के साथ एक अस्थाई समझौता किया गया बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता यानी जो उस समय वहाँ के राजा थे जो ता तालुकेदार थे यानी ये भी जमीन ये भी जमींदार थे यानी एक बहुत बड़े तालुके के स्वामी तो ये राजा और तालुकेदार उस समय जमींदारों के रूप में इनको मान्यता कहा गया तुम इस जमीन के मालिक हो यानी जहां पर भी अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया है चार्ल्स कार्नवालिस के द्वारा उस समय जमींदारों को भूमिका स्वामी माना गया उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया, यानी ही मध्यस्थ होंगे, किसान और इस्ट इंडिया कंपनी के बीच में याद रखेगा उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई कि आपको इतना चुकाना पड़ेगा इसका मतलब यह था भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाना था याद रखेगा अंग्रेजों को अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त इसलिए लागू किया कि उनको ये था कि उनको था इससे उन्हें एक्स मात्रा में निश्चित रूप से नियमित नियमित रूप से से नियमित नियमित राजस्व राजस्व यानी मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा अब बहुत इंपॉर्टेंट है इसको एक कॉन्सेप्ट का नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं प्रकृतिवादी दर्शन क्या कहते हैं बच्चों बहुत बड़े ऑप्शनल वाले बच्चों के लिए यह बहुत बड़े प्रकृतिवादी दर्शन यानी मेरे प्यारे बच्चों जब आप पढ़ेंगे इतिहास को गहराई के साथ तो इसमें कहा जाता है कि अस्थाई बंदोबस्त को लाने के पीछे कौन सा सबसे प्रमुख या जिम्मेदार कारक रहा यानी अस्थाई बंदोबस्त को लाने के पीछे कौन सा अस्थाई या प्रमुख जिम्मेदार कारक रहा तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। तो अस्थाई बंदोबस्त को लाने के पीछे प्रकृतिवादी दर्शन का हवाला दिया गया यानी ब्रिटिश इतिहासकार कहते हैं कि प्रकृतिवादी दर्शन यानी जैसे हम इसे कह सकते हैं नेचुरल नेचुरलिस्टिक फिलोसफी इसका मतलब क्या होता है या, इसकी एक मान्यता होती है जिसको मैं एक डायग्राम से आपको समझाता हूं तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे और ठीक है इसको मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं फिर मजा आएगा जैसे मेरे प्यारे बच्चों प्रकृतिवादी दर्शन का मतलब क्या हो गया प्रकृतिवादी दर्शन इसका मतलब हो गया प्रकृति यानी नेचर तो ये अंग्रेजों ने सोचा कि अस्थाई बंदोबस्त में हम जमींदारों को क्या मानेंगे भूस्वामी मान लेंगे तो जब हम किसी को किसी चीज का स्वामी मान लेते हैं जैसे मान लीजिए मैं आपको एक कोई जमीन दूं तो आप क्या करेंगे आप उसकी सफाई करेंगे व्यवस्था करेंगे और हमने कह दिया ये आपकी है तो आपकी होने के बाद एक उम्मीद होती है कि आप उसका बेहतर देखभाल तो जमींदार को भूस्वामी इस के अंदर अंग्रे, अंग्रेजों ने माना और अंग्रेजों ने यह माना कि जब जमींदार भूस्वामी होंगे तो ये क्षेत्र में रिफॉर्म करेंगे क्या करेंगे क्षेत्र में सुधार करेंगे और है भू क्षेत्र में सुधार करने का मतलब क्या होता है यानी भूमि को बेहतर बनाएंगे उपजाऊ बनाएंगे ठीक है तो भू क्षेत्र में ये सुधार करेंगे और जब भू क्षेत्र में सुधार करेंगे तो याद रखिएगा इसका सबसे बड़ा लाभ क्या होगा यानी भूमि की उर्वरकता बनी रहेगी यानी जो लैंड है वो फर्टाइल बनी रहेगी भूमि की उर्वरकता बनी रहेगी क्या बनी रहेगी भूमि की उर्वरकता यानी इसका सबसे बड़ा लाभ यही होगा कि लैंड फर्टाइल रहेगा मेरे प्यारे बच्चों जरा समझिएगा और लैंड फर्टाइल रहेगा तो अधिशेष का उत्पादन होगा यानी सरप्लस उत्पादन होगा अधिशेष उत्पादन होगा और हमको नियमित राजस्व मिलता रहेगा एक बड़ी मात्रा में जिसके आधार पर हम क्या करेंगे भारत से ड्रेन आप वेल्थ करेंगे भारत से क्या करेंगे धन का निष्कासन करेंगे और जो पैसा बचेगा उससे हम यहां का शासन चलाएंगे ये उनका सोचना था प्रकृतिवादी दर्शन याद रखिएगा कॉन्सेप्ट को समझिए इसके साथ साथ इस दर्शन में एक और बात थी प्रकृतिवादी दर्शन के साथ साथ और वो क्या बात थी कि जब हम जमीदार को भूस्वा हाँ जमीदार जब हम लगान निश्चित कर देंगे यानी लगान इसमें निश्चित कर दिया गया तो इसका मतलब है कि लगान निश्चित होने से दो फायदे होंगे एक तो जमींदारों को पता होगा कि उन्हें कितना चुकाना है और दूसरा यानी अंग्रेजों को क्या मिलेगा तो अंग्रेजों को अपना बजट बनाने का मौका मिलेगा तो इसी उद्देश्य के तहत यह शुरू किया गया ध्यान रखेगा और इसी प्रकृतिवादी दर्शन के तहत ठीक है लेकिन हुआ इसका उल्टा याद रखेगा हुआ इसका उल्टा यानी कि जिस हुआ बिल्कुल उल्टा यानी जिस उद्देश्य के साथ शुरू हुआ था वो उद्देश्य यहाँ पर अधूरा रहेगा उसके बहुत से रीज़न रहेंगे क्योंकि ऑब्वियस है जमींदारों के ऊपर लगान का जो भार डाला गया था एक हिस्सा उन्हें अपने पास रखना था बाकी का सारा हिस्सा उन्हें लगान के रूप में देना था तो उनकी दृष्टि केवल किसानों से अधिकतम लगान की वसूली पर थी किसी भी प्रकार से कृषि में सुधार की नहीं थी तो इसलिए कृषि में कोई सुधार नहीं हुआ हुआ तो केवल ये हुआ अंग्रेजों का शोषण हुआ अरे सॉरी अंग्रेजों का शोषण कह रहा हूं यानी किसानों का शोषण हुआ किसका हुआ मेरे प्यारे बच्चों किसानों का शोषण हुआ इस पॉइंट को आप लोगों को ध्यान में रख लेना है बाकी जब हम बड़ी किताबें पढ़ेंगे तो उसमें आपको यानी जब आप ट्वेल्थ क्लास की किताब पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया वाली तो उसमें आपको मिलेगा कि एक और यानी या नहीं लिखा मैं लिख देता हूं सनसेट थ्योरी यानी सूर्यास्त का सिद्धांत क्या है सूर्यास्त का सिद्धांत यह भी आप ध्यान में रखें क्या है सनसेट की थ्योरी या सिद्धांत तो यहां पर यह था कि सूर्यास्त का सिद्धांत भी लागू किया गया क्या लागू किया गया सूर्यास्त का सिद्धांत यानी सनसेट थ्योरी को लागू किया गया इसका मतलब था कि एक निश्चित समय पर अगर जमींदारों ने सरकार को मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को जो राजस्व चुकाना है अगर उस राजस्व को नहीं चुकाएंगे तो उनकी जमीन उनसे छीन करके किसी और को बेच दी जाएगी अब जरा कॉन्सेप्ट को समझिए किसान बेचा जमींदार इससे डरेगा नहीं सूर्यास्त के सिद्धांत से यानी कुल लगान का जैसे सौ रुपया मिला तो एक हिस्सा उसको अपने पास रखना था बाकी का सारा हिस्सा यानी किसको सौंप देना था अंग्रेजों को इसका मतलब उसके ऊपर प्रेशर था कि रेवेन्यू की वसूली ऊपर से सनसेट थ्योरी या सूर्यास्त के सिद्धांत का मतलब होता है कि एक डेट और समय तय कर दिया गया कि इस डेट और समय तक आपको इतना लगान चुकाना होगा अगर आप नहीं चुका पाएंगे तो आपकी भूमि आपके भूस्वामित्व तो से लेकर के यानी आप उसके भूस्वामी हैं किसी और को बेच दी जाएगी तो जमींदार बेचारा डरा रहता था और आपको अच्छे से पता भारत में कृषि मानसून के साथ जुआ अगर फसल मानसून अच्छा हुआ उस समय भी तो कृषि अच्छी होगी नहीं होगा तो समस्या हमेशा बनी रही आज भी है और उस समय भी थी तो सूर्यास्त के सिद्धांत के कारण यानी दबाव रहा और उन्होंने अधिकतम राजस्व की वसूली की नीति अपनाई जिसके कारण से किसानों पर राजस्व चुकाने का अतिरिक्त बोझ बढ़ा और किसान गरीब होते निर्धन होते चले गए ध्यान से आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझे होंगे मेरे प्यारे बच्चों इसी व्यवस्था ने यानी ये जो प्रकृतिवादी दर्शन और सनसेट की थ्योरी इस सनसेट की थ्योरी ने अब देखिए मैं आपको कहां इंटरलिंक कराने जा रहा हूं यानी जरा समझते हम लोग इसको जो सनसेट ओ, ओ क्या कर रहा हूं मैं बार बार यानी जो सनसेट की थ्योरी है जो सनसेट की थ्योरी है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा जो सनसेट की थ्योरी बार बार क्या हो रहा है यानी जो सनसेट की थ्योरी है जो सूर्यास्त का सिद्धांत यानी इस सूर्यास्त के सिद्धांत ने जो सूर्यास्त का सिद्धांत है यानी जो सनसेट की थ्योरी है इस सूर्यास्त के सिद्धांत ने अस्थाई बंदोबस्त में एक बहुत बड़ा चेंज लाया अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में और वह चेंज क्या था मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान रखेगा अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में एक बहुत बड़ा चेंज लाया और वह चेंज वह परिवर्तन क्या था आप बताएं मुझे वह परिवर्तन था दूरस्थ जमींदारी का प्रारंभ एबसेंटी लैंड इसे इंग्लिश में बोलते हैं एबसेंटी यानी एबसेंट होता है ना स्कूल में आप प्रेजेंट है कि एबसेंट है Absentee landlordism लैंड तो दूरस्थ जमींदारी की शुरुआत भी करी तो ये पीटी में भी आ सकता है मेंस में भी आ सकता है कि दूरस्थ जमींदारी या इसी को एक शब्द और बोलते हैं चलवासी जमींदारी हिंदी में तो कोई भी शब्द आए आप सतर्क रहिएगा दूरस्थ जमींदारी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में और मेंस में जीएस में भी और ऑप्शनल में दोनों में ये महत्वपूर्ण है याद रखिएगा आपसे कोई पूछे कि क्या अस्थाई बंदोबस्त ने दूरस्थ जमींदारी यानी क्या अस्थाई बंदोबस्त ने ध्यान रखिएगा क्या अस्थाई बंदोबस्त ने जमींदारी व्यवस्था का शुभारंभ किया क्या अस्थाई बंदोबस्त ने जमींदारी व्यवस्था का शुभारंभ किया तो आप कहेंगे हां अस्थाई बंदोबस्त ने जमींदारी व्यवस्था सॉरी दूरस्थ जमींदारी व्यवस्था का शुभारंभ किया कैसे तो उसका उत्तर होगा कैसे तो उसका उत्तर होगा सूर्यास्त का सिद्धांत यानी जब कोई भी जमींदार पॉइंट को समझिएगा जब कोई भी जमींदार यानी निश्चित समय पर अपना लगान यानी जो राजस्व उसे चुकाना होता था कोई भी जमींदार अस्थाई बंदोबस्त के तहत जब वह चुका नहीं पाता था तो उसकी जमीन उससे छीन ली जाती थी अंग्रेजों के द्वारा और फिर इस भूमि की यानी जो छीनी गई भूमि है ये जो छीनी गई भूमि है इसकी नीलामी की जाती थी मेरे प्यारे बच्चों और इस नीलामी में जो शहर में रहने वाला साहूकार होता है शहर में रहने वाला जो साहूकार होता है वो क्या करता है इस नीलामी में अधिकतम बोली लगा करके और इस भूमि का जमींदार बन जाता है ये शहर आधारित साहूकार तो मेरे प्यारे बच्चों ये शहर में रहता है साहूकार कहाँ रहता है शहर में रहता है और जमीन कहाँ की खरीदता है यानी गांव की खरीदता है तो ये स्वयं ये साहूकार स्वयं नहीं आता इस जमीन पर खेती करने तो ये अपने मध्यस्थों को बेचता है जिन्हें हम लठायत कहते हैं यानी लठायत यानी जिनका काम ही था कि जिस भूमि पर किसान खेती कर रहे हैं जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे राजस्व वसूलो तो आप देख सकते हैं सूर्यास्त के सिद्धांत ने एबसेंटी लैंड दूरस्थ जमींदारी या चलवासी जमींदारी की शुरुआत कर दी क्या कर दी दूरस्थ जमींदारी या चलवासी जमींदारी की शुरुआत कर दी और उसके साथ साथ किसानों के शोषण को बढ़ा दिया तो आप ऐसा भी यानी टॉपिक यहां पर निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा तो यही सारी बातें हैं धीरे धीरे हम लोग इसमें विस्तार से पढ़ते जाएंगे अब जिस उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी वही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं मैंने आपको सब बता डाला है कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं है तो आप उसको मेरे कॉन्सेप्ट से पढ़ लीजिएगा आसानी के साथ समझ में आ जाएगा तो ये हो गया यानी अस्थाई बंदोबस्त और उसके साथ साथ अस्थाई बंदोबस्त की एक और कमी थी जिसके कारण से याद रखेगा जिसके कारण से अंग्रेजों को उससे लाभ कम होने लगा और वह कमी क्या थी मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा वह कमी क्या थी वह कमी थी समझिएगा इसको वह कमी यह थी कि इसमें रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया था तो जब रेवेन्यू फिक्स कर दोगे तो मान लो कोई जमींदार क्षेत्र का विस्तार कर रहा है नए नए क्षेत्रों में समय के साथ नए नए क्षेत्रों में खेती होती है ना नए नए क्षेत्रों में वो खेती कर रहा है तो अगर वो नए नए क्षेत्रों में खेती कर रहा है तो रेवेन्यू उसका बढ़ रहा है लेकिन चूंकि अंग्रेजों ने उसे फिक्स कर दिया था तो अंग्रेजों को जो जमींदार अपनी जमीन बढ़ा करके फसल पैदा कर रहा था उससे कोई लाभ नहीं हुआ तो अंग्रेजों ने सोचा कि यार इस व्यवस्था से बहुत ज्यादा लाभ नहीं हो रहा है और हमें तो राजस्व चाहिए ही चाहिए भू राजस्व तो एक नई व्यवस्था लाई जाए मेरे प्यारे बच्चों और वह नई व्यवस्था क्या हो याद रखेगा और वह नई व्यवस्था देख सकते हैं क्या कहा गया जिसे हम महालवाड़ी व्यवस्था बि कहते हैं याद रखेगा महालवाड़ी व्यवस्था तो अस्थाई बंदोबस्त के बाद महालवाड़ी व्यवस्था याद रखेगा क्या कहा गया महालवाड़ी व्यवस्था याद रखें तो बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए होल्ट इनका नाम याद रखेगा यानी मालवाड़ी व्यवस्था से किसका संबंध है पीटी में पूछ सकता होल्ड होल्ट में, ने इन्होंने ही एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे हम मालवाड़ी कहते हैं अठारह सो में इसको लागू किया तो मेरे प्यारे बच्चों डेट याद रखिएगा यानी सुमेलित करने को आ सकता है स्थायी बंदोबस्त उसकी डेट माहलवाड़ी उसकी डेट अभी हम रैयतवाड़ी पढ़ेंगे उसकी डेट तो इससे आपको यह पता रहेगा कि ये सब कब कब लागू किए गए और क्योंकि ये सब इजी क्वेश्चन अगर ये सब एग्जाम में गलत होते हैं तो फिर आप घर पे आने के बाद अपने आप को माफ नहीं कर पाते हैं यह ध्यान रखिएगा तो अठार अठारह में लागू किया गया मेरे प्यारे बच्चों जरा पढ़ते हैं क्या मैकेनजी ने क्यों लागू किया यानी मैकेनजी ने क्यों लागू किया इस व्यवस्था को तो उसको विश्वास था क्या विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए तो पहला तो उसका उद्देश्य यहां पर बड़ा अच्छा बताया गया उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव गांव का दौरा किया नंबर वन जमीन की जांच की नंबर टू खेतों को मापा नंबर तीन और नंबर फोर विभिन्न समूहों के रीत रिवाजों को भी रिकॉर्ड में रखा गया गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह ग्राम समूहों को ही महाल कहा जाता था हर गांव या ग्राम समूह को महाल कहा जाता था से यानी वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था यानी मान लीजिए महाल वाड़ी का मतलब कि आपके गांव में जितने भी किसान हैं होल्ड मैकेजी ने कलेक्टरों को यह काम दिया कि जितने भी खेत हैं आपके गांव में मान लीजिए आपका गांव है तो जितने भी खेत हैं किससे कितना प्राप्त हो सकता है उसका अनुमान लगा करके और पूरे महाल को यानी एक एक खेत से अलग से राजस्व लेने की बजाय उस महाल पर यानी उस ग्राम समूह पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि एक्स अमाउंट हम राजस्व का तय कर रहे हैं और वह एक्स अमाउंट आप हम तक पहुंचाएंगे याद रखेगा तो सिंपल सी बात है महाल महालवाड़ी इसीलिए कहा गया कि राजस्व महाल यानी ग्राम समूह से वसूला जाता था याद रखेगा और इस राजस्व को इसके बारे में विशेषता पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है यानी जैसे कि अभी पीछे अस्थाई बंदोबस्त था तो नहीं महलवाड़ी अस्थाई रूप से तय नहीं किया गया बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई क्योंकि वो एक बार झटका खा चुके थे यार कि अस्थाई बंदोबस्त में अब तो आपने अस्थायी व्यवस्था कर ली जमींदारों ने खेती का विस्तार किया उसमें से इनको कुछ नहीं मिला तो आप देख सकते हैं राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा अब की बार जमींदारों की वजह यानी स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को दिया गांव के मुखिया को सौंप दिया गया और इसी व्यवस्था को महालवाड़ी बंदोबस्त का नाम दिया गया किसका नाम दिया गया बच्चों महालवाड़ी बंदोबस्त का एक बार आप फटाफट रिविजन कर लें ठीक है बच्चों तो एक बार आप इसका रिविजन कर लें फटाफट मजा आ जाएगा अब आता है यानी हमने क्या पढ़ा अस्थाई बंदोबस्त पढ़ लिया महल वाली पढ़ लिया अब मुझे बताओ आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि गांव के मुखिया को रा, क्या करना राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का काम सौंपा गया तो क्या अंग्रेज इतने भी समझदार नहीं थे कि तुम एक जमींदार से बच रहे हो लेकिन तुम इस मुखिया को जमींदार याद रखेगा ठीक है ना तो गांव के मुखिया को सौंप दिया गया क्या किया गया गांव के मुखिया को मेरे प्यारे बच्चों ये गांव का मुखिया बाद में अस्थाई बंदोबस्त के जमींदार की तरह ही हो गया तो आप देख सकते हैं यानी यहां पर भी किसानों का शोषण शुरू हो गया अब एक तीसरी व्यवस्था आती जिससे रैयतवाड़ी या रैयतवार कहते हैं मुनरो व्यवस्था यानी अब की बार क्या किया गया भाई ऐसा है अस्थाई बंदोबस्त में जमींदारों के साथ किया गया महलवाड़ी बंदोबस्त यानी महलवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया ग्राम के मुखिया के साथ किया गया और उसके बाद तीसरा यानी रैयतवाड़ी और सीधा किसानों से किया गया याद रखेगा तो ब्रिटिश कंट्रोल में जो दक्षिण भारत का हमारा क्षेत्र था वहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है अपनाई गई और इसके रैयतवाड़ी व्यवस्था के पप्पा कौन है रेयतवाड़ी व्यवस्था के पप्पा है कैप्टन एलेक्जेंडर रीड कौन है कैप्टन एलेक्जेंडर रीड ने याद रखेगा यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाई तो इसको आप याद रखिएगा बाद में टामस मुनरो को भी इस व्यवस्था का विकास करने के लिए जिम्मेदार माना गया तो ये व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था को हम मुनरो व्यवस्था के नाम से जानते लेकिन सबसे पहले कर्नाटक के बारा महल जिले में से कैप्टन रीड ने शुरू किया था लेकिन मुनरो ने इस पर पूरा व्यवस्थित साइंटिफिक काम किया इसलिए इसे मुनरो व्यवस्था भी कहते हैं तो टामस मुनरो व्यवस्था का संबंध किससे है ये भी क्वेश्चन आ सकता शिक्षा से है स्वास्थ्य से है राजस्व से है। तो आप मारेंगे राजस्व से है ध्यान रखिएगा ठीक है ना क्लियर हो गया बच्चे और रीड और ने इस व्यवस्था को यानी दक्षिण भारत में इस व्यवस्था को क्यों लागू किया यानी रीड और मुनरो ने दक्षिण भारत में इस व्यवस्था को क्यों लागू किया तो मेरे प्यारे बच्चे इनका इनको मानना था कि जैसे उत्तर भारत में जमीदार हुआ करते थे उस टाइप के जमीदार वहां नहीं थे इनका अपना मानना था इसलिए उन्होंने कहा कि सीधे किसानों से ही बंदोबस्त किया जाना चाहिए याद रखेगा ठीक है ना तो ये सारी बातें हैं बट सब कुछ ठीक नहीं था याद रखेगा यानी अब मैं इसको एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूं कि सब कुछ ठीक क्या नहीं था तो आप बहुत बहुत अच्छे से इसको समझ जाएंगे। यानी नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उन, उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया यानी राजस्व बहुत ज्यादा तय कर दिया गया था यह पॉइंट आप याद रखें क्या कर दिया गया था बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे क्या नहीं पा रहे थे किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे रैयत गांव से भाग रहे थे रैयत क्या कर रहे थे गांव से भाग रहे थे बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि एक नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील कितान बना देगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ मेरे प्यारे बच्चों यानी तीनों फसलें अपने लाभों के साथ आगे नहीं बढ़ पाई ना अंग्रेजों के लिए ना ही किसानों के लिए अब आता है यूरोप के लिए फसलें अब ये क्या है जरा ये समझते हैं याद रखिएगा यानी यूरोप को जिस प्रकार की जरूरत है यानी ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति अगर हम इसको यह एनसीआर का चैप्टर मुझे लिखना होता तो कुछ अलग प्रकार से होता यूरोप के लिए फसलें यानी यूरोप में जो खासकर ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हो रही थी उसके लिए फसलें तो बच्चों को और समझ में आता औद्योगिक क्रांति के लिए फसलें औद्योगिक क्रांति के लिए फसलें और जोश मेंटेन रखिए बच्चे यानी जोश मेंटेन रखिए आपको जोश मेंटेन रखना है यूपीएससी इस बार प्रीलिम्स पास करना आप सब हमेशा याद रखिएगा कि आप मैं बैठा हूं मुख्य परीक्षा के लिए मैं बैठा हूं मुख्य परीक्षा के लिए यानी प्रीलिम्स निकला तो मुख्य परीक्षा में गारंटी दे रहा हूं आवाज रिकॉर्ड कर लीजिए ऑप्शनल इथिक्स ऐसे आप सबको पता है इसी तीन विषय के द्वारा हम रैंक लगा सकते हैं इसी तीन विषय के द्वारा हम रैंक लगा सकते हैं तो इसलिए आप सबकी यह जिम्मेदारी है क्या जिम्मेदारी है आप सबकी यह जिम्मेदारी है कि अपनी एनर्जी को मेंटेन रखे थके नहीं तीन चार पांच घंटे में हम थक के हम इंसान कौन है थकना मना है याद रखिएगा एनर्जी जानी नहीं चाहिए चार पांच घंटे तो ऐसे निकाल दो जैसे लगे कि वाह इससे क्या होगा देखिए इस क्लास से आपको केवल यह फायदा नहीं होगा कि आप कंटेंट पढ़ रहे पांच पांच छः घंटे आपको लेक्चर सुनने की आदत होगी और आपको यह भी सोचने का मौका मिलेगा यार मैंने पांच घंटे छः घंटे लेक्चर सुना तो आपको अपनी ताकत एहसास होगा आपको यह भी लगेगा कि यार हमने तो सुना सुनील सर ने तो पांच से छः घंटे बोला उनकी एनर्जी का आलम क्या होगा तो इससे हम एक दूसरे को प्रेरित करते हुए अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो औद्योगिक क्रांति के लिए फसलें उगाई जा रही थी भारत में हम इस विषय को यहां पर पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजों ने अब देखिए मैं पूरा पढ़ूंगा तभी आप इसको समझ पाएंगे अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके ना केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं यानी राजस्व बल्कि वहां यूरोप की जरूरतों के हिसाब से फसलें भी पैदा की जा सकती हैं तो इसी उद्देश्य से यानी उन्होंने गांव का इस्तेमाल दो प्रकार से किया राजस्व वसूलने के लिए और यूरोप के हिसाब से फसलों को पैदा करने के लिए अठारहवीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था यानी अठारहवी सदी के आखिर तक इसको पीटी में याद रखेगा यानी अठारहवी शताब्दी में अंग्रेज किन फसलों पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे थे वो किस पर अफीम और नील की खेती पर अब मैं आपको यहां बता दूं बच्चों जब हम बड़ी क्लासेस में जाएंगे खासकर ऑप्शनल के बच्चों के लिए है ये याद रखेगा ऑप्शनल के बच्चों के लिए इसको हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कृषि का वाणिज्यिकरण आपके सिलेबस में भी है कृषि का वाणिज्यिकरण याद रखिए क्या है कृषि का वाणिज्यिकरण कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर तो उसमें हम ये सब पढ़ते हैं ठीक है तो आप लोग इस घटना को एग्जाम्पल के रूप में याद रखिएगा ठीक है तो नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था इसके बाद तो ये अफीम और नील की खेती हो क्यों रही थी इसको तो सुन लीजिए कहानी इनकी ये बड़े शैतान लोग थे शैतान बुद्धि अफीम की खेती क्यों कर रहे थे क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ब्रिटेन का जो चीन से व्यापार था उस व्यापार में ब्रिटेन को घाटा था चीनी कुछ खरीदते ही नहीं थे किसी से चीनी चीनी चीनियों की एक क्वालिटी शुरू से रही है वो शुरू से ही जिद्दी रहे हैं अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए और आज वो देखिए पूरे विश्व में अमेरिका को टक्कर देने वाली शक्ति बन गए हैं ध्यान रखिएगा अमेरिका को टक्कर देने वाली शक्ति बन गए तो चीनी लोग इनसे कुछ खरीदते ही नहीं थे तो आप ये चीन के साथ व्यापार करते थे ये चीन से बहुत कुछ खरीदते थे तो ये हमेशा व्यापार घाटे में रहते थे तो ऐसे में अफीम को बेच करके ये बैलेंस ऑफ ट्रेड कर रहे थे चाइना में ठीक है तो अफीम इसलिए और नील की खेती इसलिए कर रहे थे कि अंग्रेजों ने यानि अठारहवीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के पहले दौर में एटीन सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले स्टेज में फर्स्ट स्टेज में यानी जो कपड़े बनाए मशीनों से बड़ी मशीनों का आविष्कार किया और जो कपड़े उन्होंने बनाए उनको रंगने के लिए उनको रंगने के लिए रंग की आवश्यकता थी यानी नील की आवश्यकता थी नील क्या है एक रंगने का कपड़ा रंगने का एक टूल है तो इसलिए नील की खेती को यहां पर बढ़ावा दिया गया है याद रखिएगा यानी अपने लाभ के लिए तो यहां पर कोई भी चीज हिंदुस्तानियों के लिए नहीं हो रही थी केवल अपने लाभ के लिए हो रही थी याद रखिएगा ठीक है ना इसके बाद लिखा हुआ लगभग 150 वर्ष तक जब तक अंग्रेजों का इस देश पर कंट्रोल रहा किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे और किस हिसाब से यानी मजबूर क्यों कर रहे थे अंग्रेजों को जिन जिन फसलों की आवश्यक यानी यूरोप में जिन जिन फसलों की मांग थी उन्हीं के हिसाब से यहां पर खेती कराते थे जैसे ये बंगाल से पटसन पैदा कराते थे यानी जूट असम से चाय संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश से गन्ना पंजाब से गेहूं महाराष्ट्र व पंजाब से कपास मद्रास से चावल तो आप देख सकते हैं याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ठीक है ना तो ये सारे अब बताया गया ये कैसे किया जाता था तो कोई मतलब नहीं है याद रखिएगा ठीक है ना तो कोई महत्वपूर्ण नहीं है हाँ इस समय एक पर्सनालिटी विलियम मॉरिस का जिक्र आएगा तो ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार थे बस इनका नाम इतना ही याद रखिए बाकी और आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है ना क्यों इसको बनाया गया मैंने आपको अच्छे से बहुत बता दिया भारतीय नील की मांग क्यों थी जो मैंने बताया वही बात है यानी कपड़ों को रंगने के लिए नील की मांग थी तो इसलिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया गया उष्ण नील उष्ण कटबंधी इलाकों में ही पैदा होता है सोहन सोहन ये सब आपसे पूछेगा नहीं जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था नील वाला कपड़े को रंगने में कपड़े को डाई रंग कपड़े की रंगाई में इसका इस्तेमाल होता था याद रखेगा बस तो आपको और कुछ इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है वही वही बातें जो मैंने आपको बता दी हैं औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो भारतीय नील की मांग और बढ़ गई तो आप देख सकते हैं अब आता था कि यह नील कहां से मिल सकता था तो भारत में याद रखेगा ईस्ट इंडिया कंपनी नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी अब आप देख सकते हैं और बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाज़ारों पर छा गया था सत्रह में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग तीस परसेंट था यानी नील कई जगहों से इंपोर्ट करता था ब्रिटेन लेकिन अगर वो सौ रुपए का नील मंगाता था तो तीस रुपए अकेले हिंदुस्तान का होता था याद रखिएगा और 1810 में ब्रिटेन लगभग 100 में से पंचानवे 95 जो है नील का आयात कहां से इंडिया से करने लगा 95 परसेंट का याद रखेगा और क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फायदा था जैसे जैसे नील का व्यापार फैला तो कंपनी कोई मतलब नहीं इसको आपको पढ़ने के लिए ठीक है ना तो ये सारी बातें आपको बता दिया याद रखेगा नील की फसल नील की खेती कैसे होती थी अब यहां पर एक निज खेती और रैयती खेती का जिक्र किया ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है याद रखिएगा ठीक है ना निज का मतलब जो अपनी भूमि पर करते थे रैयती का मतलब जो दूसरों की भूमि पर करते थे याद रखिएगा तो यहां तब ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है ये मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं यानी कुछ भी मत पढ़िएगा ठीक है ना ठीक है यानी बस इतना याद रखिएगा निज खेती के अंतर्गत 25 परसेंट नील होता था और 75 परसेंट जो नील रैयती व्यवस्था के अंतर्गत आता था इसमें भी घुसने की जरूरत नहीं रैयतों की जमीन पर नील की खेती यानी रैयती व्यवस्था के तहत बागान के जो मालिक होते थे रैयतों के साथ एक अनुबंध करते थे सट्टा करते थे याद तो ये सारी बातें हैं ठीक है ना कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बगान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था कर्जा लेने वाले रईयत को अपनी कम से कम 25 परसेंट भूमि पर नील की खेती करनी होती थी तो कोई मतलब नहीं कोई मतलब नहीं ये सब आपको ठीक है ना ये सब आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं आप इसको कट कर दीजिएगा कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से बता दिया आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है याद रखेगा अब ये बताया गया है कि कैसे नील को कलर के रूप में कन्वर्ट किया जाता था कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं 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 आप मतलब देखिएगा भी नहीं याद रखिएगा अब आता है नील विद्रोह तो ये इंपॉर्टेंट है जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए तो ये हो गया इंपॉर्टेंट यानी नील विद्रोह अब देखिए कितने आपको पॉइंट आपको पढ़ने नहीं मार्च अट्ठारह में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया उन्होंने कहा अब हम नील की खेती नहीं करेंगे और यह विद्रोह फैल गया तो अठारह में नील विद्रोह डेट याद रखेगा प्रीलिम्स का क्वेश्चन है क्योंकि बच्चे जितने भी रिबोल्ट हुए हैं अठारह के पहले और अठारह के बाद भी तो रिबोल्ट की क्रोनोलॉजी यानी अनुक्रम क्रोनोलॉजी यानी अनुक्रम यूपीएससी आपसे पूछता है यानी नंबर एक पे कौन हुआ नंबर दो पे कौन हुआ नंबर तीन पे कौन हुआ नंबर, पे कौन हुआ, नंबर चार पे तो यह क्रोनोलॉजी आपसे पूछता है तो इसलिए थोड़ा सा डेट याद रखेगा 1800 मतलब जो आज हम एनसीआर में पढ़ रहे हैं उसको तो याद ही कर ले बाकी तो बाद की बात है तो मार्च अठारह में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया ये सारी बातें आपने पढ़ा जैसे जैसे विद्रोह फैला यानी अठारह में नील विद्रोह हुआ रैयतों ने बगान मालिकों को लगान चुकाने से इनकार कर दिया और उसके बाद फिर बताने की आवश्यकता नहीं है और यानी आंदोलन प्रारंभ हो गया तो यह वाला पॉइंट आपका पढ़ने की जरूरत नहीं है याद रखेगा ठीक है ना तो बगावत हो गई ठीक है ना तो यह सारी चीजें हैं अभी तक यहां पर कोई भी ऐसा नाम नहीं आया कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं आया जो आपको बताया जाए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बस बगावत हो गई अब उसके बारे में अंदर बता रहे हैं कि लोगों ने क्या क्या किया तो सब मतलब नहीं बगावत में जो जो होता है आपके दिमाग में है वो सब आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है याद रखेगा ठीक है ना तो अब यहां से अठारह बताने की जरूरत नहीं कुछ भी नहीं है था इसमें और यहां पर ठीक है ना विद्रोह आगे फैलता गया कोई मतलब नहीं था कोई मतलब नहीं था फिर एक नील कमीशन बनाया गया यानी विद्रोह इतना बड़ा नील आयोग यानी नील कमीशन भी बनाया गया और इस आयोग ने पाया कि बागान मालिक जो है अत्याचार करते थे वो रैयतों के ऊपर तो ये सारी बातें थी ठीक है ना और इस आयोग ने क्या कहा इस आयोग ने ये कह दिया जरा याद रखिएगा रैयतों से कहा कि वे मौजूदा यानी जो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक आपके साथ हो चुका है उसको पूरा करिए लेकिन आगे से वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं यानी वो क्या कर सकते हैं आगे से वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं ऐसा उस यानी कमीशन ने कहा तो पीटी का ये प्रश्न अच्छा है कि जो नील कमीशन बना था उसने क्या क्या बातें कही तो ये आप यहाँ से ध्यान रख लीजिएगा याद रखें ठीक है ना इस बगावत के बाद नील का उत्पादन ऑब्वियस है बिल्कुल खत्म हो गया तो बस आपको देखने की जरूरत नहीं है और 1917 का जिक्र किया गया है महात्मा गांधी ने नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत करी याद रखिएगा यानी जब बंगाल में नील का उत्पादन धाराशाही हो गया तो बागान मालिक कहीं न कहीं करेंगे ना तो पड़ोस में बागान मालिक बिहार पर चले गए जिसमें आज का झारखंड भी शामिल था ठीक है ना तब तो आप देख सकते हैं वहां पर चले वहां पर भी एक आंदोलन हुआ जिसका नेतृत्व यानी उन्नीस सौ में गांधी जी ने किया ठीक है और इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि नाइनटीन सेंचुरी के अंत में जो है कृत्रिम आर्टिफिशियल कलर बनने लग गए थे तो इसलिए भी थोड़ा सा नील के प्रति अंग्रेजों का झुकाव भारत में करने का कम हो गया इंडीज में नील का उत्पादन खूब हो रहा था एक विकल्प ये भी मिल गया था कि भारत में नील की खेती को ज्यादा जोर ना दिया जाए तो बस अब आप ध्यान रखें और एक छोटा सा विज्ञापन मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा विज्ञापन ये है कि मैं यानी सुनील अभिव्यक्ति इसी चैनल पर यानी द हिंदू बिजनेस लाइन एक द हिंदू दूसरा द इंडियन एक्सप्रेस यानी तीन अखबार के बेस्ट एडिटोरियल एक एडिटोरियल दो तीन चार पाँच छः, यानी चार से पाँच छः एडिटोरियल रोज कराता हूँ महीने का सोचिए कितना हो गया और अब इतना एडिटोरियल अक्रॉस यूट्यूब पर आप कंपेयर कर लीजिए कोई भी नहीं कराता जितना एडिटोरियल मैं कराता हूँ और वो भी यानी यूपीएससी के हिसाब से यानी इंटरलिंकिंग क्वालिटी करता हूँ इसका मतलब है इंटरलिंकिंग को आई क्यू आई पी इंटरलिंकिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम यानी ये जो टॉपिक होते हैं इनको आपके प्रीलिम्स और मेंस के जो सिलेबस हैं जी एस वन टू थ्री फोर इनके साथ जोड़ता हूँ ए सी के साथ जोड़ता हूँ ऑप्शनल के साथ जोड़ता हूँ तो आपको बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल अपने इन से, सेगमेंट में जो है उपयोग करने को मिलते हैं इसके साथ इंटरव्यू के लिए भी बातें बताता रहता हूं प्रीलिम्स के लिए भी याद रखिएगा डीप कॉन्सेप्ट टॉक करता हूं और तुम तो, और उसके साथ साथ एक ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट भी डेली देता हूं इनोवेशन के नाम से जो मेरा इनोवेशन है और इसका फ़ायदा आप क्या होता है कि आपका शब्द बहुत मजबूत हो जाता है यानी आपकी टर्मिनोलॉजी बहुत मजबूत हो जाती है तो मेरा अपना कहना है कि आप मंडे टू संडे यानी याद रखिएगा मंडे टू संडे सिक्स पी जैसे आज भी होगा आज का सिक्स पी साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेशल होता है तो आप सब शाम को छः बजे रहे मंडे टू संडे मेरी इस क्लास को जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो मेरी एन की क्लास देखेंगे अगर वो हिंदू की क्लास नहीं देख रहे हैं एक बार आप प्लीज़ द हिंदू की क्लास जरूर देखिएगा बड़ी मात्रा में बच्चे देख रहे हैं उसको हल्का मत लीजिएगा मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाता हूँ यूपीएससी में हिंदी मीडियम की तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या इंग्लिश मीडियम की तुलना में बहुत कम होती है यानी 10 से 15 परसेंट बच्चे ही हिंदी मीडियम के होते हैं बाकी के सारे बच्चे यानी इंग्लिश मीडियम के होते हैं दस से पंद्रह में यानी इंग्लिश मीडियम के भी होते हैं और रीजनल मीडियम के भी बच्चे होते हैं तो हिंदी मीडियम और रीजनल मीडियम के बच्चों के लिए और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी ये जो एडिटोरियल्स होते हैं ये वर्ड क्लास होते हैं आपको यूपीएससी की तैयारी में बहुत काम आते हैं तो आप मेरे साथ इसी चैनल पर शाम को छः बजे जुड़ सकते हैं तो अध्याय तीन खत्म हो गया हमने क्या क्या पढ़ लिया हमने ये पढ़ लिया सबसे पहले कि ब्रिटिश शासन का विस्तार हुआ ठीक है ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई फिर ब्रिटिश शासन का विस्तार हुआ फिर हमने पढ़ लिया कि ब्रिटिश ने अपने राज्य यानी शासन की स्थापना के बाद शासन को चलाने के लिए कौन कौन सी नीतियां अपनाई उनकी रेवेन्यू पॉलिसी हमने पढ़ ली अस्थाई बंदोबस्त महलवाड़ी रैयत वाली हमने पढ़ ली उसके अलावा उन्होंने व्यावसायिक फसलों का जो उत्पादन किया यूरोप के लिए उसका भी हमने एक अच्छा खासा रेफरेंस पढ़ा फिर हमने ये भी पढ़ा कि उनके विरुद्ध विद्रोह भी हो रहे थे जिसमें हमने अट्ठारह चौबीस का किट्टूर चन्म्मा विद्रोह पढ़ा था उसके साथ साथ हमने नील विद्रोह अट्ठारह में हुआ 1859 में हुआ उसको भी हमने पढ़ा था अब हम इस चैप्टर में उसी प्रकार के यानी जैसे किट्टूर चनम्मा विद्रोह हुआ था और जो नील विद्रोह हुआ था ऐसे ही यानी हम अब बड़े विद्रोहों की श्रृंखला पढ़ने जा रहे हैं जिससे हम क्या कहेंगे जनजातीय विद्रोह मेरे प्यारे बच्चों तो जनजातीय विद्रोह क्यों हुए तो सिंपल सी बात है जनजातियों की अपनी एक संस्कृति एक परंपरा होती जब बाहरी व्यक्ति जिन्हें वो दिकू कहते थे क्या कहते थे दिकु। दिकु, दिकु, दिकु। तो ये बाहरी व्यक्ति उसमें चाहे अंग्रेज हो चाहे हिंदुस्तानी हो तो जब दिकू लोग इनके उस क्षेत्र में जहां पर अपनी परंपरा अपनी संस्कृति के हिसाब से अपना जीवन यापन कर रहे हैं अगर ये दिकू लोग वहां पहुंचेंगे तो उनकी परंपरा संस्कृति उनकी बनी बनाई व्यवस्था में हस्तक्षेप होगा और जब उनकी व्यवस्था में हस्तक्षेप होगा वो विद्रोह करेंगे और जब वो विद्रोह करेंगे तो फिर उसी को हम जनजाति विद्रोह कहेंगे यही आप पढ़ने जा रहे हैं आई होप कि आपको यहाँ पर खूब मजा आए तो एक बार आप लोग चैप्टर को देखिए मैंने हमेशा से कहा है कि एक स्मार्ट बच्चा कौन होता है याद रखिएगा एक स्मार्ट बच्चा वो होता है जो मतलब किसी भी चीज से डरता नहीं एक स्मार्ट बच्चा वो होता है जो किसी भी चीज से डरता नहीं है ये ध्यान रखेगा क्लियर बच्चे वो किसी भी चीज से डरता नहीं है वो केवल और केवल क्या करता है यानी अपनी तैयारी को आगे बढ़ाता है और चैप्टर देखा तो डरेगा नहीं सोचेगा अच्छा आदिवासी दीकू स्वर्ण अच्छा हो जनजातीय विद्रोह तो बिना पढ़े कोई विद्रोह क्यों होगा आप उनको डिस्टर्ब करोगे तो विद्रोह होगा यानी एक शब्द में अगर आप कह सकते हैं जनजातीय विद्रोह क्यों हुए क्योंकि जनजातियों की परंपरा को डिस्टर्ब किया गया तो जब आप डिस्टर्ब किए तो आपके अगेंस्ट उन्होंने विद्रोह कर दिया सिंपल सी बात है छोटा चैप्टर है अब जैसे आपको क्या पढ़ने की जरूरत है क्या नहीं है अध्याय चार जनजातीय समूह कैसे रहते थे बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है ना औपनिवेशिक शासन हाँ, ने कैसे जनजातीय जीवन को प्रभावित किया ये इंपॉर्टेंट हो गया ठीक है तो ये सारी बातें हैं आइए चेक करते हैं अठारह में देखिए अठारह में डेट या एक प्रश्न यहां से रहता ही रहता है एक प्रश्न यहां से रहता ही रहता है याद रखिएगा किस में प्रीलिम्स में भी एक प्रश्न यहां से मेंस में, में खासकर ऑप्शनल में तो पक्का है और मे बी जीएस में भी पूछ लिया जाए जीएस वन अठारह में बिरसा मुंडा का जिक्र किया गया है झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांव में इन्होंने विद्रोह किया याद रखिएगा ठीक है ना क्लियर है और बिरसा ने खुद घोषणा की थी कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकु दीकू यानी बाहरी लोग पीटी में आ सकता है दीकू कौन थे तो जनजातीय क्षेत्र से बाहरी लोगों की गुलामी से आजाद करने के लिए भेजा है बिरसा को लोग भगवान मानते थे याद रखेगा और लोग मानते थे उनकी समस्या दूर करने आया है अठारह सौ पंचानवे मुंडा का विद्रोह तो कभी कभी डायरेक्ट ऐसे प्रश्न ना करके इनडायरेक्ट प्रश्न आते हैं बच्चे जरा ध्यान रखिएगा इनडायरेक्ट प्रश्न इनडायरेक्ट प्रश्न कैसे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोह में यह ऐलान कर दिया गया था कि उसके नेतृत्वकर्ता को भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकुओं की गुलामी से आजाद कराने के लिए भेजा लिख देगा बिरसा विद्रोह कोल विद्रोह मुंडा विद्रोह इनमें से कोई नहीं तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं इसलिए यहां मतलब इस चैप्टर को थोड़ा गहराई से आप पढ़िएगा याद रखिएगा बिरसा मुंडा जनजाति से संबंधित थे बताने की आवश्यकता नहीं है याद रखिएगा ठीक है ना तो और इन बिरसा के समर्थकों में केवल मुंडा ही लोग नहीं थे संथाल और उराव आदिवासी समूह भी थे याद रखिएगा और ये क्यों थे अंग्रेज शासन के कारण इनके आसपास जो भी इनकी जो परिचित जीवन पद्धति थी जो इनकी परिचित जो मैंने बताया वो वो खतरे में थी इनकी आजीविका खतरे में थी और इनका धर्म छिन्न भिन्न होने का खतरा था इसीलिए इन्होंने विद्रोह किया याद रखेगा ठीक है तो बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था जिन्हें दीकू कहा जा रहा था वे बाहरी लोग कौन थे ये सारी बातें बताई गई हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है याद रखिएगा ठीक है ना तो अब देखिए आदिवासियों की गतिविधियों के बारे में बताया गया तो वो झूम खेती करते थे झूम खेती के बारे में आपको पता है इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है ये प्रति साल में सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं याद रखेगा ठीक है ना घुमंतु किसान हुआ करते थे बताने की जरूरत नहीं तो कुछ खेती करते थे कुछ शिकारी और संग्राहक भी थे यानी आप ऐसा मान सकते हैं कुछ खेती करते थे कुछ शिकारी और संग्राहक थे अब ये देखिए यानी इस इस मैप में कुछ आदिवासी समुदायों के इलाके दिखाए गए हैं तो आप सामान्य ढंग से इसको स्क्रीन शॉट लेके देख सकते हैं कोई बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है याद रखेगा ठीक है ना और वही व्यवस्था हर जगह थी कि जब इनको जरूरत पड़ती थी ये सूदखोरों महाजनों से कर्ज लेते थे और उन और सूदखोर और महाजन इनसे ज़्यादा ब्याज वसूलते थे ये सारी व्यवस्था थी ठीक है ना तो यही सारी वो कुछ जानवर भी पालते थे तो ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं केवल हेडी कुछ लोग एक ही जगह पर खेती करते थे ऐसे भी लोग थे तो इसको भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है याद रखेगा ठीक है ना ये सारी बातें अब ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी पीटी फैक्ट के लिए भी मेंस में जीएस वन और जीएस टू सॉरी और ऑप्शनल दोनों के लिए किसके लिए मेरे प्यारे बच्चों जीएस वन और ऑप्शनल दोनों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा यहां पर किसके लिए जीएस वन और ऑप्शनल दोनों के लिए औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े अब आप देखिएगा यानी ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया अब फिर कहा गया आओ देखें कैसे बदला तो ये ये बच्चों एकदम मेंस के लिए ये सबके लिए है तो ये वाला ये अपने आप में क्वेश्चन समझिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए क्या क्या हो गया अंग्रेजों आदिवासी ठीक है अंग, अंग्रेजों के आने से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है ये मैं एक-एक चीज पढ़ा रहा समझिएगा अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण तो स्थान होता था यानी अंग्रेज नहीं थे तो जो आदिवासी मुखिया होते थे वो समझिए आदिवासियों का नेतृत्व करते थे लीडरशिप इन्हीं के हाथ में थी बस इतना आप समझिएगा और उनके ऑबियस जो लीडर होगा वो अपने आसपास के लोगों से ज्यादा ताकतवर होगा उनके पास आर्थिक ताकत अधिक होती थी और इलाकों पर उनका नियंत्रण होता था ठीक है ना याद रखिएगा कई जगह पर उनकी अपनी पुलिस होती थी और वो जमीन वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे यानी आदिवासी मुखियाओं का पूरा कंट्रोल था याद रखेगा लेकिन जैसे ही ब्रिटिश शासन आया आदिवासी मुखियाओं की ये सारी सत्ता चली गई यानी पहले जो आदिवासी मुखिया की ताकत थी अब वह नहीं रही वह वह अंग, अंग्रेजों के पास चली गई तो ये आदिवासी मुखिया क्या करेंगे हाथ पर हाथ रख के बैठेंगे तो नहीं ये विद्रोह करेंगे याद रखिएगा क्या करेंगे ये विद्रोह करेंगे याद रखिएगा ठीक है ना तो बस इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है ठीक है इसको भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है याद रखिएगा गुजरात के एक जंगल में खेती करती भील की औरतें ते यह भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं ठीक है ना ये आप ये सब आपको एक मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है आप एक कहानी बना सकते हैं जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको पढ़ा दिया ठीक है तो यह भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है याद रखेगा हाँ अब यहां से आएगा कि बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया यानी अंग्रेजों ने जो वन बन कानून बनाए उसका उन्होंने विरोध किया क्यों क्योंकि वन पर इनका परंपरागत अधिकार था वन पर इनका परंपरागत अधिकार था और वह अधिकार छिन गया तो ऑब्वियसली विरोध करेंगे तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा ठीक है ना और विद्रोह कर दिया और 1906 में जरा पॉइंट को याद रखिएगा सोंग्रम संगमा द्वारा असम में और उन्नीस के दशक में मध्य प्रांत में हुआ बन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे तो प्लीज याद रखिएगा असम में ये न्यू एनसीआरटी में ही है ओल्ड एनसीआरटी में नहीं है सोंगम सोंग्रम संगमा 1906 में असम में विद्रोह करते हैं तो ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये अभी तक आया नहीं है और यह नाम और यह विद्रोह आप सब इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट कर दीजिए यस यानी आप इस बात से एग्री करते हैं यह इसी एनसीआरटी में तो सोंग्रम संगमा का विद्रोह असम में हुआ आदिवासी विद्रोह था 1906 में हुआ याद रखिएगा और किस लिए हुआ अंग्रेजों के बन कानूनों के विरुद्ध हुआ है यह हमेशा याद रखिएगा नहीं पता चले अंग्रेजों के बन कानूनों के विरुद्ध हुआ इसी प्रकार का एक विद्रोह 1930 के मध्य में यानी 1935 के आत्पात मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश में आज के हुआ जिसमें पहले छत्तीसगढ़ भी शामिल था याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों तो ये सारी बातें हो गई फिर इसके बाद व्यापार की समस्या तो अब मैं, मैंने पहले बता दिया कि ये जनजातीय समूह जो उधार लेते थे सूदखोर और महाजनों से उनसे ज़्यादा वसूली की जाती थी तो उससे भी वो परेशान थे ये सारी बातें आपको यहाँ पर ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है ठीक है ना फिर इसके बाद काम की तलाश में जो जाते थे उनकी स्थिति और भी ख़राब हो जाती थी बिहार के कोयला में जो कोयला क्षेत्र में काम करते थे ठीक है ना तो ये सब बताया गया है नज़दीक ठीक है अब आता है शोषण होता था अठारह में कोल आदिवासियों ने विद्रोह किया तो पीटी के लिए याद रखेगा कोल आदिवासियों के विद्रोह की डेट ये डेट याद रखनी है क्योंकि पूछ लेता है जैसे देखिए एक तरफ विद्रोह लिख देगा और एक तरफ उनका समय लिख देगा जैसे लिख देगा कोल विद्रोह और उसके बाद समय लिख देगा 1831 से 32 जैसे नील विद्रोह लिख देगा अठारह समझ गए ना ऐसे ही अन्य सारे विद्रोह लिखेगा और पूछेगा कौन सा सुमेरित है ए बी सी डी तो आप अलर्ट रहे इस प्रकार की चीजों को पढ़ने के लिए तो एक हो गया फिर संथालों का विद्रोह अठारह सो में हुआ यह भी डेट याद रखेगा इसके अलावा बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ यह भी डेट आप याद रखिए 1940 में महाराष्ट्र में वरली विद्रोह हुआ यह भी याद रखिएगा तो आप देख सकते हैं डेट आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा याद रखिएगा अब बिरसा मुंडा के बारे में जानकारी है और चूंकि वर्तमान सरकार इनको लेकर के थोड़ा सा ज्यादा अलर्ट है यानी काफी कुछ आदिवासी समूहों को अपनी तरफ लाने के लिए रि, र, र, रिधाने के लिए काम हो रहा है तो थोड़ा सा बिरसा मुंडा के बारे में हमारा और आपका ज्यादा पढ़ना बनता है सेशन को लाइक जरूर कर देना बच्चे याद रखिएगा सेशन को लाइक जरूर करना है आप सब बच्चों को ध्यान रखिएगा तो आदिवासी दीकू और एक स्वर्णयुग की कल्पना बिरसा मुंडा बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ मेरे प्यारे बच्चों कब हुआ 1870 के दशक के मध्य में उनके पिता गरीब थे ये सारी बातें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है याद रखिएगा बिरसा के समुदाय के लोग हमेशा बात करते थे एक युग आएगा तो ये पीटी का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जनजातीय विद्रोह के लोग ये कहा करते थे कि एक युग आएगा अगर वह विद्रोह में जीतते हैं तो विरसा याद रखिएगा और यह युग कैसे होगा दिकू यानी जो बाहरी लोग हैं उनसे आजाद क्षेत्र होगा तभी उन्होंने उसको युग कहा तो दिकू तो जो बिरसा विद्रोही सॉरी जो Uh, मुंडा विद्रोही थे उनका स्वर्णयुग क्या था यानी दिकू यानी जो बाहरी लोग थे उनसे स्वतंत्र सत्ता उनकी अपनी स्थापित होगी और इस समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे जो अंग्रेजों ने वन कानून के नाम से अपने हाथ में ले लिए हैं ये याद रखिएगा तो बस आपको इससे ज्यादा इसमें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है ठीक है ना तो बस हो गया ठीक है बाद में बिरसा ने बैशो धर्म अपनाया और उसका प्रचार प्रसार भी किया जनेऊ भी धारण किया तो ये पीटी का क्वेश्चन है जरा सतर्क रहिएगा यानी बिरसा ने वैष्णव धर्म अपनाया याद रखेगा ठीक है ना तो ये सारी बातें हैं और उसने उस समय बिरसा ने आधुनिकता की बात करी मुंडाओं से यानी मुंडा आदिवासियों से आह्वान किया कि वो शराब पीना छोड़ दें गाँव को साफ रखें डायन व जादू टोने में अंधविश्वास में विश्वास ना करें तो ये कहीं ना कहीं जो है ये सब पॉइंट यानी एक सुधारवादी के रूप में आप उनको याद करिएगा और इन पर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आ सकता है याद रखिएगा तो बस अब आपको और इसमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी ऐसा नहीं है अठारह में इनको यानी गिरफ्तार कर दिया और दो साल की सजा सुनाई गई अठारह में फिर से जेल से लौट करके कर आए और यानी दिक्कुओं और यूरोपियों को बाहर निकालने का आह्वान किया और इनके लिए रावणों शब्द का इस्तेमाल किया यानी रावण कौन होंगे गया और यूरोपी जानी तो आप देख सकते हैं उन्नीस में बिरसा की हैजे से हैजे नामक बीमारी से ये सब भी पीटी का क्वेश्चन खासकर स्टेट पीएससीज में हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया लेकिन दो चीजों की दृष्टि से जो पीटी में पूछेगा यह आंदोलन महत्वपूर्ण था पहला इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा ना कर सकें दूसरा इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। तो आप देख सकते हैं यह चैप्टर खत्म होता है फिर छोटा सा एक विज्ञापन यानी मंडे टू संडे 6 पीएम मेरे प्यारे बच्चों इंडिया के तीन सबसे अच्छे अखबार द हिंदू बिजनेस लाइन ये बच्चों हिंदू से अलग अखबार हिंदू का ही होता है बट हिंदू से अलग होता है ये केवल ऑनलाइन आता है ऑफलाइन नहीं आता है और उसके बाद द हिंदू अखबार जो आप सब जानते हैं और द इंडियन एक्सप्रेस इन तीनों के जो सबसे बेहतरीन एडिटोरियल्स होते हैं उन सभी एडिटोरियल्स का मैं आई क्यू आई पी यानी इंटरलिंकिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम कराता हूँ इसका मतलब होता है कि आपके प्रिलिम्स और मेन्स के सिलेबस के साथ यानी हम इसको कनेक्ट करते हैं प्रीवियस प्रीवियसियस क्वेश्चन के साथ फिर फिलिम्स में क्या इम्पॉर्टेंट वो बताते हैं और एक मुद्दे का प्रतिदिन डीप कॉन्सेप्ट टॉक करते हैं और मंडे टू संडे 6 पीएम आपको प्रतिदिन शब्दावलियां मिलती हैं ऐसे यानी मेरा लेक्चर स्टार्टिंग यहीं से होता है यानी प्रतिदिन आपको आपका शब्द बड़ा करने के लिए शब्दावलियां मिलती हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ेंगे और मंडे टू संडे मेरे साथ अवश्य जुड़ेंगे आज शाम को छः बजे भी यानी संडे को द हिंदू एडिटोरियल नहीं आता है उस दिन साइंस पे आता है साइंस पे किस पर विज्ञान पर आता है ध्यान रखिएगा तो आप वो कर सकते हैं आज हम पढ़ेंगे बी बिल रीड टूडे पांचवा चैप्टर यानी अट्ठारह जब जनता बगावत करती अट्ठारह और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर फाइव देख सकते हैं आप कहाँ पहुंच गए हम लोग धीरे धीरे अपनी यात्रा में हम लोग चैप्टर नंबर फाइव पर पहुंच गए हैं तो आप लोग भी यानी दस सेकंड आप इसके बारे में विचार करिए कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं और जिन बच्चों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए सेशन को फिर से लाइक जरूर कर दें मेरे प्यारे बच्चों कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि भूख लगी कोई बात नहीं बच्चे एक घंटे की क्लास और है एक घंटा बस और आप हिम्मत बांधे रखिए यानी हम पाँच घंटे में जितने भी चैप्टर हो पाएंगे करेंगे उसके बाद अगली क्लास में यानी अगले दिन करेंगे ध्यान रखिएगा लेकिन रात को आज आठ बजे सभी बच्चों को ध्यान रखना है यानी सभी बच्चों को ध्यान रखना है आज रात को आठ बजे हम लोग क्या करेंगे एक बार कमेंट करके बताइए सारे रात को आठ बजे क्या करने वाले हैं फटाफट कमेंट करके बता दीजिए चलिए रात को आठ बजे क्या करने वाले हैं फटाफट कमेंट करके बताइए रात को आठ बजे क्या करने वाले हैं चलिए तो आज हम लोग रात को आठ बजे क्या करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों चलिए बताइए फटाफट कमेंट करिए कमेंट करिए कमेंट करिए मैं देख सकता हूं रात को आठ बजे क्या होने वाला है एक बार पहले फिर उसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे यस सबका आ गया तो सबको रहना है सबको रहना है और जो बच्चे सेवेंथ क्लास की एनसीआर का टेस्ट सॉरी सिक्स क्लास की एनसीईआरटी का टेस्ट मिस कर गए थे आज की क्लास में उनको सिक्स क्लास की एनसीईआरटी का लिंक दे दूंगा स्पेशल पे होता है शाम को ठीक है तो जो पिछले हफ्ते मैंने क्लास सिक्स की एनसीईआरटी का टेस्ट लिया जो बच्चे उसको नहीं देखे हैं उन बच्चों को मैं यानी क्या करूंगा ध्यान रखेगा उनको सिक्स क्लास की एनसीईआरटी का लिंक दे दूंगा आज की क्लास में तो सिक्स क्लास के एनसीआर का हो जाएगा सेवन क्लास की और फिर एर्थ क्लास की एनसीआरटी तो जैसे आज मान लीजिए हमारा एर्थ क्लास के एनसीआरटी में पांच ही चैप्टर होता है या छह चैप्टर हो जाता है क्योंकि स्पीड से भागेंगे नहीं स्पीड से भागेंगे तो फिर आप पास नहीं हो पाएंगे तो जैसे आधा आज हो जाएगा आधा जो है अगले सप्ताह हो जाएगा इसमें दिक्कत क्या या किसी दिन बीच में मौका मिला किसी दिन बीच में उठा करके कर दूंगा या कल ही कर दूंगा अगर आप सब रेडी रहेंगे तो जो चैप्टर बचे होंगे उसको कल कर लेंगे क्या दिक्कत है सुबह सुबह फिर सात बजे क्या कहते हैं जैसे बच्चे इसमें हो सकता है कि हम लोग आज पांच चैप्टर तक ही कर पाए तो क्या कल सुबह पांच चैप्टर ना कर लिया जाए तो ऑब्वियस है आज कल मिलाकर के परसों मिला करके ये एनसीआरटी खत्म इस महीने आठवीं खत्म अगले महीने नौवीं खत्म दसवीं खत्म ग्यारहवीं बारहवीं खत्म ठीक है तो ये तो अपने ऊपर होता है हमारी और आपकी प्लानिंग के ऊपर होता है तो हमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए और अपना काम दबा के करना चाहिए ऑनेस्टी के साथ तो मुझे लगता है कि हम लोग अपना काम कर ले जाएंगे ध्यान रखेंगे मजा आया बच्चे तो चलो जब जनता बगावत करती है अठारह ठीक है अठारह का विद्रोह याद रखिएगा जब जनता बगावत करती है हम क्या पढ़ने जा रहे हैं नीतियां और लोग ठीक है लोगों की नजरों से एक विद्रोह एक लोकप्रिय विद्रोह बन गया कंपनी वापस लड़ती है और यानी अठारह का विद्रोह पढ़ने जा रहे हैं याद रखेगा है। और इसमें हम एनसीआरटी के हिसाब से ही पढ़ेंगे याद रखेगा देखिए इसकी पृष्ठभूमि यानी यहां पर इसका बैकग्राउंड पूरा का पूरा आपका दिया गया है क्या दिया गया पृष्ठभूमि यानी यह कहा गया कि जो पिछले अध्याय आपने पढ़े उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा क्या पढ़ा है याद रखेगा यानी आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर पढ़ा है और जनता पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ा तो ऑब्वियस अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का जनता पर गहरा इंपैक्ट होगा तो आंदोलन तो होगा ही होगा इन नीतियों से राजाओं को नुकसान हुआ रानियों को नुकसान हुआ किसानों को नुकसान हुआ जमींदारों को नुकसान हुआ आदिवासियों को नुकसान हुआ सिपाहियों को नुकसान हुआ इन सब पर अलग पड़ा मतलब सॉरी इन सब पर असर पड़ा ठीक है ना और हम पीछे यह पढ़ चुके हैं कि जब भी इस प्रकार लोगों की भावनाओं पर इंपैक्ट पड़ता है तो विद्रोह होता है तो सिंपल है क्योंकि सब पर इंपैक्ट था तो अठारह में सभी लोगों ने अपने अपने स्तर पर विद्रोह किया याद रखिएगा ठीक है ना तो ज, अब हम यहां पढ़ने जा रहे हैं याद रखिएगा यानी जब जनता बगावत करती अठारह सो सत्तावन का विद्रोह तो यहां पर क्या बताया गया है यानी वही आप सबको भी पीछे पढ़ाया गया कि यानी जितने भी अठारहवीं शताब्दी के मध्य से यानी सत्रह सो सत्तावन प्लास्टिक युद्ध के, के बाद से ही ज, जैसे जैसे अंग्रेजों का नियंत्रण होता गया भारतीय क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने क्या किया राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म हो जा रहे थे बहुत सारे दरबारों में अंग्रेजों ने क्या किया रेजिडेंट तैनात कर दिए स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घट रही थी चूंकि रेजिडेंट ही सारा काम कर रहे थे ठीक है उनकी सेनाओं को सहायक संधि के बाद भंग कर दिया गया उनके राजस्व वसूली के अधिकार व क्षेत्र छीने जा रहे थे तो क्या होगा तो बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की ऐसा नहीं था कि उन्होंने सीधे युद्ध कर दिया उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि उनके, की के बाद उनके गोद लिए बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वही पेंशन उन्हें भी मिलने लगे लेकिन उनको भी नहीं मिली तो आप याद रखिएगा ये जो विद्रोह हुए हैं ये ब्रिटिश नीतियों का परिणाम थे पॉइंट को समझिएगा ये जो विद्रोह हुए हैं ये विद्रोह ब्रिटिश नीतियों का सीधा सीधा परिणाम थे क्योंकि झांसी की रानी हो ना, नाना साहब हो इन लोगों ने क्या किया कि अपनी स्थिति को बचाना चाह लेकिन जब नहीं बची तो उन्होंने युद्ध किया और इसके लिए जिम्मेदार कौन था अंग्रेज स्वयं थे क्यों क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि अंग्रेज अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर थे उन्होंने इनके निवेदनों को ठुकरा दिया और इसका परिणाम आप सबको पता है कि इनको गंभीर रूप से भुगतना पड़ा याद रखिएगा ठीक है अवध की रियासत के बारे में यहां पर कहा गया है कि 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और अठारह में अंग्रेजों ने उस पर उसे अपने कब्जे में लिया तो आप सबको पता है कुशासन के आरोप में इसे लिया गया लॉर्ड डलहोजी ने लिया ये सारी बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूं गवर्नर जनरल डलहौजी ने बताया था वो मैंने आपको बताई दिया बताने की जरूरत नहीं है याद रखेगा ठीक है ना अब इसके बाद क्या हुआ अगली चीज क्या हुई इसके काल में कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया अब आप ये भी देख सकते हैं अठारह में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा अब आप देख सकते हैं अठारह में यानी जब अठारह यानी लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल बन करके आता है अठारह में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया तो क्या फैसला किया अठारह में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे तब आप देख सकते हैं यानी यह भी याद रखिएगा निम्नलिखित में से किसने यह घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा ए बी सी डी आप कहिएगा लॉर्ड डलहौजी दूसरा अब देखिएगा निम्नलिखित में से किसके काल में हुआ कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे तो उसमें आप मार दीजिएगा लॉर्ड कैनिंग कंफ्यूज मत होइएगा यहां पर पीटी का फैक्ट छुपा हुआ है याद रखिएगा यानी ये कहा गया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को अब राजा नहीं माना जाएगा याद रखिएगा उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी तो ये हो रहा था यानी कि मतलब यहाँ सबसे पहले बैकग्राउंड बताया जा 1857 रहा है कि अठारह का विद्रोह क्यों हो रहा है तो अठारह का विद्रोह क्यों हो रहा है यानी ब्रिटिश नीतियों के कारण ठीक है ना इन नीतियों से राजा भी परेशान रानी भी परेशान किसान भी परेशान जमींदार भी परेशान आदिवासी भी परेशान सिपाही भी परेशान तो 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 ही विद्रोह होगा अब नवाबों की सत्ता छिन रही थी पहला पॉइंट यहां पर हम लोगों ने यानी जिक्र किया ठीक है ना फिर उसके बाद अब आते हैं किसान और सिपाही तो गांव में किसान बेचारे दुखी थे ठीक है ना और जमींदार भी दुखी थे क्योंकि किसानों को राजस्व देना पड़ता था और जमींदारों को जबरदस्ती ज्यादा राजस्व वसूलना पड़ता था तो ये दोनों भी दुखी थे याद रखिएगा यानी इनके ऊपर भारी भरकम लगान और कर वसूली का दायित्व था किसानों के ऊपर भारी भरकम लगान था जमींदारों के ऊपर कर वसूली का सख्त दायित्व था आप देख सकते हैं तो ये सारी थी कम, फिर इसके बाद कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाही भी असंतोष का शिकार थे क्यों उनको अपने वेतन अपने भत्तों और सेवा शर्तों को लेकर के अंग्रेजों से शिकायत थी इसके अलावा कई नए नियम बनाए गए जिससे सैनिकों की धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस ठेस पहुंचा कैसे पहुंचा वो भी बताया गया है यानी भारतीय समुद्र पार नहीं जाते थे अगर कोई भी समुद्र पार करता था तो उसको जाति बहिष्कृत ठीक है बच्चों यानी भारतीयों को क्या माना जाता था जाति बहिष्कृत मान लिया जाता था अगर वो समुद्र पार करते थे 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते इनकार कर दियाज नहीं था हालांकि उन्हें सख्त सजा मिली अभी यह मुद्दा खत्म नहीं हुआ था इसलिए 1856 में कंपनी ने एक नया कानून बना दिया गया धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम इस कानून में र... रिलीजियस डिसिटी एक्ट इस कानून में साफ कहा गया था अठारह के कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है तो इस अठारह के कानून के कारण भी सैनिक दुखी थे याद रखेगा सिपाही गांव के हालात से परेशान थे आखिर वो थे किसी न किसी किसान परिवार से ही जो कर के राजस्व के बोझ से दबा हुआ था बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे वे अपने परिवार और गांव को छोड़कर आए थे लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया तो ये सारी बातें हैं ठीक है ना इसके अलावा और क्या था सुधारों पर प्रतिक्रिया यानी अंग्रेज जो सुधार कर रहे थे वो वो भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा था याद रखिएगा जैसे अंग्रेजों को ये लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए हालाँकि कानून अच्छे थे लेकिन इससे जो उस समय के भारतीय थे उनको यह लगा कि हमारे परंपरागत मामलों में यह क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं इसके अलावा अंग्रेजी भाषा में शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया इससे भी लोग दुखी थे 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर धर्म का प्रचार प्रसार करने का की छूट दी याद रखेगा यानी खुलकर वैसे तो 1813 के चार्टर एक्ट में ही ईसाई मिशनियों को भारत में आने ईसाई मिशनरियों को भारत में आने और अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने की छूट दी गई लेकिन मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा 1830 के बाद उनको खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी गई 1850 में एक कानून आया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया इस कानून में क्या प्रावधान था जिसके कारण इसे अपनाना आसान हुआ कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरुखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा यानी अगर आप आप सिकंदर से या आप सुनील से सु, क्या हो जाए यानी आप सुनील क्रिस्टोफर हो जाए ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएगा याद रखेगा आपकी संपत्ति पर यानी मेरा मेरी पैतृक संपत्ति पर अधिकार वैसे ही बना रहेगा तो ऐसे में भारतीयों को इस बात का यकीन हो गया कि ये जो अंग्रेज है उनके धर्म को उनके सामाजिक रीति रिवाज को उनके परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं तो अब यह सिर्फ प्रतिक्रिया तो होनी ही थी याद रखेगा ठीक है ना तो ये आप हो गया ये सब चौरासी नियमों की सूची ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है याद रखेगा ठीक है तो ये भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है याद रखेगा सीताराम पांडे संस्मरण ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं ध्यान रखेगी ठीक है।, है ना ये सब आप बिल्कुल न पढ़े सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया अब आप देख सकते हैं यानी अठारह में एक ऐसी स्थिति बनी वही सब बताया गया है और एक अंग मतलब सत्रह में यानी आप देखिए क्या कभी कभी आप देखिए डेट कितनी महत्वपूर्ण होते सत्रह में प्लासी के युद्ध से प्लासी के युद्ध से ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी मैं ब्रिटिश शासन लिख रहा हूँ ब्रिटिश शासन की न्यू पड़ी और ठीक सौ वर्ष के बाद 100 वर्ष के बाद आप देखेंगे यानी इस न्यू को अठारह के विद्रोह से एक बहुत बड़ा झटका भी मिला तो यार देखिए केवल सत्रह तो सत्तावन तो से अठारह यानी सीधा सौ वर्ष के बाद देखिए इतिहास में डेट कितनी महत्वपूर्ण और हम आजाद भी हुए मेरे प्यारे बच्चों तो हम उन्नीस में आजाद हुए आप देखिए सात का कितना इंपॉर्टेंस है कभी आपने ऐसे सोचा सत्रह में उनकी सत्ता स्थापित होती है अठारह में सबसे पहला विद्रोह होता है और उन्नीस में हम आजाद हो जाते हैं और दो में हम आजादी का अमृत काल मनाने जा रहे हैं वो भी सात 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 यानी सात की संख्या हिंदुस्तान के लिए लकी है ऐसा भी आप मान सकते हैं ज्योतिष के हिसाब से अगर आप देखे तो है लकी है कि नहीं लकी बच्चे इस हिसाब से भी आप एनालिसिस कर सकते हैं क्लियर है कि नहीं कभी कभी ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी लगेगा कि सर बच्चों वाला काम कर रहे हैं ठीक है क्लियर है बच्चा लो ठीक है मजा आया मजा आ रहा कि नहीं सेशन को लाइक तुरंत करते चलिएगा जो भी बाद में भी देखेंगे अब जैसे पिछला एनसीआरटी का लेक्चर लगभग पचपन हजार बच्चे देख चुके हैं जो पिछले संडे को लिया था लेकिन लाइक कितना है लगभग चार हजार साढ़े चार हजार तो मेरा ये कहना है कि जब आप लेक्चर देखते हैं और अगर आप सबको आनंद मिलता है तो लाइक करने में क्या जा रहा है ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए ठीक है तो मेरे प्यारे बच्चों अठारह में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई और दस मई अठारह सत... मई अठारह में यानी मेरठ से अठारह का विद्रोह सैनिकों ने शुरू किया और फिर यानी यह पूरे देश में फैल गया याद रखिएगा ठीक है क्लियर है बच्चे वो सारी बातें हैं जो आपको बताने की मेरठ से दिल्ली तक यानी 8 अप्रैल अठारह को युवा सिपाही मंगल पांडे युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया उसके बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया गया क्योंकि इन सिपाहियों को लगता था कि उन पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया गाय के नाम पर हिंदू नाराज और सुअर की चर्बी के नाम पर मुस्लिम नाराज तो आप देख सकते हैं यानी इनके खिलाफ़ सैनिकों ने विद्रोह किया और पचासी सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया और उन्हें 10 10 साल की सजा दी गई यह 9 मई अठारह की बात है लेकिन विद्रोह की शुरुआत होगी 10 मई तब क्या हो जाएगा जब ऐसी घटना हुई तो 10 मई को मेरठ के सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां सिपाहियों को आजाद करा लिया मेरे प्यारे बच्चों और अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार डाला ठीक है तो बस यहीं से आंदोलन आपका शुरू हुआ और आप सबको यह सारी कहानी पता यानी आंदोलन यहां से स्टार्ट हुआ और आप सबको सारी कहानी पता है इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है याद रखेगा और उन्होंने फिरंगियों के ख़िलाफ़ युद्ध का ऐलान कर दिया और सिपाही पूरे देश में अंग्रेज़ों के शासन को ख़त्म करने पर आमादा थे याद रखेगा और लेकिन सवाल ये था कि अगर अंग्रेज चले गए तो शासन कौन संभालेगा तो वे मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को देश का शासन सौंपना चाहते थे अब यहां पर जैसे ही ये पंक्ति आती है तो यही यूपीएससी एंट्री मारती है और ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछती है जो जीएस के बच्चों को भी जानना चाहिए ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछता है क्या पूछता है कि अठारह का विद्रोह अठारह का विद्रोह अग्रगामी था अग्रगामी था या पश्चगामी अब देखिए पश्चगामी यानी यानी फॉरवर्ड था आगे का सोच रहा था या बैकवर्ड था यानी पीछे का सोच रहा था पश्चगामी था टिप्पणी करने को आपसे बोला था टिप्पणी कीजिए तो अब देखिए यही था यानी फिरंगियों ने फिरंगी सॉरी फिरंगियों के विरुद्ध अठारह के सिपाहियों ने विद्रोह का ऐलान तो कर दिया लेकिन अपने शासक के रूप में उन सभी लोगों ने यानी चाहे सिपाही या हो या सिपाहियों को सहयोग करते हुए अन्य भारत के जमींदार या अन्य विद्रोही उन्होंने अपना शासक माना मुगल सम्राट बहादुर शाह को तो इसका मतलब इतिहासकार कहते हैं कि यह पश्चगामी था यानी क्या कहते हैं पश्चगामी था पश्चगामी का मतलब पुनः या भारत को सामंती शासन व्यवस्था में ही ले जाना चाह रहा था यानी अगर मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर इसका शासक होता तो क्या परिवर्तन की आप उम्मीद कर सकते थे किसी भी परिवर्तन की उम्मीद नहीं कर सकते थे अग्रगामी था यानी अग्रगामी ये था कि मुगल सम्राट सांकेतिक शासक था यानी एक रेजि एक समूह बनाया गया था जिसमें यानी खान बहादुर खान और ऐसे ही बहुत से लोग थे याद रखिएगा तो ये रेजेंसी मिल करके भविष्य में बेहतर व्यवस्था को आगे बढ़ा सकती थी तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है याद रखिएगा तो 10 मई की रात को विद्रोह शुरू हो गया दिल्ली आ गए याद रखिएगा और वो सारी कहानी बताई गई है तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है बूढ़े बादशाह को उन्होंने अपना नेतृत्व सौंपा ठीक है ना तो ये सारी बातें हैं और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आपको ये भी जानना कि आखिर मुग़ल बादशाह को क्यों उन्होंने जिससे अब ब्रिटिशर्स भी राजा नहीं मानते थे लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा कर दी थी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यानि बहादुर शाह जफ़र के बाद कोई भी यानी राजा नहीं कहा जाएगा सम्राट नहीं कहा जाएगा तो ऐसा क्यों जो है सिपाहियों ने ऐसा क्यों माना कि बहादुर शाह जफ़र को राजा बनाया जाए तो है उस समय तक बहादुर शाह जफर के समय तक पूरे देश में यह भावना तो की मुगल शासक थे तो उसी भावना के कारण और अगर मुगल शासक को शासक बना दिया जाता तो स्वाभाविक है यानी देश में एक एकता की शुरुआत तो हो जाती इसीलिए इसको अग्रगामी भी कहा जाता है तो वही सारी बातें बताने की जरूरत नहीं है इसको क्यों दिया गया फिर इसके बाद दिल्ली से बगावत यानी मेरठ मेरठ से दिल्ली मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया मेरठ मेरठ से दिल्ली और फिर दिल्ली से आगे की कहानी आप देख सकते हैं याद रखेगा यानी दिल्ली से आगे कहानी इसकी कहां बढ़ती है कानपुर व लखनऊ में मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा ठीक है ना तो ये सारी बातें हैं ठीक है ना लखनऊ में क्या हुआ था बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया क्यों किया क्योंकि नवाब वाजिद अली शाह के बेटे ब्रजिश कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया याद रखिएगा यानी क्योंकि किसी भी तरीके से यानी ब्रिटिशर्स अब लखनऊ की सत्ता अपने हाथ में रखना चाहते थे लेकिन यहाँ विद्रोह हो गया और लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे ब्रजिश कद्र को यानी लखनऊ का नया नवाब घोषित किया गया और बेगम हजरत महल ने उनको नेतृत्व किया बिरजिश कद्र ने इसका नाम याद रख लीजिएगा बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहों को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तो इसको आप याद रखिएगा झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के बारे में है ठीक है उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी याद रखेगा इसके अलावा मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने भी यानी अपनी फौज तैयार की और बिरसों पर नियंत्रण किया तो इनका नाम इसी एनसीआर में और किसी एन में नहीं है तो इनका नाम पीटी के लिए आप याद कर लीजिएगा नेतृत्वकर्ताओं पर कोई प्रश्न पूछ लिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी याद रखिएगा ठीक है ना और विद्रोही बहुत बड़ी संख्या में थे उनके मुकाबले अंग्रेजों की संख्या कम थी और ऐसा लगा यानी याद रखिएगा जो भारतीय थे उन लोगों को लगा कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है और आप देख सकते हैं इसके कारण से अवध के इलाके में बगावत बहुत व्यापक स्तर पर फैली याद रखेगा 6 अगस्त अट्ठारह को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था तो ये सब हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बस ठीक है ना और बहुत सारे लीडर हमारे सामने आए तो कौन कौन से लीडर सामने आए ये पीटी के लिए यानी प्रिलिम्स टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण होता है याद रखेगा तो फैजाबाद में आए मौलवी अहमदुल्ला शाह तो ये सुमेलित करने को आता है यानी एक तरफ लिख देगा विद्रोही और एक तरफ लिख देगा उनका स्थान तो विद्रोही का नाम लिखेगा जैसे मौलवी अहमदुल्ला शाह लिख देगा अयोध्या आज का वैसे तो विद्रोही फिर, फिर स्थान कौन सुमेलित है ए कौन सुमेलित है बी समझ गए ना तो इस हिसाब से याद रखेगा तो फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला ने घोषणा कर दी कि अंग्रेज़ों का शासन जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा याद रखेगा और एक बड़ी सेना उन्होंने जुटाई अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए लखनऊ जा पहुंचे याद रखेगा और दिल्ली में अगर दि... ये सारी फिर दूसरे नेतृत्वकर्ता बरेली के आए यानी जिनका मैंने खान के नाम से जिक्र किया था बरेली के यानि बख्त खान ने इन्होंने भी दिल्ली आए और जो है इन्होंने भी यानी बहादुर शाह में ही अपना विश्वास व्यक्त किया बिहार में आप देख सकते हैं पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया याद रखिएगा तो आप देख सकते हैं यानी नेता और कहाँ पर उनका स्थान था इसको आपको ज़रूर पढ़ना है याद रखिएगा ठीक है लेकिन कंपनी का पलटवार भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है यानी कंपनी ने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों कंपनी ने पलटवार कर दिया क्या कर दिया कंपनी ने पलटवार किया है यानी अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी और विद्रोह को कं, कंट्रोल करने का फैसला लिया इं, इंग्लैंड से भाई ताकतवर लोग थे इंग्लैंड से फौजें और मंगवाई गई ठीक है ना नए कानून बनाए गए और सितंबर अट्ठारह में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई याद रखिएगा ठीक है अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई उनके बेटों को मैंने अभी बनाया था कर्नल हटसन ने उनकी आंखों के सामने गोली मार दी बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर अठारह में रंगून जेल भेज दिया गया ये याद रखिएगा इसी जेल में अठारह में बहादुर शाह जफर ने अंतिम साथ ली तो ये हो गया कंपनी का पलटवार याद रखिएगा ठीक है ना अब मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि जैसे होता क्या है कि अंग्रेज इतनी आसानी से जीत क्यों गए अंग्रेज इतनी आसानी से जीत क्यों गए तो दो पॉइंट आपको अपने दिमाग में हमेशा एक अच्छे महत्वपूर्ण रूप से रखना होता है तो अंग्रेज जीते क्यों तो अंग्रेज मेरे प्यारे बच्चों केवल और केवल इसलिए जीते क्योंकि भारतीयों के पास जो लीडरशिप थी वो केवल प्रथम पंक्ति का नेतृत्व था फर्स्ट यानी कि जैसे नेतृत्व होता ना कि पहली झांसी की रानी के बाद भी कोई और सेकंड लीडरशिप होनी चाहिए थी उसके बाद भी कोई थर्ड लीडरशिप होनी थी लेकिन ऐसा नहीं था भारत के विद्रोही जिन्होंने भी, ने भी नेतृत्व किया वो चाहे बक्त खान हो चाहे मौलवी दुल्ला हो चाहे जो भी हो उनके बाद कोई नहीं था और अंग्रेजों के पास क्या था उनकी पहली लाइन हार गई तो उन्होंने अपनी सेकेंड लाइन लीडरशिप की सामने रख दी और उनके पास थर्ड लाइन भी थी लीडरशिप की तो इसका मतलब है लीडरशिप का संकट था हिंदुस्तान में प्रथम पंक्ति में तो अच्छे नेतृत्व करता थे उन्होंने युद्ध लड़ा अंग्रेजों के दांत इकट्ठे कर दिए लेकिन द्वितीय पंक्ति कोई नहीं थी इनके मरने के बाद या इनके घायल होने के पश्चात यानी सेकेंड लाइन नहीं थी और अंग्रेजों का इसीलिए आसानी के साथ नियंत्रण हो गया तो ये फैक्ट ये भी आप अपने दिमाग में रखिएगा अब फिर यहां पर यह बताया गया कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और फिर विद्रोह बिल्कुल से शांत हो गया छिटपुट विद्रोह उन्नीस तक यानी जब तक इन्होंने भारत का शासन छोड़ा नहीं तब तक चलते रहे मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा ठीक है सितंबर सत्रह में यहां पर लिखा गया कि दिल्ली पर कब्जा हो गया तो ये भी क्वेश्चन आता है कि यानी कंपनी ने अठारह के विद्रोह को कुचला तो उसके अनुसार सबसे पहले नंबर वन किस क्षेत्र को अपने अधीन किया नंबर दो किस क्षेत्र को अपने अधीन किया नंबर तीन तो आप ऐसे इसका भी तो सबसे पहले यानी दिल्ली पर किया गया सितंबर अठारह में फिर इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्च कहा गया भाई हाँ मार्च अठारह में लखनऊ पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया जून अठारह में रानी लक्ष्मी भाई यानी झांसी पर कंट्रोल हो गया उनकी मृत्यु हो गई और ठीक है ना उसके बाद रानी अवंतीबाई लो, लोधी को भी मारा गया ठीक है ना तो ये सारी बातें हो गई याद रखे अब इसके बाद तात्या टोपे के बारे में भी प्रश्न पूछता पूछा जाता है मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से युद्ध चलाते रहे यानी ये इनको पकड़ा नहीं जा सका लेकिन ठीक है ना याद रखिएगा तो ये सारी बातें हैं ठीक है बस बताने की जरूरत नहीं तो ये इतना आपको पढ़ना था याद रखिएगा अब आता है विद्रोह के बाद के साल यानी अठारह के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अठारह के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था लेकिन अब वह पहली वाली नीतियों के सहारे नहीं चल सकते थे यानी जो हमारी अगली क्लास होगी ध्यान रखिएगा अभी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं जो हमारी अगली क्लास होगी वो बहुत ज्यादा से वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी अगली क्लास का मतलब कि जो हम लोग यानी इस क्यों क्योंकि अट्ठारह तक हमने एक इतिहास पढ़ा अठारह के बाद अठारह यानी हमने पढ़ा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से लेकर के कहां तक 1857 यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन तक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन तक हमने पढ़ लिया अब इसके बाद अठारह यानी अब ब्रिटिश शासन प्रत्यक्ष रूप से यानी भारत पर शासन करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो जाएगी अठारह से उन्नीस सौ ये हम अपनी अगली क्लास में करेंगे तो ये और भी इंपॉर्टेंट होगा ध्यान रखिएगा क्योंकि उसमें भारत में राष्ट्रवाद का उदय उसके साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन और उसके विभिन्न चरण भारत की आज़ादी यानी इसके बाद की अगली क्लास इस क्लास से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमेशा दिमाग में रखिएगा तो आइए देखें विद्रोह के बाद के साल क्या हुआ अंग्रेजों ने अठारह के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया लेकिन अब उन्होंने नीतियों को बदला क्या क्या नीति बदली ये आपको याद रखना है यानी अट्ठारह के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने क्या नीतिगत परिवर्तन किए वो एक बार हम लोग यहां पर पढ़ सकते हैं पहला ब्रिटिश संसद ने अठारह में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया उसके सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके अब आप देख सकते हैं तो पहला परिवर्तन ये बहुत अच्छे से किया गया छोटे छोटे पॉइंट में अगर हम बांट लें तो ये जो एक दो है वो बहुत बढ़िया फिर इसके बाद यहीं पर अगर हम देखें दूसरा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को यानी जो ब्रिटेन का सांसद होगा जो मंत्री ब्रिटेन में होगा तो उस भारत मंत्री के रूप में नियुक्ति यानी ब्रिटेन में एक भारत मंत्री का पद बनाया गया जैसे हम पढ़ते ना परिवहन एवं राज्य मंत्री परिवहन एवं कल्याण मंत्री तो ऐसे ही हम पढ़ रहे भारत मंत्री तो ये हो गया और यह भारत मंत्री ऑबियत था कि वह भारत के शासन से संबंधित मामलों का काम देखेगा याद रखेगा और इस भारत मंत्री को सलाह देने के लिए एक काउंसिल का गठन किया गया एक परिषद बनाया गया जिसका नाम था इंडिया काउंसिल इसको बेटा एक एक लाइन रखना है यह बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया काउंसिल कहा गया मेरे प्यारे बच्चों और भारत के गवर्नर जनरल को अगला फैक्ट भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय अब कहा जाने लगा याद रखिएगा, ठीक है ना और यह जो वायसराय था इसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया ऐसी ऐसी पंक्तियां देख रहे हैं यानी उनका निजी प्रतिनिधि है वो वायसराय। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली यानी अठारह से प्रत्यक्ष हो गया अठारह के पहले अप्रत्यक्ष था ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से था 1858 के पहले इस सुधार के पहले अठारह में जो एक नया कानून लाया गया महारानी की घोषणा के माध्यम से तो अठारह के पहले वो भारत पर इनडायरेक्ट शासन करते थे अठारह से वह डायरेक्ट शासन करने लगे याद रखिएगा दूसरा देश के सभी शासकों को यानी जो रियासतें थी उनको भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा यानी रियासतों को अपने साथ जोड़ने का उपक्रम किया कि रियासतें अगर मेरे साथ रहेंगी चूंकि रियासतों ने ही क्योंकि रियासतों ने ही ब्रिटिश शासन को बचाया तो ऐसे में उन्होंने रियासतों को यह पुरस्कार दिया कि तुम्हारे किसी क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहां तक कि जो दत्तक पुत्र होते हैं उनको सौंपने की छूट दी गई जबकि लॉर्ड डलहोजी ने दत्तक पुत्रों को सौंपने की नीति दी थी इसीलिए झांसी ने विद्रोह भी, भी किया था लेकिन उन्हें इस बात के को की चलाने की दे दी तीसरा एक बार आप लोग खुद पढ़ें और मुझे बताएं समझ में आया कि नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों यानी फटाफट बताएं समझ में आया कि नहीं आया तीसरा पॉइंट सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम कर दिया गया यानी अब भारतीय सिपाही क्योंकि तो अगर अनुपात ऐसे रहेगा तो अगला भी विद्रोह हो जाएगा और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया इसके साथ साथ यह भी तय किया गया कि अवध बिहार मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों की भर्ती करने की बजाय अब गोरखा सिखों और पठानों में से ज्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे यानी सैन्य सिस्टम में भी बहुत बड़े चेंज की बात की गई चौथा देख सकते हैं आप फूट डालो और राज करो मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था तो यह भी एक अच्छा पॉइंट है पांचवा पॉइंट है अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे यानी हमारे जो परंपरागत मामले हैं उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे छठा है भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व तो देने के लिए नीतियाँ बनाई गई क्योंकि भूस्वामी और जमींदारों ने जो विद्रोही थे उनके अगेंस्ट यानी अंग्रेजों का साथ दिया और विद्रोहियों के साथ मिले नहीं क्योंकि अगर ये विद्रोहियों के साथ मिल गए होते तो फिर यानी अंग्रेजों की पराजय हो जाती इस प्रकार अट्ठारह के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा इसीलिए मैंने कहा कि जो अगली क्लासेस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखेगा क्योंकि इतिहास का एक नया चरण यानी हम लोगों ने एक चरण पढ़ लिया है क्या पढ़ लिया है हम लोगों ने एक चरण पढ़ लिया है यानी सत्रह के प्लासी के युद्ध से अंग्रेजी शासन की नींव पड़ती है अट्ठारह में के विद्रोह से उस नीव को हिला दिया जाता है और उस नीव के हिलाने का परिणाम यह होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके यानी ब्रिटिश महारानी के हाथ में भारत की सत्ता महारानी की घोषणा अठारह के माध्यम से सौंप दी जाती है और भारत पर प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन स्थापित होता है और भारत के शासन के लिए एक भारत मंत्री की भी नियुक्ति की जाती है ब्रिटेन की कैबिनेट में और उसकी सहायता के लिए एक इंडिया काउंसिल भी बनाई जाती है और भी, भी बहुत से रिफॉर्म किए जाते हैं जो रिफॉर्म आप लोगों ने पढ़ा और ये ये सारे रिफॉर्म आपको रटे होने चाहिए चूंकि इस पर मेन्स में भी क्वेश्चन आ सकता है प्रेलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि अठारह सौ के पश्चात यानी ब्रिटिश भारत में क्या क्या प्रशासनिक आर्थिक परिवर्तन किए गए या केवल प्रशासनिक परिवर्तन किए गए तो सारे प्रशासनिक परिवर्तन आप देख सकते हैं तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ें अब फिर यहाँ ये कहा गया कि अठारह के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हो गया क्या हो गया इतिहास का एक नया चरण शुरू हो गया और फिर क्या करना है भागना नहीं है अभी आप लोगों को हम लोग क्या करेंगे हम लोग यानी मैं आपका दस मिनट आस्क में एनी थिंग यानी आपसे मैं कुछ बातें पूछूंगा आपको बताना है ठीक है ना ध्यान रखिएगा यानी क्या करना है बताना है जब जनता बगावत करती है यानी देखिए ये मैप है तो इस मैप की प्रैक्टिस जरा ध्यान रखिएगा जहाँ जहाँ विद्रोह हुआ है तो मेरठ में हुआ दिल्ली में हुआ बरेली में हुआ लखनऊ में हुआ कानपुर में हुआ झांसी में हुआ फैजाबाद यानी अयोध्या में हुआ तो विद्रोह के मुख्य केंद्र ये रेड कलर से हैं और ब्लैक कलर से विद्रोह के अन्य केंद्र यानी जैसे जबलपुर नागौर नौगंग सागर बनारस दीनापुर महू नीमच नसीराबाद रोहतक बुलंदशहर अलीगढ़ मैन पूरी नवाबगंज यानी ये ब्लैक ब्लैक जालंधर सियालकोट लाहौर फिरोजपुर फिल्म तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो ऑप्शनल वाले बच्चे हैं ध्यान रखिएगा जिनका ऑप्शनल है अगर अट्ठारह के विद्रोह पर कोई प्रश्न आएगा तो आप मैप में दिखा दीजिएगा पूरा तो आप नहीं दिखा पाएंगे लेकिन विद्रोह के मुख्य के केंद्रों को आप केवल दिखा दीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा इंडिया का मैप बना करके इससे आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा और अगर जीएस में भी अठारह के विद्रोह पर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो जीएस के बच्चे भी मैप जरूर बनाएंगे जीएस के बच्चे भी मैप जरूर बनाएंगे ध्यान क्योंकि उससे या कॉम्प इस कंपटीशन में आप अपने कॉम्पिटिटर से कुछ मार्क्स ज्यादा पा जाएंगे ध्यान रखिएगा तो इसी के साथ हमारा पांचवा चैप्टर भी खत्म होता है और एक छोटा सा विज्ञापन शुरू होता है यानी मंडे टू संडे सिक्स पीएम सोमवार से रविवार शाम को छ बजे मैं आपको इंडिया के तीन सबसे बड़े अखबार पहला द हिंदू बिजनेस लाइन जो कि केवल ऑनलाइन आता है उसके एडिटोरियल्स द हिंदू उसके एडिटोरियल्स द इंडियन एक्सप्रेस अखबार उसके एडिटोरियल्स यानी कराता हूँ उसके साथ उनकी जो न्यूज़ होती हैं यानी प्रतिदिन की ढेर सारी न्यूज़ होती हैं उनको भी कराता हूँ ध्यान रखिएगा किस उद्देश्य से कराता हूँ यानी आई क्यू आई पी इंटरलिंकिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम इसका मतलब होता है क्या यानी जो भी ये एडिटोरियल्स होते हैं इनको मैं जोड़ता हूं आपके सिलेबस से यूपीएससी के सिलेबस से फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से और फिर आपको पढ़ाता हूं जिससे आप डायरेक्ट यानी यूपीएससी के माइंडसेट से यूपीएससी की तैयारी में तैयार होते हैं उसके साथ साथ एक और इनोवेशन करता हूं प्रतिदिन जैसे आपने नोटिस किया होगा जब आप मुख्य परीक्षा का आंसर लिखते हैं तो मुख्य परीक्षा का आंसर लिखते समय क्या होता है यानी मुख्य परीक्षा का आंसर लिखते समय कहीं ना कहीं नहीं, आपके पास शब्दों की कमी हो जाती है तो ऐसे में आप रिपीटेशन करने लगते हैं तो आपके शब्दों की कमी ना हो उसके लिए मैं यानी देख सकते हैं प्रोफेसर सुनील अभिव्यक्ति इनोवेशन प्रतिदिन पहली चीज आप मेरा कोई लेक्चर उठा के देखेंगे आपको यही दिखेगा ये सारे शब्द मेरे होते हैं यानी एडिटोरियल पढ़ने के बाद मैं अपनी अपने ढंग से यूपीएससी के सिलेबस के साथ जोड़ते हुए और आपके शब्द को मजबूत करता हूँ तो आप लोग यानी मंडे टू संडे याद रखें शाम को छह बजे जरूर मिले और संडे को साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेशल होता है तो आज शाम को सात बजे सॉरी छह बजे क्लास जरूर देखें और इसके साथ एक बार फिर कमेंट करके मुझे बताएं कि आज रात को आठ बजे क्या होने वाला है एक बार बताएं इसीलिए मैं आप लोगों का डाटा बचा रहा हूं आज रात को आठ बजे क्या होने वाला है फटाफट बताएं बच्चे बताएं और को -फट। सेशन को भाई लाइक करिए फटाफट सेशन को लाइक करिए चलिए 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 सेशन को लाइक करिए सभी बच्चे एक साथ सेशन को लाइक करिए आज शाम को सात बजे क्या होने वाला है फटाफट एक बार कमेंट करके बताइए चलिए 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 बताइए 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 भाई शाम को क्या होने वाला है क्या होने वाला है हाँ तो टेस्ट होने वाला मैं लिंक अभी मतलब क्लास खत्म होते ही मैं क्लास लॉन्च करके और आप लोगों को लिंक भेजता हूँ क्लास सेवंथ की एन का टेस्ट होने वाला है जैसे सिक्स क्लास के एन का टेस्ट तो जिन बच्चों का सेवन क्लास के एन सिक्स क्लास के एन का टेस्ट छूट गया है उनको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अपने उसी लाइव क्लास में तो अनएकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए जो डाउनलोड वाले हैं तो रात को आठ बजे मस्त इंजॉय करते हैं दो से सवा दो घंटे आपको और इसके बाद अब अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर सिक्स यानी वेवर्स आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स बुनकर लोहार्स अब यानी सिंपल है कि जो भारत का देसी हस्तशिल्प है उसका पतन हुआ कैसे भारत के देसी हस्तशिल्प का पतन यानी अंग्रेजों ने कैसे भारत के देसी हस्तशिल्प सॉरी हस्तशिल्प के पतन को संभव बनाया तो यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का क्या इंपैक्ट रहा है बुनकरों पर ठीक है ना कारखाना मालिकों पर तो ये सारी बातें हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखेगा तो पाँच मिनट लगेगा इसको मैं आप लोगों को बता दे देता हूं याद रखेगा यानी इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग इन सब का विशेष अध्ययन करेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है याद रखेगा ठीक है ना तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो तो इसको हम लोग ठीक है अगर कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे एक शब्द आएगा मसलिन अब अगर प्रीलिम्स में पीटी में आ गया मसलिन क्या है पीटी फैक्ट क्या है मसलिन क्या है तो अगर मसलिन आ गया तो आप परेशान हो साथ हो सकते हैं मसलिन यानी मलमल का कपड़ा मसलिन को ही मलमल कहा जाता था याद रखेगा तो मसलिन क्या है यानी मलमल के कपड़े को कहा जाता था याद रखेगा पुर्तगाली भारत में क्यों आए तो यहां लिखा हुआ मसालों की तलाश में आए याद रखेगा ठीक है ना और वो कहां आए 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 कालीकट में में दक्षिण भारत याद रखेगा। और इसके साथ साथ अब देखिएगा कैलिको क्या होता था कैलिको एक शब्द आएगा तो कैलिको जो सूती कपड़ा कालीकट से निकाला जाता था उसको कैलिको कहते हैं तो कैलिको सूती वस्त्र के लिए है याद रखिएगा तो कैलिको शब्द तो ऐसे कुछ कुछ शब्द इंपॉर्टेंट है कैलिको हो गए आपके आप इसको पढ़ सकते हैं ध्यान रखिएगा फिर इसके बाद ऐसे ठीक है ना ये ये हो गया बाकी और यहां पर कुछ भी नहीं जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया ठीक है ना फिर इसके बाद अब देखिएगा ठीक है इसमें भी कुछ खास आपका एग्जाम्पल नहीं है जो आपको याद रखेगा अब जाम दानी अब जाम द, दानी शब्द है यह बारीक मलमल होता था जिस पर सजावट का काम किया जाता था याद रखिएगा तो एक पॉइंट यह आपका इंपॉर्टेंट है ठीक है ना और अगर पूछ सकता है बारीक कपड़े पर छपाई के लिए कौन से केंद्र प्रसिद्ध थे पटना आंध्र प्रदेश या प्रसिद्ध था याद रखिएगा बाकी और आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पर ध्यान रखें फिर यहाँ पर भी आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं कैलिको वगैरह शब्द ही आ रहे हैं जो आप आसानी के साथ यानी पढ़ लिए हैं ठीक है ना सत्रह अब यहाँ पर बताया गया है कि जो औद्योगिक क्रांति हुई उस समय कौन कौन से विज्ञान के आविष्कार हुए तो ये पीटी में आएगा नहीं ध्यान रखेगा तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं इस मैप को भी बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है बुनकर कौन थे ये भी आपको जाने बुनकर आपको पता है बुनाई का काम करने वाले कारीगरों को हम बुनकर कहते हैं याद रखिएगा, ठीक है ना तो अब यहाँ पर आता है बुनकरों में कौन कौन थे तांती तांती कौन थे बुनकर थे बंगाल बे, के ये कभी कभार कठिन क्वेश्चन के रूप में आ सकता है राज्य और बुनकर एक तरफ राज्य लिख देगा एक तरफ बुनकर लिख देगा कौन सुमेलित है आपसे तो बंगाल में तांती उत्तर भारत जो होते थे उन्हें जु, जुलाहा या मोमिन कहा जाता था दक्षिण भारत के साले कहा कैकुलार कहा जाता था और देवांग कहा जाता था तो बस ये नाम आप या, याद रखेगा और ये क्यों फेल हो गए चूंकि भाई अंग्रेज मशीनों से बना हुआ उत्पाद भारत में भेजते थे तो अबियस इनका पतन होना ही था भारतीय कपड़े का पतन वही बताया गया क्यों हुआ क्योंकि ये हाथों से बुनते थे और वहां मशीनों से बुना जाने लगा तो ये सब भी आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और मेरा पूरा फोकस आप सबको पता है इस साल यानी प्रीलिम्स पर है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मेंस में घुस नहीं रहा हूं ध्यान रखिएगा नहीं तो ठीक है ना तो ये सारी बातें हैं ठीक है तो ये आप सूती कपड़ा मिलों का उदय तो भारत में अभी पीटी के लिए इंपॉर्टेंट पहली सूती कपड़ा मिल अठारह में बंबई में स्थापित हुई कहाँ स्थापित हुई बंबई में तो ये पीटी का फैक्ट आप याद रख सकते हैं बस बाकी और कुछ भी खास नहीं है ये फिर कोई मतलब नहीं है ठीक है ना भारतीय कपड़ा वगैरह कोई मतलब ही नहीं कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है टीपू सुल्तान तलवार और बुड स्टील कोई मतलब नहीं है टीपू सुल्तान तलवार ठीक है ना टीपू सुल्तान के बारे में आपने जो पढ़ना था पढ़ ही लिया ठीक है ना बुडज स्टील ये ये सब आपसे पूछेगा नहीं ये ये सारी बातें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है गाँव की उजड़ी भट्टियाँ ये भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ठीक है ना ये सब भी आपको देखने की जरूरत नहीं बिल्कुल आप छोड़ दीजिएगा ठीक है ये भी सब आपको भारत में लोहा इस्पात के कारखाना 1904 यानी 20वीं बीसवीं शताब्दी में लोहा व इस्पात का कारखाना भारत में आता है जमशेद जी टाटा भारत में बड़ा लोह योम इस्पात कारखाना लगाने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे याद रखेगा ठीक है तो ये सारी बातें हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है याद रखिएगा। ठीक है ना? 1912 में यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में की जाती है कब की जाती है 1907 में और जिसमें 1912 से उत्पादन शुरू हो जाता है तो ये आपको बताया गया है याद रखिएगा। फिर इसके बाद टिस्क, टिस्को की स्थापना हुई वो सारी बातें बताया गया कोई मतलब नहीं है उसके बाद की कहानी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जापान में औद्योगिकरण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तो ये चैप्टर हमारा खत्म विज्ञापन मैंने कई बार कर ही दिया है तो इसको बताने की जरूरत नहीं मंडे टू संडे शाम को छः बजे जो भी बच्चे इस एडिटोरियल को देखेंगे एक बार जरूर शाम को छः बजे लाइव आकर के द हिंदू बिजनेस लाइन द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल का मेरा एनालिसिस की क्लास जरूर देखेंगे पूरे यूट्यूब के इतिहास में इतना विस्तृत एडिटोरियल एनालिसिस कहीं नहीं किया जाता है ध्यान रखिएगा पूरा यू या स्टेट पी एस जहाँ का सिलेबस यू के अकॉर्डिंग है वहाँ के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है तो अब मेरे प्यारे बच्चों यानी मूल निवासी को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर पहुँच गए थोड़ा सा मैं बस दस सेकंड का ब्रेक लूँगा उसके बाद आता हूँ मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा और सेशन को बच्चों लाइक कर दीजिए प्लीज़ ठीक है बच्चों तो अब यहाँ से यानी चैप्टर नंबर सेवन और इसके बाद चैप्टर नंबर सेवन एट नाइन टेन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ यानी इस एन में कुल आप लोग ये बताएं कि कब इसको ख़त्म किया जाए क्योंकि तो जिससे मैं चाहता हूँ कि संडे को हम एक नई एन ही शुरू करें तो आप लोग मुझे ये बता दें क्योंकि इसमें कितने चैप्टर हैं वो मैं आप सबके सामने रखता हूं इसमें मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के दस चैप्टर हैं एनसीईआरटी में तो हमने छ खत्म कर दिया सेवन एट नाइन लेकिन भागना नहीं चाहता चूंकि इसमें स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास है तो चार चैप्टर बच रहा है सेवन एट नाइन टेन यानी ये दो घंटे का काम है तो क्या आप सब एक बार कमेंट करके बताइएगा ये दो घंटे का या ज्यादा से ज्यादा तीन घंटे का लेक्चर है तो क्या कल क्या कल सुबह यानि सात बजे आप फिर से रेडी हो सकते हैं मेरे लिए क्या कल सुबह सात बजे आप फिर रेडी हो सकते हैं कि मैं इसको ख़त्म कर दूं जिससे फिर हम लोग यानी अगले संडे नाइन्थ क्लास के एन जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें विश्व इतिहास है और एक ही लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा नाइन्थ क्लास के एन को शुरू कर सकें यानी हर एक संडे जो मेंस के लिए लेकिन ये नहीं है कि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट विश्व इतिहास जनरल स्टडीज की यूनिट जो है पूरी की पूरी एक विश्व इतिहास की है वो मैं खत्म करा दूंगा तो एक बार कमेंट करके कर बताएं कि केवल चार चैप्टर सेवन एट नाइन टेन चार चैप्टर है कल खत्म करूं या नेक्स्ट संडे को करूं अब आप खुद मुझे बताएं याद रखेगा मुझे तो लगता है कि कल खत्म कर लिया जाए ठीक है क्या कर लिया जाए कल खत्म कर लिया जाए एक बार कमेंट करके बताइए बोलो फटाफट बताओ आज नहीं हो पाएगा बच्चे इसमें टाइम लग जाएगा ना आप क्योंकि शाम को टेस्ट भी है ना तो आज आप लोग थको मत कल कर लेंगे क्या टेंशन है ठीक है चलो मैं बताता हूं मैं बताता हूं कब करना है कब नहीं करना है सर दत्तक पुत्र बच्चे कोई बच्चा पूछ रहा है दत्तक पुत्र का मतलब होता है कि जैसे किसी की कोई संतान ना हो वो दूसरे से कोई संतान यानी ले ले उसे कहते दत्तक पुत्र यानी उसका अपना अपने स्वयं के खून से उत्पन्न ना होने वाला पुत्र और उसे किसी से उधार लिया जाए यानी गोद लिया जाए उसे दत्तक पुत्र कहते ठीक है चलो ठीक है तो इसको चार चैप्टर बचा हुआ है इसको खत्म करते हैं और ठीक है मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर सेवन पे हम लोग पहुंचे हुए हैं ध्यान रखिएगा चैप्टर नंबर सेवन पे और एक बार सेशन को भाई फटाफट लाइक करिए तुरंत लाइक करिए सेशन को लाइक जरूर करिए तो ठीक है नहीं नहीं जैसे आप लोग ये कहते हो ना पहले सेशन को लाइक करिए जैसे देखिए आप लोग ये कहते हो कि सर अब जैसे मैं रिदम में हूँ अब पता चला कि दो तीन दिन के गैप के बाद मैं ढीला पड़ गया फिर क्या होगा और आपको पता है कई चीजें चली हैं और रुक भी गई हैं कई चीजें हम लोगों ने चलाई हैं बाद में वो रुक गई तो जब हमने कई चीज़ें चलाई हैं बाद में रुक गई तो इसको इसको तो रुकने नहीं देना है तो मुझे भी लगता है कि कल हम इसको बच्चे चाहे जितने रहें आए कम आए ज़्यादा आए कल तो इसको हम लोग खत्म कर लें कल इसको हम लोग ख़त्म कर लेते हैं और इसके बाद फिर अगले संडे को इसका टेस्ट रख लेंगे क्या रख लेंगे अगले संडे को इसका टेस्ट रख लेंगे तो यानी हम सिक्स सेवन एथ एन खत्म और उसके बाद नाइन्थ की यानी पूरा विश्व इतिहास खत्म उसमें इंडियन हिस्ट्री भी है फिर अगले संडे यानी आप मानो सितंबर में आपकी एन न्यू एन खत्म क्योंकि जैसे मान लो आप एर्थ क्लास की एन आज खत्म हो गई अब अगला संडे कब पड़ेगा सितंबर में तो यानी सितंबर में चार हो गए तो आपका हो गया नाइन्थ टेंथ अलेवन्थ ट्वेल्थ सितंबर में आपकी न्यू एन ख़त्म फिर इसके बाद हम जो है अक्टूबर में अक्टूबर में फिर ओल्ड एन ख़त्म तो अक्टूबर तक आप फ्री हो जाएंगे कम से कम इतिहास की एन पढ़ के, के फिर नई एन सी आर टी या आप लोग कहेंगे कि ठीक है क्या उठाऊंगा पॉलिटी एनसीआर टी उठाऊंगा तो पॉलिटी एन टी करेंगे ठीक है तो इसी हिसाब से चलते चलेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग प्रिलिम्स में कभी फेल नहीं होंगे और प्रिलिम्स निकाल पाएंगे आई थिंक आप लोग इस बात से एग्री करते होंगे एक बार बताएं सब सारे बच्चे इस बात से एग्री कर रहे हैं सारे बच्चे इस बात से एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ठीक है तो ये रहेगा और शाम को छह बजे सभी लोग साइंस एंड टेक की क्लास मिस मत करो देखो हमारी एक आदत होती हिंदू में कितने बच्चे लाइव होते हैं लेकिन साइंस टेक वाले में आदत बनाओ मैं हमेशा कह रहा हूं सफल होना है तो सफलता को आदत बनाओ क्या होना है सफल होना है तो सफलता को एक हैबिट बनाओ एक आदत बनाओ अगर सफलता को हैबिट नहीं बनाओगे आदत नहीं बनाओगे तो सफल नहीं हो पाओगे तो सफलता को हैबिट बनाइए ये ध्यान रखिएगा तो हैबिट कैसे बनेगी जब आप पढ़ाई की हैबिट डालेंगे यानी हमको छ बजे ये पढ़ना है हमको सात बजे ये पढ़ना है, हमको यानी एक आदत साइंस टेक एक आदत बना लो हिंदू के एडिटोरियल एक आदत बना लो कि कुछ ना करना है ये करना ही करना है जिस दिन आप आदत बना लोगे सक्सेस को आप सोचिए उस दिन आपको कौन पीछे कर पाएगा ठीक है क्या इस बात से एग्री करते हैं आप सभी लोग ठीक है हाँ कल ही खत्म कर दूंगा मैं इसमें कोई रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं कल सुबह मैं इसे खत्म कर दूंगा कल सुबह ही इसे मैं खत्म कर दूंगा ये मेरा वादा है ज्यादा ज्यादा तीन घंटे लगेंगे चार ही चैप्टर है तीन घंटे से ज्यादा नहीं तो कल सुबह सात बजे के लिए तैयार रहिएगा मैं की बनवा लेता हूं अभी तुरंत ठीक है ठीक है बच्चों फिर डेटा बचाइए सेशन को लाइक करिए फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए एक बार सारे बच्चे फटाफट सेशन को लाइक कर दें और थैंक यू सो मच बच्चे कल सुबह सात बजे हम मिल रहे हैं डील क्लियर है सुबह सात बजे हम डील क्लियर करते हैं मिल रहे हैं तीन घंटे का लेक्चर और ये एनसीईआरटी खत्म और उसके बाद फिर अगले संडे को अगली अनुसार्टी खत्म और हिंदू अपना चल ही रहा कुछ नए इनिशिएट भी प्लान कर रहा हूँ जो अगले महीने से शुरू करूंगा यानी दिसंबर से मैं शुरू करूँगा मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद मेरे प्यारे बच्चों शाम को छह बजे द हिंदू की क्लास में जय हिंद लेट्स क्रैक गॉड ब्लेस एवरीमन आठ बजे आज टेस्ट है सबको आना है ध्यान रखिएगा थैंक थांक्य। यू सो मच और हाँ बहुत बहुत प्यार बहुत बहुत आशीर्वाद थैंक यू सो मच